Hello, friends, and welcome to Sleepy Classes. Now, as you must have seen in the schedule and in the introductory video, the first thing that we will be starting with is going to be best in political thought. अब जैसे कि नाम खुद ही बता देता है ये जो है बेसिकली वेस्टर्न सिविलाइजेशन के जो सबसे प्रोमिनेंट थिंकर्स रहे हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किए हैं टू सम ऑफ द मोस्ट फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट सबसे बेसिक आइडियाज जिनके बेसिस पे जो है पॉलिटिकल साइंस एक एकेडमिक सब्जेक्ट बन पाया है ठीक है तो बिफोर स्टार्टिंग विद पॉलिटिकल थ्योरी फेमिलियरिटी इन कुछ बेसिक थिंकर्स के साथ बहुत जरूरी है क्योंकि हम आगे चल के थ्योरी में भी देखेंगे कि कैसे इन्हीं थिंकर्स के आइडियाज जो हैं डिफरेंट फेजेस के अंदर डिफरेंट स्पेसेस के अंदर या तो उनको आगे लेके जाया जा रहा है या फिर उनका क्रिटिसिज्म हो रहा है सो रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर being अबाइडेड बाय और वेदर दे आर being क्रिटिसाइज इन थिंकर्स की जो कंट्रीब्यूशन है वो अमूल्य है इट इज इन राइट एंड वन ऑफ द मोस्ट थिंकर्स जिनको हम रिगार्ड करते हैं एज द फादर ऑफ पोलिटिकल फिलोस आगे रखे इस प्लेटो ठीक है अब इस वीडियो के अंदर हम क्या करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट प्लेटो के उनके बारे में मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने वाली हूं

प्लेटो को जैसे हम देखेंगे ये बात कर रहे हैं जस्टिस की ये बात करते हैं थ्योरी ऑफ एडुकेशन की ये बात करते हैं फिलोसफी ऑफ नॉलेज की ये बात करते हैं फिलोसफी ऑफ स्टेट की तो सिर्फ एक आइडिया के साथ नहीं हमको हम इनको जोड़ सकते हैं मल्टीपल आइडियाज है जिनमें इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन रही है एंड दैट इज़ वाई हम इनको एज इंडिविजुअल थिंकर्स पढ़ रहे हैं एंड नॉट ओनली एज अ पार्ट ऑफ पोलिटिकल थ्योरी अब ये माइंड मैप जो है इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट इनके आइडियाज़ को कनेक्ट करता है कि किस तरह से वन आइडिया लीड्स टू दी अदर ठीक है साथ ही में एक बेसिक uh, एक आप लेइंग डाउन बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट थिंकर एंड जो पार्ट वन ए है काफी ज़्यादा वोकैबुलरी रिच है काफी ज्यादा कंटेंट हैवी है काफी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग ओरिएंटेड है राइट right? और बहुत जरूरी है क्योंकि पूरी की पूरी पॉलिटिकल साइंस ही इन आइडियाज पे बेस्ड है ठीक है तो कुछ टाइम लग सकता है कुछ चीज़ों को समझने के लिए एंड दैट इज व्हाई आई एम ट्राइंग टू मेक दीज माइंड मैप्स ताकि आप इजी लैंग्वेज में बेसिक कॉन्सेप्ट समझ पाओ ठीक है हाउ एवर

हर आइडिया फोकस्ड पर्टिकुलर वीडियो जो है वो आप देखिए ठीक है क्योंकि वही वीडियोस है जो आपको मार्क्स दिलाएंगे राइट सो लेट्स स्टार्ट विद द माइंड मैप प्लेटो का अब जैसे कि आपको पता है प्लेटो जो है ग्रीक पॉलिटिकल थॉट को बिलोंग करते हैं एंशिएंट ग्रीस जो है वहां से जो है ये आए थे अब प्लेटो के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट एक जो चीज हो जाती है समझ सो नाउ लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेन आइडियाज प्लेटो के अब सबसे पहले जरूरी है जानना कि अगर ग्रीस से आ रहे हैं कोई पॉलिटिकल थिंकर तो उनके ऑब्वियस एक इन्फ्लुएंस क्या रहेंगे सॉक्रेटिस रहेंगे एंड सोक्रेटिस जो है इनफैक्ट प्लेटो के ही टीचर थे सो so, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ मेथोडोलॉजी इन टर्म्स ऑफ किस तरह से वो पॉलिटिक्स को व्यू करते हैं इन टर्म्स ऑफ उनको कौन से आइडियाज ठीक लगते हैं इन टर्म्स ऑफ वो किस तरह का स्टेट बना बनाना चाहते हैं ये सब जो है सोक्रेटिस से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुंस हुआ था ठीक है बट इसके रिगार्डिंग जो मेथोडोलॉजी का क्या मतलब होता है कि एंड हमारा डिसाइडेड है हमें पता है कि मुझे इस तरह की लाइफ जो है व्यतीत करनी है एंड दिस इज द फाइनल स्टेट दैट आई वॉन्ट टू अचीव राइट सो एंड जो है प्री डिसाइडेड है एंड देन उस एंड की पाने की तरफ जो है हम काम कर रहे हैं तो मेथोडोलॉजी जो है वो एक सेपरेट वीडियो के अंदर की गई है अभी हम फटाफट माइंड मैप्स के थ्रू उनके आइडियाज को देख लेते हैं अब इस सोक्रेटिस इंफ्लुएंस से निकल के आया था वेरी इंपॉर्टेंटली उनकी थ्योरी ऑफ नॉलेज जिसको हम थ्योरी ऑफ ये जो है आइडियाज भी कहते हैं अब अगर इसको बहुत बेसिक वे में समझना है ना यहां पे मैंने नीचे क्या लिखा हुआ है कि आइडियाज आर मोर हिंदू फिलॉसफी के अंदर भी आप बहुत सारे लोगों ने ये चीज सुनी होगी राइट right? के सीरियल्स में आती है ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि ये सब तो मो माया है ठीक है कि यहाँ धन दौलत इन सब के पीछे मत भागो ये सब तो माया है एक्चुअल में तो मोक्ष की तरफ जाओ सिर्फ मोक्ष रियल है बाकी आसपास की जो मटेरियल चीजें हैं दीज आर ऑल मेयर अपियरेंसेज दीज आर ऑल मेयर डिस्ट्रैक्शंस अब इसका एक रिफॉर्म्ड वर्जन जो है वो आपको प्लेटो देते हैं प्लेटो क्या बोलते हैं कि आसपास की हमारी जितनी जो चीजें हैं ना जिसको हम बोलते हैं मैटर साइंस में पढ़ा ना मैटर है ना तो इसको ये जो मैटर है हमारे आसपास जो मिलता है जो ये मटेरियल चीजें हैं चाहे ये पैसा हो चाहे ये एक सिंपल चीज टेबल हो चाहे ये आसपास के लोग हो ये सब जो है सिर्फ अपियरेंसेज हैं ये सब जो है तो अगर मैं एक रियल पर्सन हूँ तो हम बोलते हैं ना मेरी शेडो क्या है या मेरी मिरर में रिफ्लेक्शन क्या है सिर्फ एक अपियरेंस है इज दैट एक्चुअल पर्सन नहीं वो नहीं है तो इसी तरह से प्लेटो क्या बोल रहे हैं एवरीथिंग वर्ल्ड अराउंड अस इज अ शैडो ऑफ अ परफेक्ट आइडिया अब ये परफेक्ट आइडिया का मतलब क्या हुआ अब आप इमेजिन करो टेबल है है ना आप टेबल पे पढ़ते हो ठीक है टेबल क्या है मैटर है मटीरियल है ठीक है एक गुलाब रोज रोज क्या है मैटर है मटीरियल है देर इज दिस फ्लावर विच इज ए रेड इन कलर Which smells a certain वे एंड इसको मैं क्या बोलती हूँ कि ये रोज है एंड इसका नाम जो है इस फ्लावर इस पर्टिकुलर फ्लावर का नाम रोज है तो अगर आपके सामने कोई सनफ्लावर ले आए कि आप उसको रोज बुलाओगे नहीं बुलाओगे अब प्लेटो क्या कहते हैं प्लेटो कहते हैं कि ये गुलाब का फूल दिस दिस यू नो फ्लावर कॉल्ड रोज दैट आर होल्डिंग इन योर हैंड दिस इज अ मियर रिफ्लेक्शन ऑफ अ लार्जर आइडिया लार्जर आइडिया जो है अब वर्ल्ड में नहीं हमारी कॉन्शियसनेस हमारे दिमाग में एग्जिस्ट करते हैं राइट सो वी कंसीव ऑफ एन आइडिया जहां पे वी थिंक ऑफ समथिंग व्हिच इज दिस स्वीट स्मेलिंग व्हिच इज सो ब्यूटीफुल एंड देन वी डिसाइड टू कॉल इट रोज तो हमारे वर्ल्ड में जब वो आसपास एग्जिस्ट करता है वो उसकी सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है

रोज बायर नेम व उसका मतलब क्या है कि चाहे आप रोज को कल से ग्लैडुला बुला लो बना लो, तो क्या उसकी जो फीचर्स हैं, जो उसकी एक वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं क्या वो बदल जाएंगे नहीं इट वुड स्मेल जस्ट एज स्वीट वो उतना ही अच्छा स्मेल करेगा वाई बिकॉज दैट इज एन आइडिया विच एग्जिस्ट आप वर्ल्ड में उसको जो मर्जी बुला लो ग्लैडुला बुला लो डेफिडुल बुला लो जैसमिन बुला लो जो मर्जी बुला लो बट दईडिया ऑफ रोज तो वही रहेगा ना द स्वीट स्मेलिंग ब्यूटिफुल फ्लॉवर

बोर्ड सा बना दूं जिसमें मैं नीचे चार लाते लगा दूं, ठीक है अगर ये इमेज आपके सामने आ जाए आप इसको क्या बोलोगे कि टेबल है है ना अब जिस इंसान ने इमेजिन करो द फर्स्ट कारपेंटर हु मेड अ टेबल उसके दिमाग में तो एक आइडिया ही आया होगा कि अच्छा एक ये फट्टा होगा जिसके साथ आई एल अटैच दिस फोर लेग्स एंड दिस कैन बी यूज्ड फॉर मल्टीपल पर्पसेस टू ईट फूड टू स्टडी टू कीप सर्टेन थिंग्स दू तो वो क्या था वो एक आइडिया था एंड दैट इज द परफेक्ट आइडिया अब इमेजिन करो कि वो जो पहला कारपेंटर था इन ऑफ कॉलिंग इट टेबल वो उसको चेयर बुला देता तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाते नहीं क्यों क्योंकि आइडिया तो परफेक्ट है मैटर में जो मर्जी होता रहे टेबल की एक टांग टूट जाए

हाइपोथेटिकल सर्कमस्टैंसेसर्कम स्टैंड बना रहे हैं जिसके बेस पे आपको ये कुछ एक चीज समझाना चाहते हैं और क्या समझाना चाहते हैं ये आइडियाज और मैटर के अंदर डिफरेंस तो अब मिथोफ केव क्या है ऑफ केव के अंदर ये कहते हैं कि इमेजिन कीजिए एक केव है जहां पे चेन्स लगी हुई हैं और इन चेन से जो है कुछ लोग बंधे हुए हैं राइट एंड ये लोग जो है कहीं हिल नहीं सकते इनको सिर्फ क्या दिखता है दी थिंग विजिबल टू देम इज दिस केव की वॉल ठीक है अब यहां पे जो है एक आग चल रही है राइट right? अब फायर चल रही है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ शेडोज कास्ट होंगी राइट तो अब क्योंकि पीपल हैव नेवर बीन आउटसाइड इन द वर्ल्ड इनको क्या लगता है कि जो शेडोज आगे कास्ट हो रही है ना यही एक्चुअल में वर्ल्ड है इसी बेसिस पे जो है वर्ल्ड काम करता है यही मैटर है यही रियालिटी है राइट एंड दिस इज हाउ दे लिव नाउ इमेजिन करो बंद्रॉम दिस वर्ल्ड एंड गोस इन टू दउट साइड वर्ल्ड राइट आउटसाइड द केव फॉर दस्ट टाइम एंड दैट इज वेन ही रियलाइजेस अरेव के अंदर देख रहे थे ये तो जो actual वर्ल्ड है that तो टू एग्जिस्ट आउटसाइड ये है जो कि रियल है जो वो हम देख रहे थे वो तो बस शेडोज हैं तो इसी तरह से प्लेटो भी समझाने की कोशिश करते हैं कि हमारे आसपास जितना भी मैटर या मटेरियल है ये इस केव के ऊपर बन रही बस की तरह जो एक्चुअल आइडियाज है जो एक्चुअल नॉलेज है जो कि सबसे परफेक्ट है जो कि आइडियल है, है वो तो हमारे कॉन्शियसनेस के रेल में ही एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में आसपास हमको दिखती ही नहीं एक और एनालॉजी वो यूज करते हैं विच इज कॉल्ड एनालॉजी एक तो मिथ ऑफ केव आ गया सॉरी एनालॉजी ऑफ केव नहीं होना चाहिए एनालॉजी ऑफ सन होना चाहिए ठीक है सन अब इमेजिन करो जैसे कि मिथ ऑफ केव था आप अपने आप को इमेजिन करो कि आप जो है एक रूम के अंदर बंद है ठीक है पूरी डार्कनेस है आपको कुछ नहीं दिखता एंड एकदम से व्हेन यू कम इनटू द सन यू गेट व्हाट यू गेट विजन यू कैन सी एवरीथिंग राइट तो उसी तरह से आपको एक रीजन की जरूरत पड़ती है जो सन है एक तरह से कैटलिस्ट बन जाता है विच हेल्प यू लुक एट थिंग्स विद क्लैरिटी तो इसी तरह से आपको रैशनैलिटी रीजन की जरूरत होती है ताकि आप आइडियाज को समझ पाए ठीक है तभी जो है इन आइडियाज को आप पॉसिबली समझ पाओगे नहीं तो आप मैटर मटीरियल जो है उसी के अंदर फंसे रहोगे अब ये आइडियाज के कुछ फीचर्स क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है आइडिया सबसे पहले बोलते हैं ये इनफेलेबल है इनफेलेबल का क्या मतलब है इनके अंदर कुछ गलत नहीं है दे आर फ्लॉलेस दे आर परफेक्ट तो ये बोल रही हूँ ना आइडियाज आर परफेक्ट एक रोज इन मैटर जो है उसकी शायद स्मेल गंदी हो सकती है मुरझाया हो सकता है ठीक है कैटापिलोज उस पे हो कुछ भी हो सकता है वह आइडिया के रेल में दैट रोज विल बी परफेक्ट ठीक है सिमिलरली आर ऑल्सो परमानेंट राइट अब मैटर जो हमारे आसपास है वो तो डीके हो जाएगा आज कोई फूल बहुत सुंदर हो क्या वो एक हफ्ते बाद सुंदर होगा नहीं वो मर जाएगा सिमिलरली एक टेबल आज बहुत अच्छा है इमेजिन करो टेन इयर्स लेटर क्या वो उतना ही अच्छा होगा नहीं वो भी खराब हो जाएगा तो आइडियाज लेकिन जो है आइडिया कभी मरता नहीं आइडिया इज परमानेंट आइडिया इज एवर लास्टिंग अब इन आइडियाज को आप कैसे परसीव करोगे जैसे कि मैंने आपको ये एनालॉजी ऑफ सन के थ्रू बताया था किसके थ्रू रैशनल इन्वेस्टिगेशन थ्रू द यूज ऑफ रीजन थ्रू द यूज ऑफ विजडम दैट इज हाउ यू अंडरस्टैंड आइडियाज ठीक है तो ये जो है इनकी थ्योरी ऑफ आइडिया हो जाती है जो कि एक बेसिक फाउंडेशन ले डाउन करती है ऑफ प्लेटोस थॉट नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया जो कि है प्लेटो का दिस इज कनेक्टेड टू द थ्योरी ऑफ सोल अगेन आप कितनी बार मैंने इंटरकनेक्शन ड्रॉ किया हिंदुइज्म के साथ है ना जैसे कि आइडियाज के उसमें भी मैंने बताया कि ये सब मोम आया है एक इससे एस्केप करना है हमने इसको हमने एक्चुअली नहीं मानना इसको हमने रियल really नहीं मानना अगर मोक्ष पाना है यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज मो माया दैट आई कनेक्टेड विद द थ्योरी ऑफ नॉलेज अब थ्योरी ऑफ सोल हिंदुजम में अगेन हम बोलते हैं कि हम सब में एक आत्मा है राइट तो उसी तरह से प्लेटो भी कहता है कि हम सब में एक सोल है बट इसकी जो ये सोल की थ्योरी है कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल थ्योरी नहीं है इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल थ्योरी अब ये क्या कहता है कि सोल जो है लोगों की डिफरेंट डिफरेंट तरह की हो सकती बेस्ड कि ऑन किस तरह का एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो फॉर एग्जाम्पल अब वो तीन कैटेगरीज़ ऑफ सोल बताता है पहला वो बोलता है कुछ ऐसे लोग होते हैं वो गिवेन टू एपिटाइट एपिटाइट का क्या मतलब होता है वॉन्ट चीजें चाहिए डिमांड करते हैं राइट सो आई वॉन्ट टू अर्न मोर मनी आई वॉन्ट टू क्रैक द यू पी एस सी आई वॉन्ट टू डू दिस आई वॉन्ट टू डू दैट द्यूमरस थिंग्स दैट आई एम आई एम वॉन्टिंग टू डू ठीक है कि मेरे को एक बड़ा घर बनाना है मुझे अपनी फैमिली को एक नई गाड़ी दिलानी है मेरे को बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है तो ऐसे बहुत सारे वॉन्ट्स होते हैं बट ये जो एपिटेटिव पार्ट है जो वॉन्टिंग पार्ट है जो डिमांडिंग पार्ट है उसको बैलेंस आउट करने की हम कोशिश करते हैं जिसको हम बुलाते हैं टेम्परस या मॉडरेशन मतलब इफ आई वॉन्ट मनी देर शुड बी सम बैलेंस इन मी ऑल्सो राइट इसका यह मतलब नहीं हो सकता कि मैं पैसे कमाने के चक्कर में यू you नो know, लोगों की सुपारी लेना शुरू कर दू स्टार्ट मर्डरिंग पीपल और स्टार्ट यू नो कॉन्फेस्केटिंग अदर पीपल्स प्रॉपर्टीज फोर्सिबली राइट तो टेम्पर क्या है जो ये एपटाइट है हमारे अंदर उसको जब वो मॉडरेट करने की कोशिश करते हैं दिस इज वन कैटेगरी ऑफ सोल नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ सोल इज ऐसी सोल्स जिनके अंदर करेज बहुत ज्यादा होती है ठीक है are आर वेरी Who वो आर वेरी ब्रेव राइट are आर right? people. हम कहते हैं ना कारगिल में हमारा सोल्जर हमारे लिए लड़ रहा है हमें प्रोटेक्ट कर रहा है भाई इट टेक्स अ लॉर्ड ऑफ करेज टू लीव योर फैमिली बिहाइंड टू गो ऑन दैट बॉर्डर इन सच इन हॉस्पिटेबल सर्कमस्टांसिस एंड टू फाइट द एनिमी देयर टू प्रोटेक्ट योर कंट्री टू प्रोटेक्ट द कंट्रीज नेशनल इंटरेस्ट राइट सो दीज आर सोल्स जिनके अंदर ये ब्रेव ब्रेवनेस ये करेज जो है बहुत ज्यादा एग्जिस्ट करती है

इसी कैटेगराइजेशन को वो किस तरह से प्रूव करने की कोशिश करता है अगेन ही गोज बैक टू दी आइडिया ऑफ एनालॉजी जिस तरह से उन्होंने अपने थ्योरी ऑफ आइडियाज़ में किया था एंड यहां पे ही टॉक्स ऑफ व्हाट इज कॉल्ड द मिथ ऑफ मेटल्स मिथ ऑफ मेटल्स क्या है अब वो कहते हैं राइट right? ये हमारे भी यहाँ पे कॉन्वर्सेशन होती है कि हम हम सबको धरती माँ ने जन्म दिया है तो इमेजिन करो बेचारा प्लेटो भी कहीं पे पिछड़ा हुआ एक भारतीय टाइप सी है तो वो भी कहता है ऑल ऑफ अस ऑल ऑफ अस ह्यूमंस ऑल ऑफ अस मैन हैव कम आउट ऑफ अर्थ ओनली तो जैसे कि अर्थ के अंदर कुछ मेटल्स पाए जाते हैं वैसे ही हम ह्यूम भी जो है वेरिंग काइंड ऑफ मेटल्स हैं Now one metal which is found in earth is what bronze or copper, right? और ये men of bronze कौन है? ये men of bronze है जिनके अंदर ये temperance है। तो जो ordinary लोग होंगे, जो worker, farmers, manufacturers, ऐसे type लोग होंगे। Then there are men of silver, ठीक है? थोड़ा rare हो गया ये metal। ये कौन से लोग हैं जिनके अंदर courage prevail करता है? And then in the end, the rarest, the most precious of the metals, रीजन प्रिवेल करता है जिनके पास रैशनैलिटी का एलिमेंट जो है वो होता है और यहीं से निकल के आती है वेरी इंपॉर्टेंटली अब देखो हमने थ्योरी ऑफ सोल एज एन आइडिया डिस्कस किया एंड इसी थ्योरी ऑफ सोल से उनका दूसरा आइडिया निकल के आएगा विच इज द थ्योरी ऑफ जस्टिस अब इस थ्योरी ऑफ जस्टिस को वो दो लेवल्स पे समझाने की कोशिश करेंगे एट द इंडिविजुअल लेवल एंड एट द कलेक्टिव लेवल अब इंडिविजुअल लेवल पे वो क्या बात करते हैं अब हमने बात कर ली कि थ्योरी ऑफ सोल है हर इंसान के अंदर सोल है एंड हर इंसान की सोल जो है डिफरेंट होगी कईयों की सोल जो है उनके अंदर टेंपरेंस हो सकती है कईयों की सोल में करेज हो सकती है कईयों की सोल में रीजन हो सकती है तो एट एन इंडिविजुअल लेवल हमें क्या करना चाहिए वी शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई वॉट काइंड ऑफ सोल वी एट हम बहुत बार बोलते हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स कर देते हैं कि इंडिया के अंदर ये कल्चर है कि लड़का हुआ तो नॉन मेड लेगा लड़की हुई तो मेडिकल लेगी क्योंकि आर्ट्स एंड कॉमर्स तो कौन ही करता है ठीक है चलो कॉमर्स तो हमने फिर करा दी आर्ट्स तो ओहो हो कौन ही करता है ठीक है अब हम क्या बोलेंगे इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट है ना अब आपने ऐसा भी हो सकता है लॉट ऑफ यूर इंजीनियर्स और डॉक्टर्स बट आके आपने ऑप्शनल क्या चुना है पोलिटिकल साइंस ऑप्शनल चुना है जो कि ह्यूमैनिटीज है जो कि सोशल साइंसेज है

दे आर सोल एक डिविजन ऑफ लेबर बन गई ठीक है तो हर किसी में जिसके अंदर है मॉडरेशन है वो सारे से फार्मर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए जितने जस, जिसके अंदर से करेज था उनको एक दूसरी जॉब दे दी हमने जितना जिनके अंदर जो है रीजन था उनको एक अलग पर्टिकुलर जॉब जो है वो हमने ग्रांट कर दी ठीक है अब इस बेसिस पे क्या हुआ एवरी वन इज डूइंग गुड एट राइट एंड डूइंगन इज ऑल्सो डिपेंडेंट फॉर अदर थिंग्स अब एक सोल्जर बन गया कोई इंसान हु इज वेरी करेजियस कैन अ सोल्जर डू विदाउट फूड नो है ना तभी हमारे जो एकदम इन हॉस्पिटल सर्कमस्टांसिस में माउंटेन्स एक्सेट्रा में भी बैठे होते हैं वी हैव टू सेंड सेंडम गुड क्वालिटी टेंट्स वी हैव टू सेंड दम वॉर्म क्लोथ्स वी हैव टू सेंड दम फूड वी हैव टू सेंड दम लिकर ताकि वो जो है गर्म रहे इसको प्रोड्यूस भी तो किसी ने करना है

They can't perform the task. उस टास्क के लिए यू नीड अ सेपरेट ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सोल अलाउज दैट करेज एंड दैट फाइटिंग स्किल तो इसके कारण क्या है इंटरडिपेंडेंस हो जाती है अमंग्स द वेरियस काइंड्स ऑफ ऑफ पीपल एंड बिकॉज दिस रीजन हम कहते हैं जो ये नई सोसाइटी या स्टेट निकल के आती है उसके अंदर बहुत ज्यादा यूनिटी एंड हार्मनी होती है बाय बिकॉज एवरी वन इज डूइंग दे आर गुड एट तो कोई दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा बिकॉज दे नो दैट इज समथिंग दैट दे आर बेटर एट सो इज नो पॉइंट टेलिंग दे साथ ही में बिकॉज ऑफ इंटरडिपेंडेंस

जिसको वो मॉडरेट कर रहे हैं थ्रू टेम्पर वो लोग क्या बन गए वर्कर्स बन गए फार्मर्स बन गए जिनके पास कारेज है वो एक सेपरेट क्लास हो गई वो कौन है ऑक्सिलरीज जो हमारे सोल्जर्स हैं और जिनके पास रीजन है रैशनैलिटी है वो क्या बन गए वो गार्डियंस बन गए पीपल रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग द स्टेट जो है वो बन गए तो जब ऐसी स्पेसिफिक स्पेशलाइज क्लास डिविजन हो जाएगी एंड हर क्लास जो है अपने हिसाब से अपने काम को सबसे बेहतर तरीके से करेगी इट विल लीड टू अ यूनिफाइड

जस्टिस इज कनेक्टेड टू द इंडिविजुअल लेवल जब इंडिविजुअल करती है तो एक यूनिफाइड एंड हारमोनियस स्टेट निकल के आता है एंड तभी हम करेंगे जो की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है जो की काफी बार क्वेश्चन की तरह भी आई हुई है जिसको हम कहते हैं स्टेट इज individual rate large बेसिक इसका मीनिंग क्या है कि स्टेट जो है एक इंडिविजुअल का मैग्निफाइड फॉर्म है तो जिस तरह इंडिविजुअल लेवल पे वी इंडिविजुअल रिट लार्ज जिसको हम और डिटेल में आगे वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे अब यहीं से निकल के आते हैं कुछ और आइडियाज भी हमने बात कर लिया यूनिफाइड एंड हारमोनियस स्टेट की यहां

है ना बी बी सम ऑब्जेक्टिवली पीपल कैन कि इनकी सोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन मेंटेनिंग जस्टिस एंड इंश्योरिंग श्योरिंग के ये जो डिविजन ऑफ रोल्स है ये अच्छे से चलता रहे जिसके कारण एक स्मूथ यूनिफाइड फंक्शनिंग ऑफ स्टेट जो है वो पॉसिबल हो पहला वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज द थ्योरी ऑफ एजुकेशन नाउ लॉर्ड ऑफ पीपल इंक्लूडिंग रूसो एंड नॉट्स ऑफ अदर पीपलटेडो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन जो है इज वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी राइट जहां पर एजुकेशन इतनी ज्यादा डिटेल में जो है डिस्कस किया गया है

एडुकेशन के लिए ताकि डिविजन ना हो एंड नो पर्सन गेट्स लॉस्ट हम अभी भी यही बात करते हैं ना वेरियस रिपोर्ट्स आती हैं असर की रिपोर्ट आती है जो कि प्रथम निकालता है जहां पे यही डिस्कशन होती है कि प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे तो बहुत अच्छा कर रहे हैं बट बेचारे गवर्नमेंट पब्लिक स्कूल वालों का थोड़ा बुरा हाल है तो अब इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा आप इमेजिन करो वो कम्स फ्राम अ मोर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बिकॉज ऑफ सर्टन रीजन डिस्पाइट ऑल दो यू नो

नहीं बन पाया एंड उसके कारण हमारा स्टेट आल्सो लूजेस आउट ऑन अ ब्राइट कॉल ठीक है तो ये इंडिविजुअल का भी लॉस हो गया स्टेट का भी लॉस हो गया तो प्लेटो बोलता है ये नहीं होना चाहिए तो इसीलिए मैं क्या करूंगा फ्री पब्लिक एजुकेशन जो है प्रोवाइड करूंगा हर किसी को नो no प्रॉब्लम अगर तुम एक वर्कर हो तुम एक सोल्जर हो जो मर्जी हो तुम्हारे बच्चे जो है सारे के सारे यहां पे हमारे पब्लिक स्कूल के अंदर ही जाएंगे और यहां पे हर किसी के टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का काम हो रहा होगा कि पूरे इस एडुकेशन के दौरान जो टीचर्स हैं बहुत इन्वॉल्व होंगे एंड दे विल बी ट्राइंग टू वर्क आउट कि कौन से बच्चे का किस तरह का सोल है एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ थिंग दैट दे विल बी गुड एट एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इनकी जो एडुकेशन है ये कुछ बस आठ दस बारह चौदह साल अठारह साल नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग एजुकेशन है डिपेंडिंग ऑन कि आपकी सोल किस तरीके की है तो यहाँ पे आपकी फिजिकल एक्टिविटीज है इन टर्म्स ऑफ लिटरेचर मैथमेटिक्स ये सब आपको सिखाया जा रहा है एंड साथ ही में मॉरल ट्रेनिंग भी है हम बात करते हैं ना कि यूपीएससी में फॉर एग्जाम्पल जीएसओ में एथिक्स का एग्जाम है वो एथिक्स का एग्जाम क्यों लिया जा रहा है क्योंकि मोरलिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपने आके स्टेट के लिए आप स्टेट के परमानेंट एग्जीक्यूटिव बन रहे हो आप बहुत इंटेलेक्चुअल हो बहुत स्मार्ट हो बहुत फिजिकली एक्टिव हो बट इमेजिन करो आप में एथिक्स ही ना हो मोरालिटी ना हो राइट कल कोई बंदा आके आपको ब्राइब दे जाए एंड यू लेट गो ऑफ अ पब्लिक प्रोजेक्ट कोई नहीं डैम गिरता है गिर जाए रोड गिरती है गिर जाए मेरा क्या जा रहा है मेरे को तो अच्छा खासा मिल रहे हैं पैसे राइट दैट मोरालिटी ऑल्सो नीड्स एंडल एडुकेशनिपमेंट ऑफ चाइल्ड और इसके वेरियस फेजेस थे एलिमेंट्री एडुकेशन फर्स्ट फेज का ठीक है एलिमेंट्री एडुकेशन में पहले छंट गए बच्चे तो जिनके अंदर उनको लगा कि हाँ ये तुसे वर्कर मटीरियल है उनको उस पहले फेज में निकाल दिया अगे आपकी

है ना ऐसा भी हो सकता है हम तो खुद ही देखते हैं हमारी कंट्री में कितना होता है स्कैम्स कितने होते हैं करप्शन कितने होते हैं ठीक है ब्यूरोक्रेट के बच्चे जो हैं बहुत बेस्ट यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं बाहर जो है एडुकेशन लेने बहुत अच्छे स्कूल्स में जा रहे हैं चूंकि मे, मे भी शायद कोई और स्मार्टअप बच्चा था शायद उसको डिनाई हो रहा है ठीक है वाई करप्शन है

जेस्ट करता है अ रूट थ्रू कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी कम्युनिज्म अब एक ऐसा वर्ड है जो कि टाइम एंड अगेन आएगा कम्युनिज्म का क्या मतलब होता है जैसे कि पूरा शब्द ही बता रहा है कम्युनिटी तो यहां पे किसी इंडिविजुअल का अकेली ओनरशिप नहीं होती है पूरी एक कम्युनिटी की ओनरशिप होती है। रेडिकल तो मतलब हो अब, अब ये क्या बोलते हैं बोलते हैं मैरिज जो है ठीक है मैरिज एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मैरिज और फैमिली वाई बिकॉज इट इज फॉर योर मैरिज इट इज फॉर योर ना आपके चाचा भतीजा बेटा बेटी You know, मासी का बेटा चाचे का बेटा बुआ की बेटी इनके लिए यू आर रेडी टू मेक सैक्रीफाइस इनके लिए यू आर रेडी टू यू नो मेक चेंजेस दैट नो दिस अदर पर्सन इनको मैं नौकरी नहीं दूंगा वाई बिकॉज दी अदर पर्सन कम इज माई यू नो चाचे की मासी की बुआ का बेटा तो मेरी एक रिलेशनशिप है तो ये नेपोटिज्म आ जाता है राइट दैट वी वोट गिव

जो मेन एंड ऑफ रीजन राइट यहाँ मेन भी है भी है, वेरी इंपॉर्टेंटली राइट तो यहाँ है प्लेटो वो क्या बोलते हैं कि इन सब को हम क्या बोलेंगे ऑलमोस्ट एक फेयर जैसा होगा राइट right? तो ये फेयर होगा जहाँ रिचुअल्स होंगे जहाँ पे जो है दे सो

नहीं पनप के आएगा राइट right, सो so इसके थ्रू अब उन्होंने क्या बोल दिया कि इसके थ्रू ये क्रीड एंड नेपोटिज्म जो है कर्टेल हो जाएगा वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो कम्युनिज्म ऑफ वाइज एंड प्रॉपर्टी है ना सिर्फ जो मेन ऑफ मेन एंड वुमेन ऑफ गोल्ड है गार्डियन सिर्फ उनके लिए है ये बाकी दो क्लासेस के लिए जो है ये नहीं है इस बेसिस पे कहते हैं अगर हम ये फॉलो करेंगे तो जस्टिस एंड ये स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ रोल्स मेंटेन हो पाएगा जिसके थ्रू हम फाइनली अपना आइडियल स्टेट जो है वो बना पाएंगे अब ये जो आइडियल स्टेट है जस्टिस के बेसिस पे हमने क्रिएट किया तो अब ये बनेगा कैसे अब किसी भी स्टेट को बनने के लिए टाइम तो लगता है दे बसंती का फेमस डायलॉग है ना कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं होता उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है तो उसी तरह से प्लेटो भी आपको बता रहे हैं कि ये परफेक्ट स्टेट ये आइडियल स्टेट आपने आखिर कैसे बनाना है पहले बोलते हैं सबसे पहला आता है आपका सिटी ऑफ पिग्स ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन ये सब जो है शुरू हो गया है अब क्योंकि स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर हो गया है तो ये कहते हैं ऐसे स्टेट जो है वेल गवर्न होगा जिसके कारण जो है यू विल आल्सो स्टार्ट अक्यूमुलेटिंग वेल्थ ियस स्टेट स्टेट नाच स्टेटेक्ट अब हम यही बात करते नॉट अ बैड वर्ड ठीक है यहाँ पे कोई वैल्यू जजमेंट नहीं है डॉग्स की ये क्या है डॉग्स ही मीन दट वी कीप डॉग्स लॉयल जो कि हमारे घर को प्रोटेक्ट करके रखते हैं तो उसी तरह से जो करेजेस ऑक्सिलरीज है ये हमारे स्टेट को प्रोटेक्ट करके रखेंगे ठीक है नेक्स्ट फाइनल स्टेज में आता है आपका जस्ट स्टेट विच इज योर आइडियल स्टेट इट इज द बेस्ट स्टेट आउट देर जो कि

जिस तरह से एक फिजिशियन ठीक करने के लिए राइट आप अगर किसी को से COVID हो हो गया गया, या कुछ हो गया, आप उसको एक डॉक्टर के पास एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके जाओगे ना ताकि वो उनकी हालत ठीक कर सके है ना आप उसको कहीं मंदिर मस्जिद बहुत लोग हैं जो ले भी जाते हैं बट क्या वहां से वो ठीक होंगे नहीं होंगे बिकॉज उनके पास वो रेक्वेजिट एक्सपर्टीज ही नहीं है तो प्लेटो भी जो है यही एनालॉजी ड्रॉ करते हैं दैट फिलोसोफर किंग इज लाइक अ फिजिशियन इज लाइक अ डॉक्टर जो कि जो एक एल्स जो कि एक फ्लॉज एग्जिस्ट करते हैं स्टेट के अंदर उनको वो करेक्ट कर सकते हैं एंड फाइनली ये फिलोसोफर किंग जो जब रूल करेगा स्टेट को तो बेस्ट स्टेट जो है बन पाएगा

पहला इज जो कि स्टेट्समैन में बात करते हैं विच इज अ फॉर्म ऑफ मिक्स्ड गवर्नमेंट जिसको स्टेट्समैन लीड करते हैं सो दीज आर पीपल जिनको कस्टम्स के बारे में पता है अनरिटन लॉज के बारे में पता है वेरियस कन्वेंशन के बारे में पता है एंड उस बेसिस पे वो स्टेट को गवर्न करते हैं द नेक्स्ट ऑप्शन इज गिवन इन इज वर्क कॉल्ड लॉज नाउ एज द वर्क इट सजेस्ट वट डज ही से पीपल माइट बी फ्लॉड बट लॉज जो होते हैं आर द बेस्ट वे ऑफ वर्किंग ये आपको रूल्स दे देते हैं कि आपने ये 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 फुलफिल करना है और अगर आप इन लॉज को फॉलो कर रहे हो इन रूल्स को फॉलो कर रहे हो देन यू आर फंक्शनिंग इफेक्टिवलींक्शनिंग प्रॉपरली एंड इन लॉज को थ्रू गवर्न करने के लिए instead of having one philosopher king, there is an assembly, there is a council, there are magistrates जो कि govern करते हैं guard करते हैं इन laws को and ensure करते हैं कि state जो है इन laws के basis पे चल रहा है राइट सो दिस इज अ लार्जर माइंड मैप राइट अ लॉट ऑफ आइडियाज जिनको हम डिस्कस करेंगे आने वाले इन right? तो ग्रेटर डिटेल है। लिखने हैं चीजें कैसे डेवलप करनी है वो सब आपके आने वाले डिटेल लेक्चर्स के अंदर अवेलेबल है अब जो है हम करेंगे और देखेंगे एरिस्टोटल को अब हमने बात की प्लेटो की जिसको हमने देखा था एज द फादर ऑफ पोलिटिकल फिलोसफी राइट साथ ही में इन वेरियस लेक्चर्स ऑफ प्लेटो हमने देखा होगा कि किस तरह से उनके जो आइडियाज हैं उनकी जो आइडिया ऑफ नॉलेज थी वाज स्पेशली बेस्ड ऑन दिस आइडिया ऑफ आइडियलिज्म ठीक है आइडियलिज्म का क्या मतलब है कि उनका क्या मानना था कि अगर आपने नॉलेज को परसीव करना है अगर आपने नॉलेज को समझना है तो ये नॉलेज जो है आपको अपने सेंसरी ऑर्गन से नहीं मिल रही सेंसरी ऑर्गन क्या होते हैं आपकी आंखें टच राइट साइट स्मेल टेस्ट right? ये क्या है आपके सेंसरी ऑर्गन है ये सेंसरी ऑर्गन आपको क्या समझने में हेल्प करते हैं द वर्ल्ड अराउंड यू है ना कि तो अगर आपने देखना है कि अगर कोई सेब मीठा है इफ एन एपल इज स्वीट और नॉट वट डू यू डू यू बाइट इन डू इट राइट यू टेक अ बाइट एंड क्या है आपका जो सेंसरी ऑर्गन है टंग दैट टेल्स यू दैट यस दिस एप्पल इज स्वीट सिमिलरली इफ यू हैव टू परसीव से ऑफ द स्मेल ऑफ अ फ्लावर आप क्या करते अगेन आप यूज करते हैं अपने सेंसरी ऑर्गन को इन द फॉर्म ऑफ अ नोज राइट तो आप अपने नोज से इसको स्मेल करते हैं एंड आपको पता लग जाता है कि हां जी इट स्मेल्स अ सर्टेन वे राइट सो द वर्ल्ड अराउंड यू Is perceived via बाय senses, but Plato ने क्या बोल दिया Plato ने बोला कि ये जो world around you है वो तो रियल really ही नहीं है राइट वो तो क्या है वो बस शेडो है ऑफ दी

सोक्रेटिस के राइट प्लेटो के स्टूडेंट आते हैं एरिस्टोटल ठीक है और एरिस्टोटल जो है डिस्पाइट बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ प्लेटो डज नॉट अग्री विद हिम इन ऑल डायमेंशन फैक्ट एरिस्टॉटल एमर्ज करते हैं एज वन ऑफ द मोस्ट बिटर क्रिटिक्स ऑफ प्लेटो राइट right, तो जहां प्लेटो की जो आइडियाज हैं उनकी किताब रिपब्लिक के अंदर थे एरिस्टॉटल का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है पॉलिटिक्स नाम की किताब है Now it is very important to understand that just because he emerges as a critic of Plato, ये नहीं हम कह रहे कि Plato और Aristotle में कोई similarity ही नहीं। कई directions में, कई जगहों पे हमें उनके बीच में similarities भी मिलेंगी। But at the same time हम देखेंगे कि Plato की गलतियों को किस तरह से Aristotle Uh, एक तरह से सुधारने की कोशिश करता है तो इनफैक्ट ये एवल्यूशन जो कि हम देखते हैं प्लेटो की इन इज लेटर वर्क जिनकी हमने बात की थी राइट uh, स्टेट्समैन right? हो गया लॉज हो गया राइट right? उन्ही करेक्शन को जो ढंग से मोल्ड किया गया है दैट हैज बीन डन इन द आइडियाज ऑफ एरिस्टोटल ठीक है अब एरिस्टोटल की हिस्ट्री एरिस्टॉटल की इंट्रोडक्शन जो है वो एक पूरे लेक्चर में है हम बढ़ते हैं टुवर्ड्स माइंड मैप ऑफ एरिस्टॉटल राइट आइडियाज़ की लिंकेजेस की तरफ ब्रीफली एंड वेरी क्विकली एक्सप्लेनिंग उनकी की आइडियाज बिफोर यू गो ऑन टू द डिटेल ताकि डिटेल लेक्चर्स में आप इंटरलिंकेजेस एंड कनेक्शन जो है वो आसानी से ड्रॉप कर सके साथ ही में ये माइंड मैप्स जो है क्विक रिविजन के लिए भी बहुत जरूरी है सो आई एडवाइस कि इनके प्रिंट आउट लेके रखिए एंड इनको जो है आप किसी नोटबुक में किसी दीवार में कहीं पे लगा सकते हैं तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपको किसी भी थिंग को क्विक

अब एरिस्टोटल भी प्लेटो की तरह एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को एक साथ लेके चलते हैं राइट right? एथिक्स जो है पॉलिटिक्स से इनके लिए भी अलग नहीं है एंड इसीलिए इनकी किताब पॉलिटिक्स के साथ साथ एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट किताब जिसको हम एनालाइज करेंगे इज बाय द नेम ऑफ निको मैकियन एथिक्स ठीक है ये इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट किताब थी अब इन्होंने वाइल टॉकिंग अबाउट पॉलिटिक्स एंड एथिक्स जिस तरह से इन्होंने इसको अप्रोच किया नाउ हो वॉज वेरी डिफरेंटली

that with the use of your sensory organs, I am not saying कि rationality use नहीं हो सकती, but is rationality reason को help कौन करता है? आपके sensory organs help करते हैं, ठीक है? तो इनके through ही जो है, आप knowledge को gain कर सकते हैं। ये आम चाहे theorist बनके आप नहीं कर सकते, right? In fact, इन्हीं ideas के कारण जो है, जहाँ Plato को idealist माना जाता है, वहीं हम एरिस्टोटल को एक प्रैग्मैटिक थिंकर मतलब एक लॉजिकल थिंकर की तरह जो जो कि आपके आसपास के रियल वर्ल्ड को भी एनालाइज कर रहे हैं तरह जो है इनको देखा जाता था अब इसी से निकल के आता है जब एक शुरुआती तौर होना चाहिए कि स्टेट की उन्होंने बात कैसे करने की कोशिश की अब एरिस्टॉटल का एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है वो कहते हैं अब जब हमने प्लेटो के अंदर देखा था प्लेटो एक पूरी जान डालते हैं कि हम आइडियल स्टेट किस तरह से क्रिएट कर पाए अरस्तुटल कहते हैं कि स्टेट जो है ऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक का क्या मतलब है कि इमेजिन कीजिए कि कहीं से एक पेड़ उग रहा है राइट पेड़ के ऊपर जो है फ्लास उग के आते हैं उन फ्लास से जो है अंदर के सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं है ना वो सीड्स जो आसपास पड़े होते हैं उनमें से और पौधे निकल आते हैं वो क्या है एक ऑर्गेनिक प्रोसेस है नोबडी इज रियली पुशिंग इट बट इन फैक्ट दैट इज हैपनिंग ऑन इट्स नहीं, तो इसी तरह से अब वेरी इंपॉर्टेंटली एरिस्टोटल क्या कहते हैं कि मनुष्य मैन ह्यूमन अ सोशल एंड पोलिटिकल एनिमल ये प्रॉबेबली अरिस्टोटल की सबसे फेमस स्टेटमेंट है ठीक है मैन इज सोशल एंड पोलिटिकल एनिमल का क्या मतलब है इसका मतलब है कि बेसिकली एक आदमी अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता राइट दैट इज जस्ट नॉट पॉसिबल एक सोसाइटी का एक कम्युनिटी का हिस्सा होता है जो कि आदमी है उसको एक कम्युनिटी की जरूरत होती है जिनके साथ ही वो सर्वाइव कर पाता है राइट right? so, अगर आप इमेजिन कीजिए इवन द प्रिमिटिव मैन को ठीक है तो हम क्या इमेजिन करते हैं कि पैक्स में वो हंट करते थे अकेला आदमी क्या किसी लायन को फेस कर पाएगा हाथी को फेस कर पाएगा नॉट एंड जब भी भी एक एक कम्युनिटी में सोसाइटी के अंदर कोई भी लोग रहेंगे उनको गवर्न करने के लिए कोई ना कोई अथॉरिटी तो चाहिए होगी किसी ना किसी तरह के तो रूल्स एंड रेगुलेशन की जरूरत होगी वरना वो कैसे अपना जीवन व्यतीत कर पाएंगे राइट सो दैट इज मैन इज बोथ अ सोशल एज वेल एज अ पोलिटिकल एनिमल ये जो है एक फाउंडिंग बेसिक स्टेटमेंट आइडिया जो है बन जाता है है अरिस्टोटल का अब इसी से निकल के आती हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो कहते हैं जैसे-जैसे इंडिविजुअल्स जैसे जो है मैच्योर होते हैं वैसे-वैसे उनके जो है वेरियस काइंड्स ऑफ नीड्स उभर के आने लगती हैं एंड हर उस नीड को फुलफिल करने के लिए उन्हें एक स्पेसिफिक टाइप की जो है एक कम्युनिटी मान लो एक तरह की एक बॉन्डिंग चाहिए होती है तो ये है कहते हैं जो हमारी सबसे प्राइमरी या बायोलॉजिकल नीड्स जो हैं, द तो है तो नीड टू तो बी इमोशनली डिपेंडेंट ऑन समवन,

जो कि है हमारी सेकेंडरी या सोशल नीड्स दैट इज दैट वी वांट टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल वी वांट टू शेयर आर आइडियाज विद अदर पीपल वी वांट टू शेयर आर ओपिनियंस विद अदर पीपल ठीक है हम हम जो है uh, you know, है यू नो रिलीजन की जरूरत पड़ती कई बार बोलते हैं कि लोगों में सुइसाइड्स बढ़ रही हैं जैसे जैसे रिलीजन का होल्ड जो है कम हो रहा है क्यों क्योंकि रिलीजन के नाम पर जो है लोग ऑफन बॉन्ड करते हैं टुगेदर राइट सो चर्च सिर्फ लोग प्रे नहीं करने जाते फॉर एग्जाम्पल या टेम्पल जो है लोग प्रे नहीं सिर्फ करने जाते एक तरह से एक दूसरे के साथ बातचीत भी करने जाते

वहां पे जाते हैं दे फील वेरी अलोन एंड ऑफन दे गेट डिप्रेस्ड ठीक है तो ऐसी सेकेंडरी सोशल नीड्स के लिए जो है थोड़ी बड़ी एक जो है सेक्शन बन जाता है उस यूनिट को हम क्या बोलते हैं वो यूनिट आता है इन द फॉर्म ऑफ अ विलेज ठीक है ये विलेज हो सकता है या कोई कम्युनिटी हो सकती है तो कम्युनिटी आप इमेजिन करो इन द फॉर्म ऑफ अ ट्राइब है ना एक ट्राइबल ग्रुप इस बेसिस कास्ट ग्रुप इस बेस पे बन गया एक रिलीजियस ग्रुप इस बेस पे बन गया तो इस तरह की कम्युनिटीज जो है वो बनने लगती है अब इससे भी उभर के आती है हमारी या हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स हायर या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स कौन सी है ये ऐसी नीड्स हैं जो कि हमें एनिमल से इनफैक्ट सेपरेट करके रखती हैं अब आप इमेजिन कर लो प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड तो हर किसी की एनिमल की भी है एक शेर को भी खाना है राइट right? एक टाइगर को भी आगे रिप्रोड्यूस करना है राइट right? उनकी भी एक पैक्स होते हैं तो एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी एंड सोशल नीड्स भी उनकी होती है राइट right? तभी हम कहते हैं हम अब इतने सारे वो क्यों होते हैं अ शोल ऑफ फिश है ना कि वो इकट्ठे चल रहे हैं राइट right? चाहे वो सेफ्टी या सिक्योरिटी के लिए चल रहे हो पर उनकी भी ऐसी नीड्स हैं राइट एक चीज जो एक पोलिटिकल इंटेंशन है वो एनिमल्स के दे एग्जिस्ट नहीं करती है ये हायर या सेल्फ एक्चुलाइजेशन की नीड जहां पे हम अपनी ये जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है उसको स्पीच के थ्रू शेयर कर सकते हैं विद अदर्स दूसरों को अपने आइडियाज कन्वे करके बता सकते हैं एंड उन आइडियाज के बेसिस पे कोलैबोरेट कर सकते हैं ये सब हो पाता है दैट इज ओनली पॉसिबल इन ह्यूमंस सेल्फ एक्चुलाइजेशन की नीड्स के लिए जहां पे द ह्यूमंस बिकम देयर बेस्ट पॉसिबल सेल्व्स वो कहां पे हो रहा है वो हम कहते हैं स्टेट के अंदर जो है सिर्फ पॉसिबल होता है राइट right? तो स्टेट जो है हमारी हायर या सेल्फ एक्चुलाइजेशन वाली नीड्स जो हैं उनको फुलफिल कर पाता है राइट right? वो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है तो अब यहाँ से आती है एक और इंपॉर्टेंट चीज जिसको हम एक्सप्लोर करेंगे राइट right? तो ये क्या कह रहे हैं ये ऑर्गेनिक थ्योरी है कि स्टेट जो है हमें क्रिएट नहीं करना पड़ता स्टेट कोई मशीन नहीं है जो कि हम बनाते हैं स्टेट इन फैक्ट हमारी ऑर्गेनिक नीड से ही जुड़ा है तो ये खुद ब खुद जो है पनप के आ जाता है इट इमर्जेस ऑन इट्स ओन नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली डू वी से फैमिली इज प्रायर टू द स्टेट

इंडिविजुअल ऑर्गन जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं है ना अब ये ऑर्गन जो है जैसे आप इमेजिन कर लो स्टमक है ठीक है स्मॉल इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन है लिवर है राइट बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल इंडिविजुअल ऑर्गन हैं तो अब इस इंडिविजुअल ऑर्गन को आप कंपेयर कर लो विथ समथिंग लाइक अ फैमिली सिस्टम इन बॉडी हम कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम है डायजेस्टिव सिस्टम है एक्सक्रीटरी सिस्टम है तो यह क्या बन गए हमारी सेकेंडरी नीड्स के लिए बन गए हाउएवर छोटे -छोटे क्या अगर हम सिर्फ एक डायजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल के रख दें क्या वो ह्यूमन बन गया नहीं है ना क्या हम सिर्फ एक रेस्पिरेटरी सिस्टम को बाहर निकाल के रख दे तो क्या ह्यूमन चल जाएगा नहीं चलेगा एक ह्यूमन बॉडी जो है विच इज द होल है ना द or होल बोलते हैं कि पूरा पूरा का ह्यूमन करता है, वरना क्या है? वरना वरना क्या तो वो ऑर्गन है, है तो वो वो को भी आपको एक ह्यूमन के अंदर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा इफ यू एक्चुअली वॉन्ट दर थिंग टू वर्क एंड यही एक तरह से ग्रेट एग्जाम्पल है जिसके थ्रू हम समझ सकते हैं वाई एर टोटल स्टेट विच इज द होल इट प्रायर टू ऑल अदर पार्टनरशिप इन सबसे बड़ चुड़ सबसे बढ़ चढ़ के ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब यहीं से निकल के आती है हमारी वेरियस काइंड ऑफ पार्टनरशिप अब इन्होंने बता दिया कि फैमिली एग्जिस्ट करती है. है ना फैमिली जो है उसको सबसे बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप बना दिया अब ये उठाते हैं हाउस होल्ड को एज एन एग्जाम्पल कहते हैं जबी भी आप किसी को देखें राइट जो एक ग्रीक है आपने अब हमेशा याद रखना है हर थिंकर अपने पर्टिक्युलर कॉन्टेक्स्ट अपने पर्टिकुलर टाइम अपने पर्टिक्युलर सर्कमस्टेंस की बात कर रहा है ठीक है तो अब ये क्या कहते हैं कि देखिए ग्रीक सोसाइटी के अंदर जो है पर्टिकुलर आपके एग्जिस्ट करते थे कुछ हाउस के अंदर पार्टनरशिप तीन तरह की जो है ये मेन पार्टनरशिप थी कौन सी थी ये तीन तरह की पार्टनरशिप पहले पार्टनरशिप जिसकी बात करते हैं इज मास्टरशिप मास्टरशिप क्या है दिस इज योर मास्टर एंड स्लेव का रिलेशनशिप ठीक है उस टाइम पे क्या स्लेव एग्जिस्ट करते थे राइट दीज वे लाइक पीपल हु बॉट लाइक कमोडिटीज एंड देर सोल्ड टू पीपल एंड इनका जो है घर का खेतों का सो ऑन सोफो काम करते थे द सेकंड पार्टनरशिप दैट एग्जिस्ट इज मैट्रिमोनियल पार्टनरशिप राइट दिस इज अ पार्टनरशिप दैट

तो मास्टर के रूप में ही इज कंट्रोलिंग द स्लेव एज अ हस्बैंड ही इज कंट्रोलिंग द वाइफ एज अ फादर ही इज कंट्रोलिंग द सन्स एंड डॉटर्स सो दिस ग्रीक प्रॉपर्टीड मेल जो है इज इन अ पोजीशन ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी अब उन्होंने बोला जिस तरह का ये मास्टरशिप का रिलेशन है उसी से निकल के आती है ऑलमोस्ट हमारे या किंगशिप का आइडिया ठीक है मेनली तो जो आपके रूलर्स हैं, उन्होंने इसी तरह से इन्हीं पार्टनरशिप से जो है चीजें सीखनी है कि आप किस तरह से अपनी अथॉरिटी को एग्जर्ट करते हैं एंड जिस तरह से आप एक अच्छा हाउस चलाते हैं उसी तरह से आपने एक अच्छा स्टेट भी चलाना है अब यहीं से निकल के आई हमारी थ्योरी ऑफ स्लेवरी कि हमने वन ऑफ द द द बेसिक रिलेशनशिप रिलेशनशिप जो है है। इन फॉर्म ऑफ़ मास्टर एंड स्लेव जिनके बिना स्लेवरी थी, थी, दो हिस्सों में बांट देते हैं natural slaves. Natural slaves क्या है? तो जिस तरह से यू you नो know, जब ब्रिटिश थ्योरी ऑफ वाइट बर्डन थियोरी ऑफ वाइट बर्डन क्या थी वो कहते हैं कि ये ब्राउन पीपल तो यू नो दे कांट कंट्रोल देमसेल्व्स दे कांट गवर्न देमसेल्व्स ये तो सिविलाइज्ड ही नहीं है तो हम एक सिविलाइजिंग मिशन पे आए हैं जहां पे हम इनको इनके ही फायदे के लिए गवर्न कर रहे हैं राइट व्हाई बिकॉज़ दे लैक इन रीज़न ठीक है एज़ अ रेस ओनली दे लैक इन रीज़न तो इसी तरह से अरिस्टोटल भी बोलता है कि कई ये जो ऐसे बारबेरियंस हैं इनके अंदर रीजन की फैकल्टी अवेलेबल नहीं होती क्योंकि इनके अंदर रैशनैलिटी नहीं है तो दे आर मेड टू बी स्लेव्स। ऑन द अदर हैंड देर आर ऑल्सो अनदर कैटेगरी ऑफ स्लेव्स जिनको ये बोलते हैं स्लेव जो कि नेचुरली नहीं है बल्कि बिकॉज ऑफ सर्कम हो गए हैं तो एक इमेजिन करो दैट वन स्मॉल सिटी स्टेट गोज वॉर विदर सिटी स्टेट और वो उनको हरा देता है तो ऑफिन जैसे कि हमने इंडिया के अंदर भी इंडियन हिस्ट्री में भी देखा है वो क्या करते थे you know, तो यहाँ पे ग्रीक सिटी स्टेट की सिर्फ बात हो रही है और किसी की नहीं क्योंकि ग्रीस के अंदर तब यूनाइटेड कोई को ग्रीस का आइडिया नहीं है ग्रीस के अंदर ही छोटे 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 सिटी स्टेट्स है तो ये क्या कहते हैं

साथ ही में ये कहते हैं कि स्लेवरी अब इज नथिंग टू बी लुक्ड डाउन अपॉन In fact, it is something which is very natural and necessary. Why? क्योंकि ये कह रहे हैं अब हमारे जो masters हैं देर आर इंटेलेक्चुअल पीपल इनका अगर इनको अपना खेत के अंदर जाके काम करना पड़े

इज बिंग डन बाई हुई दस्ट ठीक है अब यहीं से ये जो आइडिया था वो कहते क्या हमेशा जो एक बार स्लेव रह गया क्या वो हमेशा स्लेव रहेंगे तो कहते नहीं ये भी हो सकता है कि कई स्लेव्स अंडर द इंटेलेक्चुअल कंपनी ऑफ मास्टर अब क्योंकि ह्यूमेन ट्रीटमेंट का ही है यह कहा गया है मास्टर को कि अपने स्लेव के अंदर अच्छी चीजें इनकलकेट करने की कोशिश कीजिए ऐसा भी हो सकता है दैट सम स्लेव्स एंड अप डेवलपिंग रीजन सम सॉर्ट ऑफ रीजन और एंड अप बिकमिंग मच मोर देन जस्ट अ स्लेव तो ऐसे स्लेव्स के लिए रिफॉर्म पॉसिबल है एंड ऐसे अगर स्लेव्स रिफॉर्म हो जाते हैं सो देन द मास्टर शुड सेट देम Free, right? That they have now become able, you know, now they have earned their freedom, right? They are capable of using their reason to lead a good life. So they should be set free by the master.

सैलरीज राइट सैलरीज जोड़ जोड़ के जो है फॉर एग्जाम्पल वो घर बनाते हैं वो गाड़ी खरीदते हैं उनको खुशी मिलती है राइट दे फील वेरी हैप्पी अबाउट इट बिकॉज दे केन शो दैट लुक दिस इज द हार्ड वर्क दैट आई पुट इन एंड दिस इज वॉट आई गॉटन फॉर इट इन रिटर्न हिस इज यूर डिनाइंग एन एंटायर ग्रुप ऑफ पीपल द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस वो भी चाहे तो डिप्रेस ही हो जाएंगे राइट सो हिसेज दिस इज ऑल रबिश राइट दिस इज यू नो यू कांट डिनाई ऑल दीज थिंग्स टू पीपल राइट साथ ही में ये जो यूनिटी एंड हार्मनी की बात करी जा रहे हैं ना प्लेटो सेसिव यूनिटी है इससे ठीक नहीं होंगी चीजें बल्कि इनफैक्ट सब गड़बड़ हो जाएगा राइट इनफैक्ट ही सेज एक स्टेट के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए प्लुरैलिटी होनी चाहिए तभी जो स्टेट है वो थ्राइव कर पाएगा एंड इसी बेसिस पे निकल के आती है इनकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप अब इनकी जो थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है एक बहुत ही एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप है राइट अब ना हम बहुत बार ये करते हैं एक्टिव थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप क्या होती है अब जैसे कि इंडिया का कॉन्टेक्स देख लीजिए इंडिया में मोस्टली होता है क्या आप गए वोट डाला पांच साल में एक बार

stop at voting. In fact, that involves a very active

सिटीजन है कौन ये सिटीजन हैं जो मास्टर्स ऑफ हाउस होल्ड है ग्रीक सिटीजनशिप ठीक है, को कहता है कि तो रैशनैलिटी होती नहीं है right? so, जितने थोड़े प्लेटो थे, उतने ही उसके ऑपोजिट जो है निकल के आते हैं right? कि नहीं, नहीं, ये तो बहुत इमोशनल होती है बहुत ही इरेशनल होती है इनको नहीं आप वोटिंग राइट दे सकते स्लेव तो ऑब्वियसली उनके अंदर तो है ही नहीं रीजन तो उनको कैसे आप सिटीजन बनाओगे right?

अधिकार है, हैिटी टू गवर्न द स्टेट इफेक्टिवली राइट इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर दैट ऑल द लॉज आर बींग इम्प्लीमेंटेड प्रॉपरली राइट ये सब जो है आपकी ड्यूटी है एंड इसीलिए हम कहते हैं कि इसके अंदर डायरेक्ट पार्टिसिपेशन है आप रूल भी कर रहे हैं एज मेकिंग and implementing those laws, but you are also being ruled by the same laws that you are making as a part of the assembly, right? तो एक तरह से ये जो है आपकी थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप उनकी हो जाती है अब हमने बात किया कि ये जो सिटीजन है जो कि असेंबली का पार्ट है हु आर थिंकिंग एंड मेकिंग लॉज विच lead टू द वेलफेयर ऑफ द स्टेट दे आर सपोज टू बी वेरी वर्चुअस सिटीजन वर्चुअस मतलब बहुत ही अच्छे राइट बहुत ही वेल well थॉट बहुत ही बढ़िया जो है ये लोग होने चाहिए अब ये वर्चुअप इनके अंदर डेवलप कैसे करोगे वर्चू क्या होता है धर्म होना चाहिए इनमें धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है धर्म क्या होता है कि ड्यूटी अंडरस्टैंड करे अपनी जो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है लेकिन अंडरस्टैंडेड एंड परफॉर्म इट टू द बेस्ट ऑफ देयर एबिलिटीज तो अब ये वर्चू होता क्या है कैसे डेवलप करते हैं इसको समझाने के लिए ही टॉक्स अबाउट हिस्स थ्योरी ऑफ द गोल्डन मीन ठीक है इसके बेसिस पे जो है हम समझ सकते हैं कि वर्चू क्या है और कौन से वर्चूज आपने इंडिविजुअल में इंकल्केट करने हैं ठीक है ये वो कहते हैं जरूरी नहीं है दैट यू आर ऑलवेज बोर्न विद दिस इट समू हैव टू कल्टिवेट दैम थ्रू प्रैक्टिस कि आपको टाइम एंड अगेन अपने आपको यह सिखाना पड़ेगा right? so for example, हम जब बचपन में जाते हैं स्कूल राइट सो फॉर एग्जाम्पल इन अ लॉर्ड ऑफ कॉन्वेंट स्कूल वर्ट है हमारे घर पे से हमारी मदर टंग बोली जाती है सो से वी स्पीक इन हिंदी वी स्पीक इन पंजाबी वी स्पीक इन तमिल कन्नड़ सो ऑन सोफोर्थ तो वर्ट है नॉट स्पीक इन यूर मदर टंग वैसे आपने हर क्लास के अंदर इंग्लिश के अंदर ही बात करनी है इनिशियली हमें बहुत जो है हिचक होती है राइट समटाइम्स वी आर कॉट ऑल्सो टॉक टंग एंड देन इज दैट वी आर फाइंड है हमारा नाम वो नोटिस बोर्ड पे लगा देते हैं कि दिस चाइल्ड वॉज कॉट टॉकिंग इन हिंदी और पंजाबी और दिस इन दैट हिच धीरे धीरे जो है हमें इंग्लिश बोलने की आदत पड़ जाती है राइट थ्रू कॉन्स्टेंट practice it wasn't something that we were born with but it was something that became a part of us through habit theek hai and jab hum continuously kisi cheez ko practice karte hain wo ek habit ban jati hai it becomes a part of our character it becomes a part of a disposition disposition kya hota hai a, way in which we will end up behaving. ठीक है तो इस तरह का वो एक हमारे character का part, एक part of a disposition जो है ये हो जाता है अब ये किस तरह की चीजें हैं जो कि हमने हमने करनी है right? so kind of right? right? है पढ़ा हुआ में आप पढ़ते हैं mean, है ना जो कि दो चीजों की दो एक्सट्रीम्स के बीच में लगभग जो है फॉल करता है नाउ दिस इज इन रिवली एवरेज एवरेज क्या होता है एवरेज हमेशा सेम आएगा ठीक है, एवरेज हमेशा सेम जो है वो आएगा ठीक है मीन जो है डिफरेंट डिफरेंट आ सकता है फॉर डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज वो थोड़ा बहुत हिल सकता है डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट सर्कमस्टांसिस अब इसका क्या मतलब है ना फॉर एग्जाम्पल देर आर टू एक्सट्रीम्स राइट सो देर इज दिस ह्यूज प्लेट विच हैजेन के जीज ऑफ फूड राइट विच इज टू मच एंड जिसके अंदर कुछ से 100 ग्राम खाना ही है राइट right? सो so, not इनफ नहीं, तो ये क्या बोलेंगे गोल्डन मीन क्या होगा इनके बीच का मीन

Right? क्या, अगर आप उनको पांच किलो का फूड दोगे तो इट बी टू मच फॉर हिम मीन क्या होगा हर पर्सन उनके सर्कमस्टांस के हिसाब से जो है अलग अलग मीन बैठेगा जो कि उनके लिए जो है बैलेंस्ड होता है फॉर एग्जांपल अब इसको आप फिर से कंपेयर कर सकते हैं टू एन इंडियन आइडिया मध्य मार्ग राइट

कहीं भी यू नो और डू एनीथिंग राइट इज़ ऑन द अदर हैंड यू कैन ऑल्सोव समन कंप्लीटली फुल हार्डी फुल हार्डी का क्या मतलब है दैट देर इज अ लायन रोमिंग अराउंड एंड दिस पर्सन एंटर एन सेज नो आई विफीट द लायन दैट इज स्टपिड ऑब्वियसली यू कांट राइट तो इमेजिन करो कि वो बंदा जो है बिना किसी वेपन के जा रहा है बिना किसी प्रोटेक्शन के जा रहा है वो बोल रहा है कि मैं इस शेयर से लड़के इसको हरा के आऊंगा दैट इज नॉट करेज दैट इज बिंग स्टूपिड दैट इज फूल हार्डीनेस तो बोलता है इन दो एक्सट्रीम्स के बीच में अ गुड अमाउंट जहां पर आपको पता है किस तरह से आई यूज माई स्ट्रेंथ टू डिफीट माई एनिमी एंड स्टैंड अपॉर माई सेल्फ दैट इज वॉट ठीक है उसी तरह से टेम्परेंस भी होता है टेम्परेंस क्या है कुछ ऐसे लोग जो कि बिल्कुल ही कुछ बोलते नहीं कुछ करते नहीं एंड ऑन दी अदर हैंड हुआ वेरी मूडी हुआ जस्ट यू नो एगेंट एंड जस्ट गिविन टू एनी थिंग एन एवरीथिंग हर चीज एक्सेस में करना टेम्पर क्या एक मॉडरेशन की आइडिया होती है कि उनको पता है मेरे को कितना काम करना चाहिए कि मेरे लिए वो फिट बैठे सिमिलरलीनेस्टी ऑनेस्टी के बीच में एक होता है आपका लायर जो कि हमेशा ही झूठ बोलता है और एक होता है आपके एक्सट्रीम वर्जन में हु इवन से जो से दूसरों को इन सर्टन सिटुएशन उनके ऊपर भारी पड़ सकती है उनके ऊपर उल्टी पड़ सकती है तो ये बीच का जो है हर जगह वो बोलते हैं इसको हम वर्चु बोलते हैं जब आप सब चीजों के बीच के जो मीन है उनको अचीव करते उसको हम वर्च्यू कहते हैं ये चीजें जो है एक इंडिविजुअल के अंदर इंकलकेट करनी है राइट ना वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिविजुअल में हमने वर्च्यू देख ली हम कहते हैं फॉर अ सोसाइटी एक ओवर आर्चिंग वर्च्यू क्या है अगेन जैसे कि याद है प्लेटो ने भी बोला था जस्टिस इज एन ओवर आर्चिंग वर्चू उसी तरह से एरिस्टोटल भी क्या बोलते हैं कि जस्टिस एक ओवर आर्चिंग वर्चू है पूरी सोसाइटी के लिए राइट right? अब यहां पे ये दो तरह के जस्टिस के अंत की बात करते वन इज जस्टिस एज ए यूनिवर्सल और जनरल वर्च्यू जो कि प्रैक्टिकल है जो कि लीगल है right? तो यहाँ पे किस तरह से किसको बिहेव करना चाहिए एंड सो ऑन सो फोर्थ सोसाइटी के अंदर दैट इज द

कि किसको कितना मिलना चाहिए हु गेट्स वॉट एंड हाउ मच राइट दिस इज वॉट द आइडिया ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सो फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन इफ थ्री पीपल आर वर्किंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन वन इज वर्किंग एज अ डॉक्टर वन इज वर्किंग एज अ नर्स एंड वन इज वर्किंग एज अ प्यून हाउ मच सैलरी शुड ईच वन ऑफ देम गेट राइट उसके साथ कौन क्या डील करता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डील करता है। एज द नेम इट इसका क्या मतलब होता है कि अब किसी भी सोसाइटी के अंदर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज चल रहा है सर्टेन थिंग्स आर वॉलंटरी वॉलंटरी एज आई वांटेड टू परचेज हाउस So I went and asked, I saw a house that I really liked. I said, Ki, achha, batao, and the person said that it's for this much money. I pay that person that money and he hands over the house to me. Right? So that's a voluntary transaction. On the other hand, now imagine that if I barge into some person's house, I kick him out, right? I beat him up, and the property bed down. वो एक इनवॉलेंट्री ट्रांजेक्शन है राइट right? वो पॉसिबली किया गया है देर इट इज अनफेयर आई हैव डिनाइड समथिंग दैट द अदर पर्सन डिजर्व एंड मैं उनकी चीज लेके बैठ गई हूं अब इस चीज को करेक्ट करना किसके ऊपर आता है इस करेक्टिव जस्टिस के ऊपर आता है ठीक है दैट मुझे कुछ सजा सुनाई जाएगी या मेरे ऊपर जो है कोई फाइन लागू किया जाएगा अपार्ट फ्रॉम गिविंग द प्रॉपर्टी बैक टू दैट दैट पर्सन राइट इज व्हाट करेक्टिव या रेक्टिफिकेटरी जस्टिस जिसको हम बोलते हैं अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का आइडिया हमने देखा था दैट हु गेट्स वट एंड हाउ मच दिस इज ऑल्सो लिंक टू अनादर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया बाय एरिस्टोटल जो कि अगेन लिंक है टू दी ओवरऑल आइडिया ऑफ जस्टिस

Now Aristotle has a very meritocratic idea of equality and justice. What is this meritocratic idea? He says that you treat equals equally and unequals unequally. इसका मतलब क्या है कि सारे जो डॉक्टर्स हैं, वो आर जनरल फिजिशियंस, राइट, एंड दे आर डूइंग The same amount of work, spending the same amount of hours in the hospital, they should all get the same salary. That is, what are you doing? You're treating equals as equally. On the other hand, can a doctor and nurse have the same salary? एरोस्टोटल बुद्ध से नॉट दैट वुअल इक्वली है ना ये, कहता है, ये तो एकदम so हो बट डॉक्टर की सैलरी जो है वो सेम नहीं हो सकती ऑफ मेरेटोक्रेसी और ट्रीटिंग एंड अनुअल अनईक्वली ये जो है आपकी इस इक्वालिटी इन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है ना वे काम जो उनका आइडिया है ऑफ द आइडियल स्टेट कि आइडियल स्टेट क्या होता है अब आइडियल स्टेट जो, है, तो जो हमने किया था, कि extremes, उसी आइडिया को वो स्टेट के अंदर भी अप्लाई करते हैं ठीक है वो क्या कहते हैं कि ठीक है प्लेटो ने बड़ी कोशिश की अपना फिलोसोफर किंग बनाने की फिलोसोफर जो है उनके अंदर बहुत रीजन है, राइट right? सो so क्योंकि एक इंसान रूल कर रहा है राइट सो इट्स रूल ऑफ वन पर्सन रूल ऑफ वन को हम क्या बोलते हैं जब एक ही इंसान रूल कर रहा होता है, है मोनाकी, राइट right? तो यहाँ पे मोनाक कौन है फॉर प्लेटो फिलॉसफर किंग है बट वो कहता है कि आप इस मुनाकी को सस्टेन कर सकते हैं जैसे कि प्लेटो के ही क्रिटिसिज्म में आया था दैट इट कैन टर्न इनटू टोटलिटेरियनिज्म कि कब वो इंसान डिक्टेटर बन जाए आपको पता ही नहीं चलेगा तो ये जो है ना अरिस्टोटल करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड गुड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसको बना देते तो बोलते हैं, जब तो फिलॉसफर किंग बहुत अच्छा निकला बड़े अच्छे से काम कर रहा है तब तो, तो ये मुनाकी है बट ओवर टाइम वी विल सी दैट इट विल डीजेनरेट इनटू अ करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं टेरनी टेरनी क्या होता है एक एक बहुत ही गंदा लीडर राइट right? हुज cruel, who's violent, राइट right? उसको हम बोलते हैं टायरेंट जैसे सबदाहम हुसैन वाज अ टायरेंट ठीक है तो ये होता है टायरेंट अब वो कहते हैं सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ अरिस्टोक्रेसी हो सकता है अरिस्टोक्रेसी क्या होता है इट इज रूल ऑफ फ्यू पीपल अगर तो ये कुछ लोग अच्छे से गवर्न कर रहे हैं अच्छे से जो है यू you नो know, uh, काम कर रहे हैं तब तो ये अरिस्टोक्रेसी हुआ बट द मोमेंट दे गेट कंज्यूम्ड बाय देयर ओन इंटरेस्ट ये क्या बन गया ये ओलीगार की बन गया ऑन द अदर हैंड द लास्ट विच इज विच इज द रूल ऑफ मेनी, है ना ये क्या है ये है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिटी राइट right? पॉलिटी जब यहाँ पे अच्छे से रूल हो रहा है इसको हम पॉलिटी बोलते हैं जब यहाँ पे मास मॉब बन जाती है तो ये क्या बन बन जाता है है डेमोक्रेसी जाती तो आज जो हम डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी कहते रहते हैं ना वो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ट फॉर्म ऑफ गर्वमेंट एरस्टॉर कहता है बहुत ही गंदी सबसे सबसे गंदी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है डेमोक्रेसी है बिकॉज मॉब रूल है ये पॉलिटी इज द रूल ऑफ मेनी विच ही प्रेफर्स एंड विच ही कंसिडर्स द बेस्ट स्टेट राइट अब यहाँ पे रूल ऑफ मेनी है अब आप बोलोगे कि अच्छा इसके तो वैसे इतने लिमिटेड थे तो क्या ये एरिस्टोक्रेसी नहीं हुआ एरिस्टोक्रेसी में सारे नहीं रूल करते एक स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो है रूल करता है राइट अब नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल तो ऑल द आर रूलिंग वो अलग बात है उसने सिटीजनशिप ही बहुत कम लोगों को दी है बट वो तो बोल रहा है मैं तो सारे सिटीजन को रूल करवा रहा हूं तो मतलब क्या है मेरा पॉलिटी है अब ये जो है वो बोलते हैं पॉलिटी इज अ मीन

दे गेट वेरी ग्रीडी सो दे शुडन बी अलाउड टू रूल सिमिलरली जो गरीब है तो गरीब पहले क्या करेगा अपना पेड़ भरेगा बिकॉज पहली बार उसने पावर देखी उसने वेल्थ देखी सो ही वॉन्ट टू अक्यूमुलेट मोर एंड मोर ऑफ इट हिस इज द बेस्ट पीपल टू रूल आ द मिडिल क्लास हिस इज देर एजुकेटेड दे हैव इनकल्केटेड इन तो ये सबसे बढ़िया है पहले तो ये रिच एंड पुअर जो दो एक्सट्रीम क्लासेस उनके बीच में फॉल करती हैं ऊपर से बहुत ही एजुकेटेड होती हैं बहुत ही इनके अंदर है डेवलप्ड होता है बहुत ही रैशनल थिंकिंग लोग होते हैं तो मिडिल क्लास जो है इज द बेस्ट क्लास जिसको रूल करना चाहिए ठीक है ये मानते थे आपके जो एरिस्टोटल थे एज अगेंस्ट जो प्लेटो ने फिलोसफर किंग का रूल बताया था ठीक है तो ये जो है कुछ मेन आइडियाज हैं अरिस्टोटल के जिनको हम आगे के और ज्यादा डिस्कस करेंगे तो ये आइडियाज जो हैं आपको एक फाउंडेशन दे सकते हैं जिसके थ्रू तो आगे के जो लेक्चर्स हैं थोड़े आसान हो जाएंगे अब हमने प्लेटो एंड अरिस्टोटल को जो है इन डिटेल देख लिया है एंड आपने देखा होगा कि कितनी एक वाइड वराइटी है ऑफ थॉट दोनों ही प्लेटो की एंड एरिस्टॉटल की

कहां से है अब प्लेटो एंडस्टोटल कहां से थे ग्रीस से से थे। अब ये ये भी यूरोप थोड़ा इधर आ जाइए की तरफ। ये है एक इटालियन छोटे छोटे सिटी स्टेट्स होते थे उसी तरह से इटली के अंदर भी इस दौरान जो है बहुत सारे बटे हुए छोटे छोटे स्टेट्स होते थे और इटली के ऊपर हमेशा लड़ाई चलती रहती थी ठीक है तो एक तरफ

है खुद की आर्मीज भी नहीं होती थी दे वर वेरी रिच राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस टाइम इटली लेग इन द मेडिटेरेनियन ट्रेड को कंट्रोल कर रहा है तो बहुत वेल्दी है बहुत लग्जूरियस है बट पॉलिटिक्स में कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट नहीं है इकोनॉमी में भरपूर है ठीक है तो क्या होता है इनफैक्ट दे फैक्ट टू पे मर्सनरीज टू फाइट वॉर्स फॉर देम राइट अब जितनी लॉयल्टी एक सोल्जर के अंदर होती है मर्सनरी में हो सकती है नॉट तुम पैसों के लिए उनसे लड़ाई करवा रहे हो कल को आपकी वॉरिंग पार्टी जिसके अगेंस्ट वो लड़ रहे हैं उन्होंने ज्यादा पैसे दे दिए तो वो तो वहां पर स्विच हो जाएंगे right? तो मैकेविली को ये सब बहुत प्रॉब्लम्स नजर आती थी अपने स्टेट्स के अंदर एंड इस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना बिकेम द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ मैकेविली तो जितनी एक एक्सटेंट ऑफ हम थॉट देते देखते हैं ना प्लेटो में एरिस्टोटल में जहां पे दे यू नो पर देर अबाउट एथिक्स दे अबाउट फैमिली एंड एंड जस्टिस इक्वालिटी एंड हर चीज पे वो बात कर रहे हैं मैकेविली का इतना कोई इंटरेस्ट नहीं है ही इज इंटरेस्टेड ओनली इन हार्ड कोर पॉलिटिक्स ठीक है वो है उनका इंटरेस्ट राइट एंड यहां पर जो है इमर्ज होते हैं मैकेविली एंड इनकी आती है इंपॉर्टेंस राइट right? मैके जो है बेसिकली ही लुक एट पॉलिटिक्स एज अ साइंस ही सेड एथिक्स मोरालिटी स्पिरिचुअलिटी के साथ पॉलिटिक्स लिंक करना है दिस इज नॉट माई इंटरेस्ट यू हैव टू लुक एट पॉलिटिक्स एज अ साइंस वाई बिकॉज जिस तरह से अब हमें पता है हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं अगर ठीक है तो इवन द मोस्ट बेसिक थिंग दैट इफ वी पुट अ पॉट ऑफ वॉटर ऑन गैस एंड टर्न ऑन द हीट द वॉटर विल बॉयल एंड इवेंचुअली द मोमेंट इट हिट्स

कर सके ये जो है मेन इंटरेस्ट है मैकेविली का ही इज लाइक बाकी ये जस्टिस इक्वालिटी सब गया तेल लेने आई हैव नो इंटरेस्ट इन दिस राइट अब इनकी शुरुआत कैसी होती है कि पॉलिटिक्स के अगर हमने कुछ जनरल लॉज डिस्कवर करने हैं यू हैव टू स्टार्ट विद द वेरी बेसिक यूनिट्स है ना सबसे छोटी चीजों के बारे में हमने बात करने तो जब हम फिजिक्स की भी बात करते हैं फिजिक्स की जब हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी आप लोग देखते होंगे हाँ तो उसके अंदर भी क्या होता है यू आर ऑलवेज लुकिंग फॉर द पार्टिकल्स जो कि यूनिवर्स बनाते हैं तो हम सबसे छोटे पार्टिकल को हम देखना चाहते कि आपका उसके अंदर मॉलिक्यूल था एटम था अंदर प्रोटॉन था न्यूट्रॉन था ठीक है हिग्स बोसन की हम बात करते हैं क्वॉक्स की बात करते हैं तो एक जो बेसिक यूनिट है जिसकी थ्रू चीजें बनती हैं हम सबसे पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक को समझने की कोशिश करते हैं

पावर हंगरी है राइट right? ये फीचर्स हैं हमारे इन इंडिविजुअल्स के हमारे ह्यूमंस के राइट right? और ऊपर से क्या है बिकॉज दे आर सो पावर सीकिंग इनकी अनलिमिटेड डिजायर है राइट right? तो जितना दे दो इनको है हम तभी बोलते हैं ना ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है इतने सारे इश्यूज क्यों हो रहे हैं वर्ल्ड में बिकॉज़ पीपल आर जस्ट ग्रीडी ऑल द टाइम सो अनलिमिटेड नॉट इट इफ यू हिट अ थ्रेश होल्ड ऑफ इनकम बहुत हो गया अभी ये नहीं मुकेश अंबानी बोलता अरे वाह मैं बहुत अमीर हो गया बस मुझको और नहीं पैसा कमाना नो यू कंसिस्टेंटली वॉन्ट टू अर्न मोर एंड मोर मनी यू वॉन्ट बी मोर पावरफुल यू डोट वॉन्ट टू बी जस्ट द रिस्ट मैन इन द कंट्री वॉन्ट टू बिचेस्ट मैन इन एशिया एंड टू बी द रिचेस्ट इन द वर्ड एंड देवर्स इट सच थिंग्स जो आपकी नेवर एंडिंग डिजायर जो ये चलती ही रहती हैं राइट right, अब सोर्सेज जो है रिसोर्सेज तो हैं वो तो स्कर्स हैं वो तो लिमिटेड है तो ऑब्वियसली इन लिमिटेड सोर्सेज के ऊपर तो कंपटीशन होना ही होना है अब क्या होता है इन चीजों के बेसिस पे इस नेचर के बेसिस पे हम कहते हैं कि हम कुछ लॉज ऑफ बिहेवियर जो है निकाल सकते हैं जिसके बेसिस पे हम पॉलिटिक्स की एक साइंस बना सकते हैं एंड वही कोशिश जो है मैकियावेली

प्रिंस ठीक है अब ये कहते हैं कि हमने प्रिंस को बताना है जो आपका है, है उसको बताना है कि किस तरह से आप एक अच्छा किंगडम जो है वो कर सकते हैं, राइट अब वो कहते हैं ये किस तरह से होगा जब जो प्रिंस है जो रूलर है उसके अंदर फंक्शनल एक्सीलेंस जो है डेवलप हो जाएगी फंक्शनल एक्सीलेंस क्या है वर्चू है वर्चू अब हमने देखा था फॉर Uh, आपका जो वर्चू फॉर प्लेटो क्या था कि आपकी सोल के हिसाब से काम करना दैट इज वर्चू फॉर प्लेटो ऑन दी अदर हैंड एरिस्टोटल के लिए वर्चू क्या था कि आप जो है मीन गोल्डन मीन अपनी पर्सनैलिटी में डेवलप करें अब यहां पे आके मैकेविली का कंसर्न किसके साथ है ही इज लाइक भाड़ में गए जो जनरल आम इंसान है उनसे मेरा कुछ लेना देना नहीं है बिकॉज उनको कोई इंक्लिनेशन ही नहीं होता रूल करने में हमको किससे मेन फोकस करना है हमको किस पे प्रिंस पे द रूलर पे ताकि यही रूलर जो है रिस्पॉन्सिबल है फॉर क्रिएटिंग अ गुड स्टेट अ वेल गवर्न स्टेट अ स्ट्रॉन्ग स्टेट यू कैन एंड यू विल एंड अप कंपेयरिंग हिम टू द वेरी फेमस इंडियन थिंकर जो है <coughs> जो कि है चाणक्य ठीक है तो चाणक्य और इनकी अर्थशास्त्र के अंदर जो है जो वो एडवाइस दे रहे हैं

ंग राइट right? तो जब यू नो वेन दर सोसाइटी के अंदर कुछ टमल हो रहा है कुछ चेंज आ रहा है तो तब पीपल आर लुकिंग फॉर अ स्ट्रॉन्ग रूलर यू नो जो कि उनको uh, बहुत इंसाइट कर पाए उनको जो है एंथुजियाजम उनमें जेनरेट कर पाए तो इमेजिन करो मोदी जी को ठीक है कि मोदी जी जब इलेक्शन चल रहा था लायन पर्सनालिटी इन ऑर्डर कि हमारे देश को खतरा है बड़ी चीजें हो रही हैं यू नो 56 इंच का चेस्ट यू नो बिग स्ट्रॉन्ग, वायलेंट करेजिस डेड इमेज ठीक है तो ये लायन इमेज है जो कि शुरुआत में आपको एंथुजियाजम जेनरेट करने के लिए चाहिए होती है बट अपनी रूल को मेंटेन करने के लिए ये लाइन पर्सनालिटी इज नॉट इनफ व्हाट यू आल्सो नीड टू बी यू हैव टू बी अ फॉक्स फॉक्स क्या है कनिंग

किसी रूलर को लगता है कि बिकॉज ऑफ अ सर्टन थिंग मेरे स्टेट को खतरा हो सकता है तो चाहे वो झूठ बोल के अपने स्टेट को बचाए नो प्रॉब्लम एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन मैक्यूविली क्रिएट्स अ डुअलिटी बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स ही सेज अब से मेरे पहले तक भी एंड इवन ड्यूरिंग द डार्क एजेस डू मिडिल चल रही थी राइट बिफोर कमिंग इन ऑफ रेनेसो चर्च जो है बहुत ही ज्यादा एक मेजर इंस्टीट्यूशन थी जो कि पॉलिटिक्स को बहुत ज्यादा डोमिनेट करती थी तो वहां पे क्या होता था झूठ बोलोगे तो हेल जाओगे ये करोगे तो झन्हनुम में जाओगे ये करोगे तो यहां जाओगे ही सेज यू हैव टू सेपरेट एथिक्स एंड मोरालिटी द नॉर्मल रूल ऑफ एथिक्स जो कि आप लोगों को सिखाते हो वो प्रिंस के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते राइट सो इमेजिन करो दैट इफ यू से रियली बैड एंड द किंग गिव्स अप फाइटिंग वॉट विल है 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 ना ना आप example कर सकते हैं अशोका अशोक का है उनको कलिंग की लड़ाई के बाद बहुत बुरा लगा तो उन्होंने बोला नहीं मैं बन बट डज दिस मीन ही टोल्ड हिस्सिटीजन अब जोर वायलेंस वायलेंस करना बुरा है बट क्या अशोक के कैपिटल के अंदर जो अशोक का किंगडम था उसमें कैपिटल पनिशमेंट खत्म हो गई थी कैपिटल पनिशमेंट क्या होती है जब तुम किसको मार देते हो

को देखो इतना इतना जीडीपी ग्रोथ हो गया क्यों क्योंकि क्यों? वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी ठीक है वहां पे ऐसे स्ट्रांग आर्म रूलर्स थे जिन्होंने कन्वर्जंस कर दी हां में डेमोक्रेसी है तो हम ही ऐसे पड़े रहे दिस आर सच थिंग्स दैट वी टॉक अबाउट नाउ व्हाट डस मैकियावेली से मैकियावेली सेस दैट लुक आई अंडरस्टैंड दैट समटाइम्स यू विल हैव टू यूजViolence राइट समटाइम्स देयर विल बी सर्टेन पीपल हु विल क्रिएट सम मिस्टिफ और वी हु विल डू सम

बट इफ यू स्टिक विद मी देन डेवलपमेंट विल हैपन ठीक है विकास होगा राइट एंड इट शुड बी यूज एज अ मैटर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट

वर्चु इनकलकेट कर लिया लायन एंड फॉक्स आपने समझ ली सब कर लिया नाउ सेज इज़ वन थिंग कैन स्टिल मेस थिंग्स अप। व्हाट इज दैट फॉर्चूना फॉर्चूना क्या है फॉर्चून किस्मत ठीक है you know, it, river. Right? ही river जो आपके फील्स को इरिगेट करती है किसी दिन बहुत बारिश हो जाए ये सब तहस नहस कर देगी But somehow, आप उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, हैं। उनको करने की कोशिश कर सकते हैं. हम भी करते हैं अब आप आपको नहीं पता आपने गाड़ी ले ली आप ये तो नहीं बोलते ना? Oh, oh, पता नहीं, हो जाए, तो मैं कभी गाड़ी में नहीं लूंगा मैं कभी गाड़ी नहीं लूंगा मैं कभी गाड़ी, नहीं मैं कभी गाड़ी, नहीं मैं कभी गाड़ी में बैठूंगा ही नहींकल इंश्योरेंस यू बायथ इंश्योरेंस यू बाय लाइफ इंश्योरेंस इफ समथिंग बैड ऑल्सो है यू हैव दीज थिंग्स अवेलेबल विच ठीक है या फिर अगर आपके टांग पैर कुछ टूट गया तो आपके हॉस्पिटल एक्सपेंस जो है आपकी गाड़ी ठुक गई तो वो जो है हो थूद आगे। थूद आगे। आगे? तो इसी, इसी तरह फॉर्च्यून को भी कटेल कर सकते हो किसके थ्रू बाई डेवलपिंग वर्चू इन यू बाई डेवलपिंग विजडम इन यू सो इफ समथिंग बैड हैपन्स यू विल नो हाउ टू टैकल इट ठीक है तो ये आइडिया जो है वो फॉर्चून के बारे में बात करते हैं अब जो डुअलिटी उन्होंने क्रिएट की ना बिटवीन एथिक्स एंड पॉलिटिक्स उसी से रिलेटेड है दईडिया ऑफ रिलीजन अब रिलीजन इतना इंपॉर्टेंट है वैटिकन तो इटली में ही बैठा है है ना वैटिकन जो आपका चर्च है रिलीजन को आप किस तरह से व्यू करते हैं ही अ वेरी यूटिलिटेरियन अप्रोच यूटिलिटेरियन का क्या मतलब है कि जितना इस्तेमाल जितना पर्पस जितने मेरे एंड्स फुलफिल हो रहे हैं उस तरह से मैं करूंगा राइट right? तो अब क्या बोलते ये बोलता है रूलर को कि आपने ये झांसे में नहीं आना बी नॉन वायलेंट बड़ा ये करो दान प्रदान करो झूठ मत बोलो ये सब सिखाता है आपको रिलीजन ही सेज लेट द पीपल फॉलो इट

टू हेल्प योर स्टेट अटेन स्टेबिलिटी एक और वे इन विच स्टेट कैन बी स्टॉक मेंटेन योर ओन नेशनल आर्मी डोंट डिपेंड ऑन मर्सनरीज अपनी खुद की नेशनल आर्मी रखो एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इंपीरियलिस्ट फॉरन पॉलिसी एक्सपैंड करो बड़े हो ठीक है और कंट्रीज पे जाके जो है कैप्चर करो उनको कॉन्कर करो ये जो है इंपॉर्टेंट चीजें हैं ठीक है अब ये क्या बोलते हैं तो क्या हमेशा किंगडम्स ही रहेंगे हमेशा प्रिंस ही रहेंगे हमेशा प्रिंसली स्टेट्स ही रहेंगे क्योंकि इसका भी बहुत सारा जो है क्रिटिसिज्म हुआ था मैकेविली का अब मैकेविली की, की एक और किताब आती है एक थी प्रिंस जो की बात करती है प्रिंस की एक किंगडम की उनकी एक लेटर वर्क आती है विच इज कॉल्ड डिस्कोर्सिस ऑन लिवी लिवी के अंदर वो क्या बोलते हैं कि धीरे धीरे ये जो अनरूली मास है इसको

तब इंस्टेड ऑफ सीकिंग सिक्योरिटी जो कि एक प्रिंसडम में हो रहा था पीपल नाउ स्टार्ट चेरिशिंग व्हाट लिबर्टी फ्रीडम एंड दिस इज द टाइम ही सेज कि जब आपके जो स्टेट्स हैं ऐसी पब्लिक स्पिरिटेड सोसाइटी के अंदर किंगडम्स या प्रिंसली स्टेट्स नहीं बल्कि रिपब्लिकनिज्म राइट रिपब्लिकनिज्म क्या होता है व्हेन पीपल रूल टुगेदर राइट देयर इज नो अ रूलर और एक हेरिडिटरी रूलर बल्कि एक सिटीजन जो है कलेक्टिवली पार्टिसपेट करते हैं एंड लॉज बनाते हैं तब ये जो है वो आइडिया इनकलकेट

कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री जो है वो सब देख लिया होगा हॉब्स हॉब्स का अब Hobbes के आइडियाज आइडियाज जो मेन उनको देखने से पहले एक क्विक माइंड मैप ड्रॉ कर लेते हैं एक मैप बन जाए से ये देखा, हर जो है, आपको रिकलेक्ट हो जाए ठीक है अब हॉब्स जो है हम कहते हैं ट्रू सेंस के अंदर मॉडर्न थिंकर की तरह एमर्ज करते हैं ठीक है नाउ फ्रॉम ग्रीस टू इटली वी कम वेर to the birthplace of industrialism and capitalism and scientific revolution and enlightenment and everything which is UK your great Britain ठीक है अब Hobbs जो है इनको हम मानते हैं as the main thinker of individualism individualism क्या होता है अब Plato के लिए सबसे important क्या था state था Aristotle के लिए भी सबसे important क्या था state था आपके Machiavelli के लिए भी क्या सबसे ज़्यादा important था स्टेट था तो फोकस किस पे था कम्युनिटी पे तो चाहे तुम्हें इंडिविजुअल लेवल पे सैक्रिफाइस देनी पड़े स्टेट सबसे इंपॉर्टेंट है

हमने प्लेटो में देखा कि उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ सोल डिवाइड कर दिया था सोसाइटी को ठीक है कि कई लोगों में जिनमें रीजन है वही गार्डियंस एंड फिलोसोफर किंग बनने लायक है बाकी सब यू नो आर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स सेम वाज अरिस्टोटल देर वॉज अ वेरी फ्यू लिमिटेड पीपल वो सिटीजन जो है गवर्न कर सकते थे सिमिलर द केस विद स्पेशली उनके डोमिनेंट थॉट में अगर हम बात करते हैं स्पेशली किसकी प्रिंस की जहां पे प्रिंस है जो कि रूल कर रहा है पूरे स्टेट को डिस्कोस एंड फ्लिवी के अंदर जो है थोड़ा चेंज आता है एंड अब ये जो चेंज धीरे धीरे आने लग गया है वो मॉडर्न थिंकर्स लाइक हॉब्स के साथ जो है वेल डेवलप होता है अब यहां क्या हो रहा है यहां कि प्लेटो ने एरोस्टोटल uh, uh, ने मैक्यूविली ने क्रिएट कर दिए थे ऑन द अदर हैंड एन इंट्रिंसिक लेवल आर इक्वल ठीक है सब इक्वल है चाहे आप

ठीक है दे माइट बी इंटेलिजेंट बट दिस मीन दैट यू नो इफ एन इंटेलिजेंट पर्सन या फिर आपकी क्लास के अंदर होते थे ना जो फ्रंट बेंचेस हर चीज पे हाथ खड़े करना ठीक है और कुछ ऐसे भी होते थे जो कि बैक बेंचेस होते थे तो क्या वो सोचते थे दैट वी आर लेस देन दिस फ्रंट बेंचर नहीं वो तो इनफैक्ट सोचते थे कि ये तो क्या स्टूपिड इंसान है जो आगे बैठ के पूरा टाइम पढ़ता रहता है वी आर द कूल पीपल वी आर द पॉपुलर पीपल अदर पीपल वॉन्ट टू बी लाइक अस है ना तो उस लेवल में वो लगता था हम तो इनके जैसे ही है हम इनफैक्ट उनसे भी बेटर है अब कुछ लोग हो जो तो जो कि बहुत माइटी भी हो सकते हैं बहुत स्ट्रांग भी हो सकते हैं ओके okay, तो इसमें क्या फर्क पड़ रहा है अगर तुम तो माइटी हो कोई अपनी इंटेलिजेंस यूज करके तुमको हरा सकता है कोई इकट्ठे करके बंदे तुमको हरा सकता है सो एट एन इंट्रिंसिक लेवल एवरी पर्सन एवरी ह्यूमन इज इक्वल साथ ही में ह्यूमंस जो है एक्टिव क्रिएचर्स हैं मतलब इन सब में रैशनैलिटी है सो अनलाइक से प्लेटो अनलाइक एरिस्टोटल जो कि कहते हैं रैशनैलिटी और रीजन इज यू नो अवेलेबल ओनली टू अकॉर्डिंग टू आपके हॉब्स एंड रीजन इज अवेलेबल टू वन एंड ऑल हाउ एवर अगेन एक जो कॉमनिटी कैरी ऑन हो रही है मैकेविली से इज अ नेगेटिव व्यू ऑफ ह्यूमन नेचर राइट ऑल ह्यूमन इज इज अल्फिश आर वेरी प्राउड राइट बिकॉज जैसे ही कूल जितना वो बेंचर है तो क्या हुआ अगर उसका आई आई टी क्रैक हो गया लुकेट मी पीपल स्टिल यू नो थिंक आई एम बेटर थिंग ठीक है एंड देर ऑल पावर सीकिंग एवरी वन वॉन्ट्स पावर बट कैन एवरी वन हैव पावर नो है ना तो इसीलिए इसेंशियली कॉन्फ्लिक्ट है डेवलप होने लगती है अब

पॉलिटिक्स दैट इज नो स्टेट नो पोलिटिकल अथॉरिटी इनको इनको ये ये क्या बुलाते इनको ये बुलाते स्टेट ऑफ नेचर ठीक है स्टेट ऑफ नेचर ठीक है अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही यहाँ पे स्टेट नहीं है तो ये स्टेट का क्या मतलब है स्टेट होता है जैसे हम बात करते हैं ना स्टेट ऑफ मैटर साइंस में आपने पढ़ा होगा स्टेट का क्या मतलब होता है क्या आपकी हालत है ठीक है तो देर इज अ स्टेट ऑफ सॉलिड देर इज अ स्टेट ऑफ लिक्विड देर इज अ स्टेट ऑफ ग्लशियस है ना तो स्टेट ऑफ मैटर हम बोलते थे कि आप किस कंडीशन में हो तो ये स्टेट का यहाँ पे मीनिंग वो है इट डज नॉट मीन द पोलिटिकल अथॉरिटी वाला स्टेट इट मीन कंडीशन है सो दिस इज द कंडीशन ऑफ नेचर ठीक है नेचर विच इज प्री पोलिटिकल एंड प्री सोशल प्री सोशल मतलब देर इज नो आइडिया ऑफ सोसाइटी देर इज नो आइडिया ऑफ अ स्टेट दैट इज देर इज नो पोलिटिकल अथॉरिटी दैट एग्जिस्ट राइट सो दिस इज वॉट दिस इज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ ठीक है पीपल एट परफेक्ट लिबर्टी परफेक्ट परफेक्ट फ्रीडम फ्रीडम क्या है कोई रोक टोक नहीं है हम पे अभी भी जब हम बात करते फंडामेंटल राइट्स की हमारे ऊपर कुछ तो रोक टोक है ठीक है हमारे पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है बट क्या इसका यह मतलब है कि मैं गाड़ी चलाती हुई ट्रैफिक लाइट तोड़ती हुई जाऊं दो तीन लोगों पे अपनी गाड़ी भी चढ़ा दूं इज दैट

You might it might think that it's good, but it can harm your interest even more. So imagine that if you're in a perfect freedom to go snatch away a couple of things from a person, but the thing is, someone stronger than you can come snatch away those things from you, and ko nobody will hold them accountable for their actions. Okay? So because of the state of perfect freedom, because there is nobody to teach you or stop you or reprimand you. What happens is that this is a state of permanent war. Why? Because every human is

नॉट मेड बाय पोलिटिकल अथॉरिटी बट एक तरह से हम इमेजिन uh, करते हैं ना कि कई बार हमारे से ग्रैंड पेरेंट्सो से इट्स नॉट जस्ट द स्टेट डजन है मना है राइट right? हम क्या बोलते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोग यू नो पीपल विल से अरे ये तो यू you नो know, हमारे वेदों में लिखा है झूठ बोलना मना मनु स्मृति में लिखा है झूठ बोलना मना है यादर रिलो इस तरह से हमारे बहुत सारे डिवाइन या नेचुरल लॉस होते हैं जो की हम बोलते हैं नेचर ही हमको देती है इम्प्लिसिट होते हैं ये किसी पोलिटिकल अथॉरिटी को बनाने की जरूरत नहीं होती तो बोलते ऐसे नेचुरल लॉज एग्जिस्ट करते हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू बी पीस सी किंग एंड सोन सोफ

ज दिस वॉज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ होप्स दैट पीपल हैव रीजन ठीक है इनके पास रीजन है ये एक्टिव क्रीचर्स है जो भी ये काम करते है कुछ सोच समझ के करते हैं ठीक है तो अगर मैं एक पेड़ के ऊपर चढ़ता हूं तो मैं क्यों चढ़ाऊ नॉट लाइक मेको हाइट्स पसंद है बट बिकॉज इट न्यूज टू गिव मी सिक्योरिटी फ्रॉम एनिमल तो ये डिफरेंट डिफरेंट पर्पजेज होते हैं तो वो सोच समझ के कोई एक्शन करते हैं तो बोलते हैं ऐसे रैशनल इंडिविजुअल्स को समझ में आ जाएगा कि इस तरह कॉन्फ्लिकचुअल स्टेट ऑफ नेचर में तो हमारा गुजारा नहीं है वी नीड टू एस्केप दिस अनाकी एंड वी हैव टू क्रिएट अ स्टेबल एंड सिक्योर इन्वायरमेंट एंड हाउ विल दैट भी पॉसिबल ये पॉसिबल होगा विच लीड अस टू द नेक्स्ट आइडिया ऑफ हॉब्स थ्रू अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट

एंड as सॉवरिटी है क्या नहीं करना है, you तभी हम बोलते है कि तो इंडियन गवर्नमेंट जो है जो लॉज बनाती है वो हम पे इंप्लाय करती है राइट ब्रिटेन ने उनको बता सकता है या इवन यूएन ने उनको बता सकता कि तुम ये लॉ बनाओ ठीक है तो इसी तरह से एक सॉवरन क्रिएट हो जाता है जो कि ऑल पावरफुल है जिसको क्या नाम देते हैं ये क्या है एक सी मॉन्स्टर है कि हमने इतनी पावर दे दी है इस सॉवरन को इस पॉलिटिकल अथॉरिटी को एंड इतनी सारी पावर क्यों दी है बिकॉज हमने अनारकी से एस्केप करना है एंड एक स्टेबल एंड सिक्योर लाइफ बनानी है ना वेरी इंपॉर्टेंटली एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है एक ही कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू दोनों सोसाइटी भी बन जाती है पॉलिटिकल अथॉरिटी भी बन जाती है एंड जो सॉवरन है जो लेवाइथन हमने बनाया दैट मोनार्क दैट इंडिविजुअल इज आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट

फॉलो दैट ठीक है ये आइडिया जो है इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंटली हॉब बोलते कि जो कॉन्ट्रैक्ट है इोवोकेबल है हम इसको वापस नहीं ले सकते एंड पर्मांट है अभी चलता जाएगा ठीक है तो यही पे बात करते हैं कि अभी चलता कैसे जा रहा है नहीं तो अब ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि जिन्होंने शायद साइन ना किया हो कॉन्ट्रैक्ट हॉब्स बोलते हैं साइन कर दिया ना मतलब दिस इज एप्लीकेबल टू तो वन एंड ऑल इवन साइनिंग इट साथ ही में आप अपनी को और भी परपेचुएट कर सकते हैं हम किसी लैंड को कॉन्कर कर सकते हैं या किसी के ऊपर अपना कंट्रोल जमा सकते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है दोबारा हमारी सॉवरिनिटी के अंदर आ गए सिमिलरली आगे आने वाली जेनरेशन आर ऑल्सो सीन एज है क्योंकि आपके परदादा या किसी ने कर दिया था कॉन्ट्रैक्ट से तो अब आप भी ऐसे हो गए है ना जैसे हम बोलते थे ना कई तो बेगार होता था इंडिया के अंदर तो आपके दादा ने कभी लैंडलॉर्ड के साथ डील की थी कि माय फैमिली विल बी ऑलवेज वर्कर्स फॉर यू तो बेचारे जनरेशन आफ्टर तो जनरेशन आफ्टर तो जनरेशन उन्हीं के खेतों में काम करते रहते थे तो इस तरह से सेबलचुअल है एंड परपेचुअल है वेरी इंपॉर्टेंटली ये कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है ये कहते हैं कि एक सिक्योरिटी स्टेबिलिटी देता है आपकी फैमिली को आपकी लाइफ को तो हैव टू कि अभी मैंने घर बनाया है प्रॉपर्टी बनाया है कल को कोई बंदा आके मेरे से छीन के ले जाएगा अगर किसी ने अटेम्प्ट की अटेम्प्टीवरिन स्टैंडिंग देयर हु विल गेट इट बैक फॉर यू एंड पनिश दैट पर्सन आल्सो तो ये सॉवरिनिटी को जो है सॉवरिन को जो है हमने पावर दी है इतनी

कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है वही मेजोरिटी रूल के थ्रू ठीक है अब ओबीडियंस हमने सिक्योर कैसे करनी है है वन के सब बड़े फैन ठीक है प्लेटो ने भी बोला था एजुकेशन के थ्रू ये हॉब्स भी क्या बोलते हैं पॉलिटिकल एजुकेशन के थ्रू क्या आप लोगों को सिखाइए कि अगर आपने सॉवरेन हटा दिया राइट इफ यू फाइट अगेंस्ट द सॉवरेन रिमेंबर इट्स अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट सो व्हेन द सॉवरेन गोज ये नहीं है कि आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी गई आप सिविलाइजेशन में अब आ जाओगे सोसाइटी में आ जाओगे और एक नया पॉलिटिकल अथॉरिटी बना लो नो यू विल गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर बिकॉज सोसाइटी एंड पॉलिटिकल अथॉरिटी दोनों ही एक कॉन्ट्रैक्ट से बने हैं सो इफ यू नलिफाई दैट कॉन्ट्रैक्ट यू गो बैक टू द स्टेट ऑफ नेचर ठीक है अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दट इज इज दट द वे इन विच सॉवरिन जो है लेवियाथन जो है अपनी पावर को जस्टिफाई करता है इज वो कहते हैं कि मैं सेफ्टी एंड वेलबींग जो है गारंटी कर रहा हूँ ऑफ वन एंड ऑल कोई आपकी प्रॉपर्टी नहीं छीनेगा कोई आपकी लाइफ नहीं छीनेगा कोई कुछ नहीं करेगा सो यू कैन गो अहेड एंड लिव अ गुड लाइफ ठीक है अ गुड लाइफ तो जहाँ पे वो इंडस्ट्री को प्रमोट करेंगे इकोनॉमी को प्रमोट करेंगे ये सब चीजें जो है वो करेंगे

ये क्या है अब इमेजिन करो यूके आल्सो यूके में हम कहते हैं रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और हम कहते हैं वहां पे जो पार्लियामेंट है तो ना इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ लेवियाथन ऑल पावरफुल है जिस मर्जी चीज पे वो लॉ बना सकता है यू नो देयर वाज द सेइंग व्हिच यूज्ड टू से दैट द पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड कैन डू एनीथिंग लेस चेंज अ मैन इनटू वुमन एंड वुमन इनटू मैन राइट तो अब तो वो क्या बोलते हैं कि पार्लियामेंट ने वेरियस चीजों पे लॉ बना दिए जिस सेक्टर में या जिस चीज के ऊपर लॉ एग्जिस्ट नहीं करता मतलब वहां पे पार्लियामेंट ने आपको नहीं रोका है फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट इज अ स्टेट ऑफ लिबर्टी ठीक है दैट इज द प्लेस वे यू कैन डू एनीथिंग यू वॉन्ट सो राइट्स जो है अगर आपको कोई राइट्स दिए भी जाते हैं दोज राइट्स ओनली मैटर वेन दे आर क्रिएटेड बाई लॉ अदरवाइज दे हैव नो वैल्यू

तब तक कोई लॉ फॉलो नहीं करता जब तक डर ना हो कि चलान घर पहुंच जाएगा सब लोग तोड़ेंगे सिग्नल ठीक है तभी हम ये भी बात करते हैं कि इज कैपिटल पनिशमेंट पनिशमेंट से इंपॉर्टेंट फॉर रेप बिकॉज यू फील दैट दैट विल मे बी स्केयर पीपल फ्रॉम ब्रेकिंग लॉज और ट्राइंग टू हार्म और असोल्ट वेमेन इस तरह से वो बोलते हैं एब्सलूट सॉवरिनिटी देने की जरूरत है ताकि इनके पास कंप्लीट पावर हो अपने रूल्स एंड लॉज को अप्लाई करने की The only thing जो करती है लेवियाथन को दैट इज वॉट तो अब कोई राइट टू रिवोल्ट कोई राइट टू रेजिस्टेंस इंडियन जुडिशरी देती थे है ना आपको राइट टू प्रोटेस्ट है ना लेवीआथन में कुछ नहीं दिया हुआ है, हौब्स ने. हौब्स कहता है सिर्फ एक टाइम है जब आप रेजिस्ट कर सकते हैं अगर यही लेवियाथन जो कि हमने बनाया था फॉर आर ओन सिक्योरिटी इफ दैट लेवियाथन थ्रेट इज आर प्रेजर्वेशन ये नहीं कि मैं किसी का मर्डर करके आऊं और लेवियाथन मेरे को सूली पे चढ़ाने लगे तो मैं सेल्फ प्रेजर्वेशन थ्रेटेन एंड नो यू हैव डन समथिंग रॉन्ग दैट इज वाई यूर बींग हैंग बट ऑन दी अदर हैंड इमेजिन इफ अ लेथन इफ दैट इज योर सॉवरन और योर स्टेट यू नो गोज ऑन अ मास जीनोसाइड या फिर राइट्स करवा रहा है या लोगों को ऐसे आर्बिट्ररी मरवा रहा है दैट इज समथिंग विच इज नॉट डन सो ओनली नेचुरल राइट विच मैटर्स फॉर हॉब्स इज व्हाट द राइट टू लाइफ तो इस राइट टू लाइफ एंड सेल्फ प्रजर्वेशन का अगर ये लेवियाथन उल्लंघन करता है देन यू हैव द राइट टू रेजिस्टेंस लास्ट जो इनका एक मेन आइडिया है इट इज विद रिगार्ड टू रिलीजन ठीक है अगेन जो इनका रिलीजन का आइडिया है उसके ऊपर बहुत डिबेट है क्या ये क्रिश्चियन वैल्यूज की बात कर रहे हैं क्या ये ओपन है टू अदर थिंग्स ऑल्सो अब हॉब्स जो एक मेजर क्रिटिक थे चर्च के राइट बिकॉज चर्च है डोमिनेटेड पॉलिटिक्स चर्च वॉज एक्सट्रीमली एक तरह से uh, यू नो इंडिविजुअल्स डोंट मैटर इन चर्च है तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना चर्च की एक जो पेट्रिया की थी जो पिछड़े हुए वैल्यूज थे दैट वॉज समथिंग दैट हॉब्स रियली रग्री विद ना वन ऑफ दैट हॉब्स अग्रीड विथ वॉज द आइडिया ऑफ फ्रीडम कॉन्शियस कि अपने प्राइवेट स्पेयर के अंदर आपने जो रिलीजन फॉलो करना है आप करो बट इन टर्म्स ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन वो कौन कंट्रोल करेगा सॉवरन कंट्रोल करेगा कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं कर सकते तो एक तरह से जो नेगेटिव सेक्युलरिज्म है जो कि आजकल हम देखते हैं यूरोप के अंदर यूएस के अंदर

इनकी जो मेन आइडियाज हैं इन इनको हम इंटरलिंक एंड आसानी से समझने की कोशिश करेंगे वाया माइंड मैप्स ठीक है तो इन माइंड मैप्स के थ्रू जो है आपको ब्रॉडर आइडियाज़ पता लग सकते हैं जो कि आगे डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे सो व्हेन द डिटेल डिस्कशन हैपेंस यू कैन बेयर इन माइंड कि हाँ जी मैंने ये ये चीज़ें जो है ये एक्सप्लोर की गई थी ये मेरे को समझाया गई थी और ये फाउंडेशनल आइडिया था जिसके ऊपर से बिल्डअप हो रहा है जिसके अंदर जो डिटेल्स है ऐड की जा रही हैं जिसके ऊपर जो बाकी स्कॉलर्स का अनालिस है ऑफ लॉक्स आइडियाज वो पे पेश किया जा रहा है साथ ही में वेरी इम्पोर्टेंटली इन माइंड मैप्स के थ्रू यू कैन ऑल्सो ट्राई टू ड्रॉ ब्रॉड कंपेरिजन राइट बिकॉज वीव डन अ नंबर ऑफ थिंकर्स बिफोर दिस नाउ राइट नाउट वीव कवर्ड प्लेटो वीव कवर्ड एरिस्टोटल वीव कवर्ड मैकेी वी कवर्ड हॉब्स एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड जैसे कि हमने पिछले थिंकर्स में भी किया था कि पोलिटिकल थाट पोलिटिकल कॉन्सेप्ट थ्योरी के ऐसे जो कुछ टर्म्स हैं दे आर कैरीड फॉरवर्ड पास से एंड लॉट्स ऑफ थिंकर्स इधर से क्रिटिसाइज दम और build on it. तो आपको से law के ideas के अंदर क्या पिछले कुछ thinkers की inspiration दिखती है? If do you do you find any kind of say an imprint or an impression of past ideas? So maybe try locating a couple of thinkers when you go about. Right? तो जैसे कि जब आप broad ideas जो हैं उनको देखते हैं, तो maybe draw comparisons to जहाँ पे आपको लगता है कि क्या अरिस्टोटल के साथ कोई कंपैरिजन ड्रॉ हो सकता है या फिर क्या हॉब्स के साथ कोई कंपैरिजन या डिफरेंस जो है वो सामने लाया जा सकता है राइट तो ऐसी चीज़ें ऐसी क्रिटिकल असेसमेंट एनालिसिस एंड कंपैरिजन करना जो है इज़ अ की इंग्रेडिएंट दैट यू नीड टू अडॉप्ट इट्स वेन यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट इस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर आपको गलती से भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाता है राइट विच मे बी इज इंट एग्जैक्टली कवर्ड राइट बट मे बी आपने दोनों थिंकर्स किए हैं से अगर आपको लॉकियन एंड हॉप्सियन थाट का कंपेरिजन आ जाता है या उनके अंदर डिफरेंस एंड सिमिलैरिटीज की बात आ जाती है इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप उसको आसानी से लिस्ट आउट कर पाओ ठीक है क्योंकि सोशल कॉन्ट्रैक्चलस्ट थिंकर्स हैं दोनों दोनों जो है ह्यूमन इक्वालिटी पे बात करेंगे दोनों जो है स्टेट ऑफ नेचर का आइडिया बात करेंगे दोनों जो है ह्यूमन नेचर के ऊपर बात करेंगे बट वी विल सी डिस्पाइट हैविंग सिमिलर टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन उनके ऊपर जो है दोनों ही थिंकर्स बहुत ही डाइवर्जेंट या बहुत ही डिफरेंट व्यूज रखते हैं राइट सो देर माइट बी पॉइंट्स ऑफ सिमिलैरिटीज स्पेशली एज अ टेकिंग ऑफ पॉइंट बट वेन यू फर्दर एनालाइज दम जब आपकी डेवलपमेंट ऑफ थॉट होती है यू रियलाइज दैट डिस्पाइट बोथ बींगाइट बोथ बींग फिट इन टू द लिबरल स्कूल ऑफ थॉट दोनों के अंदर जो है कितना बड़ा एक डिफरेंस है तो ऐसी ऐसी चीजों के ऊपर भी जो है एक नजर डाले रखना कंटिन्यूसली uh, ऐसी चीजों को एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट सो वाइल मेकिंग माइंड मैप्स ऑल्सो अनदर थिंग दैट एज यू कीप रीडिंग थिंकर्स

अब वी हैव टू रियलाइज जैसे कि पहली बात की थी कि की तरह, भी जो है एक कॉन्ट्रेक्टलिस्ट मतलब है? है, है, है ना ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन का आइडिया जैसे कि एरोस्टोटल बोलता था कि एक मैन मेड मैन मेड मतलब जैसे कोई एक टूल की तरह नहीं है जिसको मैन ने बना दिया ये क्या है एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है आउट ऑफ देयर ओन सोशल नेचर जो है निकल के आती है ऑन दी अदर हैंड लॉक का क्या मानना है लॉक कहते हैं मच लाइक हॉब्स दैट द स्टेट रादर देन बीइंग अ नेचुरल आउटक्रॉपिंग एक नेचुरल मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल एंटिटी की जगह इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ मैन मेड कॉन्ट्रैक्ट सो so पीपल हम लोगों ने आफ्टर रियलाइजिंग कि हाँ जी हमें इस तरह की एक पॉलिटिकल अथॉरिटी की ज़रूरत है हम उस कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू एक पॉलिटिकल अथॉरिटी जो है बनाते हैं ठीक है और जब हमने अपनी मान्यता से अपने कंसेंट के थ्रू जो है एक चीज़ बनाई तो वो क्या हो गई इट डिड नॉट रियली एग्जिस्ट ऑर्गेनिकली बल्कि इट वॉज़ मेड इन टू बींग ठीक है इट केम इन टू बीग हाउ क्योंकि हमने इसको वाया एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है तो इसी कॉन्ट्रैक्टनिस्ट ट्रेडिशन को जॉन लॉक भी जो है आगे लेके जाते हैं नाउ जॉन लॉक के सर्कमस्टेंसेस जो है वो वेरी डिफरेंट फ्रॉम हॉब्स के सर्कमस्टेंसेस तो जिस तरह का ब्लडशेड हॉब्स ने विटनेस किया था लॉक इन फैक्ट विटनेसेस कंप्लीट ऑपोजिट टू दैट ही विटनेसेस व्हाट यू कॉल इन वर्ल्ड हिस्ट्री एज़ ग्लोरियस रेवोल्यूशन ग्लोरियस

होब्स है ट्रू रिगार्ड के अंदर जो आपकी जॉन लॉक है उनको फादर ऑफ पॉजिटिव लिबरलिज्म या फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म जो है बुलाया जाता है अब लिब्रलिजम का आइडिया जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपकी पोलिटिकल थ्योरी के अंदर भी हम एज एन आइडियोलॉजी देखेंगे कि आखिरकार ये लिब्रलिज्म होता क्या है थॉट के अंदर भी जो है टाइम एंड अगेन ऐसे आइडियाज ऑफ लिबरलिज्म आते हैं अब वेरी ब्रॉडली जब हम लिबरलिज्म को देखते हैं हम लिबरलिज्म के अंदर कुछ ब्रॉड कॉन्सेप्ट्स या कुछ ब्रॉड चीजों को इंक्लूड कर लेते हैं जैसे कि क्या जैसे कि पहली चीज दिस शुड बी अ गवर्नमेंट जो कि किस पे बेस्ड हो जो कि बेस्ड हो ऑन विल तो जैसे कि आज की हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं डेमोक्रेसी की सबसे एक जो कॉमन डेफिनेशन जो हर बच्चा बच्चा जानता है वो क्या है ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल राइट सो इट इज बेस्ड ऑन द कंसेंट ऑफ द पीपल हम लोग जाके वोट डालते हैं वो गवर्नमेंट जो है पावर में आती है और किसके लिए रूल्स बनाती है किसके लिए लॉज बनाती है हम लोगों के लिए सो इफ द पीपल आर आंट वेरी हैप्पी अबाउट द लॉज और दे डोंट अग्री विद द काइंड गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग वट कैन द पीपल डू दे केन वो दैट गवर्नमेंट आउट ऑफ पावर फाइव इटर राइट सो एक अकाउंटेबिलिटी जो है आर्बिट्ररी नहीं होती बल्कि एक अकाउंटेबिलिटी असोसिएटेड होती है गवर्नमेंट के साथ वेरी इंपॉर्टेंटली right? एक और चीज जो की इसके साथ जुड़ी है इज ऑल्सो जब हम लिबरलिज्म के अंदर बात करते हैं इज द आइडिया ऑफ फ्री मार्केट एंड इंडिविजुअलिज्म अब पहले इंडिविजुअलिज्म को देखना जरूरी है क्योंकि उसी से हम एसोसिएट कर सकते हैं फ्री मार्केट को भी इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है अब हमने जैसे कि प्लेटो के अंदर देखा था या फिर इवन एरिस्टोटल में देखा गया था दे पुट द सोसाइटी बिफोर द इंडिविजुअल दिस वॉज ऑल्सो ट्रू फॉर मैक्यूविली राइट मैक्यूविली के लिए स्टेट वॉज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस द इंडिविजुअल हैड वेरी लिमिटेड इंपॉर्टेंस एवरीथिंग वॉज फेयर इन केस दिस वॉज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल एंड द वेलबींग ऑफ द स्टेट एज सच राइट तो आपके जितने भी एंशियंट थिंकर्स थे मोर और लेस राइट चाहे वो प्लेटो हो एरिस्टोटल हो मैकेवेली हो दे प्लेस्ड द ग्रुप दैट इज द कम्युनिटी और द स्टेट बिफोर द इंडिविजुअल. लिबरलिज्म का आइडिया जैसे कि हमने हॉब्स के साथ ही देखा था नाउ प्लेसेस इंडिविजुअल इन द फोरग्राउंड एंड इन इंडिविजुअल्स के साथ जो है एसोसिएटेड होते हैं कुछ राइट्स जो कि हर इंडिविजुअल के लिए दिए जाते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं एंड उनसे कोई जो है छीन नहीं सकता है

इज मोर एसोसिएटेड विद लॉक राधर इसी इंडिविजुअलिज्म से एक और चीज क्या निकल के आती है दैट एज एन इंडिविजुअल हम लोग ग्रो करना चाहते हैं हम काम करना चाहते हैं एंड वन वे टू वर्क इज थ्रू मार्केट थ्रू इकोनॉमी एंड ये मार्केट ये इकोनॉमी में मेरी जो प्राइवेट एंटरप्राइज है मेरी जो इंडिविजुअल बिलीफ है मेरी जो इंडिविजुअल हार्डवर्क है दैट शुड बी लेव टू माई सेल्फ यहाँ पे स्टेट की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए कम्युनिटी नहीं बता रही बता बतानी चाहिए मुझको कि नहीं तुम ही वर्कर बनोगे तुम ही ये काम करोगे ठीक है तुम्हें जो है कुछ और अवेलेबल नहीं होगा ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी राइट इट विल बी फ्री फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस इट विल बी अप टू द इंडिविजुअल्स एंड हाउ मच इज़ प्रोड्यूस्ड हाउ मच हु अर्नस विद बी बाय वॉट मार्केट फोर्सेज द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ठीक है तो इस तरह के जो कुछ पोलिटिकल लिबरलिज्म के आइडियाज थे वो जॉन लॉक के अंदर जो है हम पाने हमने पाए जाने जो है हमें दिखने लग गए इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ पोलिटिकल और क्लासिकल लिबरलिज्म अब जॉन लॉक के जो आइडियाज थे अ लॉट ऑफ पीपल एंड ऑफ थिंकिंग हाँ जी ये हॉब्स के क्रिटिसिज्म के लिए आई थे

आपकी मॉम की एसोसिएशन जो है आ जाती है सबसे पैरामाउंट इंपॉर्टेंस क्या है आपका सर नेम ठीक है और वह सर नेम कहाँ से आ रहा है आपकी मेल लीनियज से आ रहा है तो इस तरह की एक पेट्रियाकल डोमिनेशन जो है कब से कायम है अब रॉबर्ट फिल्मर जो थे उन्होंने ये आइडिया डेवलप किया उनका मानना था कि स्टेट जो है ये जो आइडियाज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दीज आर ऑल राइट ये नहीं एग्जिस्ट करता एक डिवाइन अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है दिस वॉज इन यूरोपियन स्टेट ऑल्सो आपका जो मोनाक है है ना मोनाक को किसने पावर दिया ऊपर से डिवाइन अथॉरिटी आई है राइट right? तभी तो चर्च की पावर इतनी इंपॉर्टेंट थी वाय बिकॉज द चर्च एज ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन लेज दिस क्लेम कि हाँ भगवान ने डिवाइन ने मुझे जो है पावर दी है टू रूल ओवर यू एंड अब इट्स नॉट जस्ट यूरोप नॉट जस्ट मिडीवल यूरोप बट इन फैक्ट प्रेजेंट डे इंडिया आल्सो जब रिलीजन की बात आती है सडनली एवरी वन से हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वी अग्री वी अग्री वी विल नॉट क्वेश्चन यू राइट सो ऐसी चीज जो है फिल्मर ने आगे रखी थी कि उन्होंने बोला कि स्टेट का जो आइडिया है ये एक डिवाइन लॉ से एसोसिएटेड है ये एब्सलूट है मतलब ये किसी को आंसरेबल नहीं है इसके ऊपर किसी तरह की लिमिट्स नहीं है नॉट इवन द दैर मिनिमम लिमिट जैसे कि हॉब्स ने अप्लाई करने की कोशिश की थी विद द आइडिया ऑफ राइट टू लाइफ सो ही सेज नो नो सच लिमिटेशन एंड वेरी इंपॉर्टेंटली ये पेट्रियाल अथॉरिटी से आई है राइट सो वेन यू लुक एट दी होल बिब्लिकल आइडिया के गॉड है राइट right? भगवान ने पहले पहला जो आदमी था एडम है ना एडम को बनाया बनाया एंड वो जो है एक भगवान की बेटी की तरह आए एंड आगे चलते हुए एडम के बच्चे जो हैं बेटे जो हैं टेक्निकली नॉट बच्चे बेटे ठीक है वो आगे 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 चल के जो है रूलर्स बनते चले गए राइट सो दिस पेट्रियाकल नोशन ऑफ डिवाइन एब्सोलूट अथॉरिटी वो समथिंग जो कि फिल्मर एस्पाउस करते थे

बहुत ही नेगेटिव था ठीक है जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था बहुत ही सेल्फिश हैं बहुत ही फियरफुल हैं बहुत ही पावर ड्रिवन है राइट एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन स्टेट ऑफ नेचर भी क्या था स्टेट ऑफ नेचर भी वॉज इन अ कांस्टेंट स्टेट ऑफ वॉर बिकॉज ह्यूमंस वो कंटिन्यूअसली पावर हंग्री humans were continuously selfish and so you, they couldn't really trust one another there was this idea of might is right where continuous war violence on, making life in state of nature poor nasty brutish and short ke, on the other hand now locke has a very very positive view of human nature and you always have to bear in mind the context of thinkers whereas hobbes had witnessed people at their worst with violence cruelty and had himself you know borne witness to it locke had seen a more positive side of change and therefore he was more open to looking at human nature as being very uh, you know from an optimistic lens So humans for him पहली चीज जहां पे हॉब्स और लॉक के अंदर अग्रीमेंट है राइट right? अग्रीमेंट वाली चीजें हम नोट डाउन कर ले कौन कौन से हमने देख ली है, हमने देख ली, तो है ही है right? वो तो ही था. दूसरा रीजन दैट रीजन इज अवेलेबल टू मैन रैशनैलिटी इज अवेलेबल टू मैन राइट होब्स भी बोलते हैं इट इज बिकॉज पीपल आर रैशनल दाइट लॉक का भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है दिलिटी है प्लस देर इज रीजन देर इज रैशनैलिटी अवेलेबल टू ह्यूमन बींगस वेरी इंपॉर्टेंटली अनलाइक हॉब्स जिनका मानना था कि ये रीजन इन स्टेट ऑफ नेचर के नॉट कर्टेल मैन के जो बेसर इंस्टिंग बेसर इंस्टिंग क्या होते हैं यूरो फियर होना पावाहंगी होना सेल्फिश होना दूसरों को मारना फॉर देयर ओन इंटरेस्ट ऑन दी अदर हैंड लॉक का क्या मानना है दैट फॉर अ लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स ये जो रीजन है हेल्प्स यू कर्टेल योर बेसर इंस्टिंग इट हेल्प्स यू कंट्रोल दैट यू शुडन बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स इट हेल्प्स यू कंट्रोल योर पैशंस जिसको हम कहते हैं राइट सो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे वर्ल्ड है ठीक है दुनिया में हम रहते हैं अपनी कंट्री में हम रहते हैं राइट right? बहुत लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं आपकी आपके सिबलिंग के साथ होती होगी किसी फ्रेंड के साथ हो जाएगी सड़क पे चलते हुए लोगों के साथ हो जाएगी वी नो दर इज समिंग कॉल्ड वी हैव सी आर पी सी क्रिमिनल कोर्ट जो है ठीक है जो कि बोल देता है कि अगर आपने किसी का मर्डर किया नहीं, तो आपको सजाए मौत कैपिटल पनिशमेंट जो है वो भी सुनाई जा सकती है या फिर एटलीस्ट इतने साल की सजा तो जो है आपको भुगतनी पड़ेगी इज दैट दी ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम किलिंग सम वन ऑब्स का तो यही मानना है कि लॉ ही है जो कि इन लोगों को ह्यूमन्स को ह्यूमन्स की तरह बिहेव करवा रहा है वरना ये तो दे विल गो ऑन मर्डरिंग वन राइट इज इज दैट ट्रू यू नो अगर लॉ ना हो तो आपके जाके किसी को भी छुरा भोग देंगे लॉ का मानना है नहीं राइट इवन इफ यू लुक एट आर सेल्स इट नॉट जस्ट द लॉ स्टॉपिंग अस कल को कोई आपको बोल दे अच्छा मैं आपको फ्री छूट देता हूँ ठीक है आप कोई लॉ अप्लाई नहीं कर रहा है विल यू गो ऑन मर्डरिंग पीपल राइट यू वॉन्ट करता है वो क्यों क्योंकि हम रैशनल लोग हैं राइट सो हमारा पहला इंस्टिंग क्या होता है अच्छा लड़ाई हो रही है झगड़ा हो रहा है नेबर के साथ कुछ कहाँ सुनी होगी राइट आ फर्स्ट इंस्टिंगा Our first instinct is that let's, you know, sit down and let's talk to people. Right? Let's talk to them. Let's try to sort this out. Right? So when you hear those पंजाबी you डूड्स know, really जैसे वो पूरा दिखाते राइट देट इज अब्स इंडिविजुअल रीजन कंट्रोलिंग रियर अबाउट ठीक है रीजन जो है आपकी जो बेसिक इंस्टिंग है जो आपके अंदर जो बुराइयां हैं उनको कंट्रोल करके रखेंगे एंड देफो वेन यू कंपेयर लॉक्स इंडिविजुअल टू हॉब्स इंडिविजुअल पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है अब आपका वेरी इंपॉर्टेंटली आ गया लॉक का इंडिविजुअल जो है ज्यादा बैलेंस्ड है ठीक है वो अपने पैशंस को अपने बेसर इंस्टिंक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है ठीक है ना बिकॉज ये कंट्रोल कर सकते हैं ये कंट्रोल क्यों कर पा रहे हैं क्या इस चीज में कोई हेल्प कर रहा है राइट क्योंकि स्टेट ऑफ नेचर की बात तो ये करेंगे ही अब ये कहते हैं हाँ स्टेट ऑफ नेचर जैसी हाइपोथेटिकल चीज़ पे ये भी ले जाते हैं कि अब हमने शुरुआत कहाँ से की ये ह्यूमन नेचर है ह्यूमंस जो है प्रायर टू अ पोलिटिकल अथॉरिटी एक स्टेट ऑफ नेचर जो कि हाइपोथेटिकल स्टेट है स्टेट अगेन रिमेंबर जैसे कि हॉब्स ने बताया था स्टेट हेयर डिज नॉट रेफर टू नेशन स्टेट यहाँ क्या है स्टेट ऑफ मैटर क्या कंडीशन में वो रहते थे राइट ये कौन सी कंडीशन थी इट वॉज द स्टेट ऑफ नेचर जहाँ पे कोई पोलिटिकल अथॉरिटी जो है एग्जिस्ट नहीं करती नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट कम्स बिटवीन लॉक एंड हॉब्स ट इवन दो बोथ ऑफ देम कंसेप्चुलाइज ऑफ स्टेट ऑफ नेचर है ना इनका स्टेट ऑफ नेचर जो है इज नॉट प्री सोशल इट इज प्री पोलिटिकल बट इट इज नॉट प्री सोशल इट वॉज बोथ प्री सोशल एंड प्री पोलिटिकल प्री पोलिटिकल तो समझ में आता है गवर्नमेंट नहीं थी पोलिटिकल अथॉरिटी जो है एक्सिस्ट नहीं करती थी प्री सोशल का क्या मतलब है देअर हॉब्स क्योंकि एक नेगेटिव व्यू था ह्यूमन नेचर का सो इट वॉज एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ

And therefore, even during state of nature, some sort of society exists. It is not a civil society though. Civil ya political society, जिसको हम बुलाते हैं, वो क्या है? वो इस तरह की society है, जिसके अंदर हम रहते हैं आज के day and age.

फैमिलीज डिड एग्जिस्ट समेड एग्जिस्ट बट इस तरह की वाइड स्केल सिविल सोसाइटी पोलिटिकल सोसाइटी वो एग्जिस्ट नहीं करती थी एंड पोलिटिकल अथॉरिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी ठीक है ये जो है लॉक आपको बताने की कोशिश करते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये जो स्टेट ऑफ नेचर थी अब हमने बात कर ली कि हॉब्स की जो स्टेट ऑफ नेचर थी वो तो बहुत ही बुरी थी उन्होंने बोला नेचुरल लॉ एग्जिस्ट करता है, है ना बट उसकी कोई मानता नहीं है क्या लॉक की थ्योरी में भी कोई नेचुरल लॉ है

इट डज नैचुरल लॉ इक्वल डि लॉ नो इट दे कैन बी सर्टन ओवरलैप्स एट सर्टन टाइम्स बट नो इट इज नॉट अ गॉड गिवन एंटिटी इट इज सम्रिविन इट इज समथिंग विच यू कैन डिस्कवर बाई रीजन ठीक है जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर लॉ एग्जिस्ट ना करे अगर सी आर पी सी आपको ना बोले कि चोरी करना मना है उससे पहले भी आपके पेरेंट्स बहुत सारे लोग स्कूल इन सब जगह पे आपको सिखाया जाता है चोर, चोरी करना मना बुरा है राइट अब आपको स्कूल के अंदर अगर आपने किसी की पेंसिल चुरा ली कोई आपको जेल तो नहीं भेज रहा है ना बट उसकी भी क्रिटिसिज्म होता है उसके लिए भी जो आपको बोला जाता है कि ये करना बुरी बात है राइट वो बुरी बात क्यों है बिकॉज इट इज कॉमन सेंसिकल यू आर स्टीलिंग वट बिलोंग्स टू रीजन ठीक है ये रीजन ड्रिवन है तो इसलिए कहते हैं नेचुरल लॉ भी कुछ ऐसे सेट ऑफ लॉ हैं दैट यू अंडरस्टैंड दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय अ रीजन वाई बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि दिस मेक्स योर लाइफ एंड अदर्स लाइफ इज ऑल्सो ईजी एंड प्लस क्योंकि ऑल ह्यूमन आर इक्वल ये लॉ इज ऑल्सो इक्वल इक्वली एप्लीकेबल टू वन एंड ऑल ठीक है तो कोई इंसान ऐसे नहीं बोल सकता रे दैट कल को वन पर्सन टर्स अराउंड इन सीज ओ आई एम अ वाइट प्रॉपर्टीड मेल सो नेचुरल लॉ डज नॉट अप्लाई टू मी नो इट अप्लाइज टू एवरी वन

तो वो आपको अवेलेबल होते हैं क्योंकि आपके कल्चर के अंदर उनकी काफी ज्यादा एक्सेप्टेंस है राइट जब फॉर एग्जाम्पल इमेजिन कीजिए इवन इन मिडीवल इंडिया और इवन इन इंडिया एज सच राइट ऑफ द ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड टू से टू लाइट द फ्यूनरल पायर और इवन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर ये क्या था एक कस्टमरी राइट right माना जाता था हाउएवर देर आर अनदर थिंग्स कॉल लीगल राइट्स लीगल राइट्स क्या होते हैं ऐसे राइट्स जो कि लॉ बनाता है तो लॉ ने क्या बोला कि आप जो है राइट right? अगर अब मैं आपको कस्टमरी राइट एंड लीगल राइट का एक डिफरेंस इन कंपैरिजन एक ही एग्जांपल से बता सकती हूँ हमने बताया कि कस्टमरी राइट right क्या था कि ओल्डेस्ट मेल चाइल्ड जो है उसको प्रॉपर्टी इनहेरिट होगी लीगल राइट ने क्या बोला कि नहीं आप औरतों को डिनाई नहीं कर सकते सो विमेन विल ऑल्सो बी इक्वली इंटाइटल टू द प्रॉपर्टी ऑफ देयर फादर राइट right? अब ये क्या बन गया ये लीगल राइट right है लीगल राइट क्यों बिकॉज इट इज बैक्ड बाय द लॉ ऑफ द लैंड इसके अलावा हम बोलते हैं और लीगल राइट रिमेंबर हॉब्स ने क्या बोला था कि नेचुरल हैव नो मीनिंग मीनिंग कौन देता है राइट को लॉ देता है राइट लीगल राइट आर वट ही कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट नाउ अनलाइक हॉब्स थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हॉब्स के लिए डिफरेंस हॉब्स के लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट थे लीगल राइट्स Without law, without the backing of the state, without the backing of the authority, natural law had no meaning, natural rights had no meaning. What only had meaning legal rights. Law ke liye, however, even your natural rights are very important. Why? Because human beings are reasonable people, their baser instincts, their passions can be controlled by that rationality. And therefore, natural rights, something those were made available by the natural law, वो फर्स्ट इनएलियनेबल ठीक है मतलब कोई भी आपसे ये छीन नहीं सकता है या आपको इनसे ये डिप्राइव नहीं कर सकते हैं एंड इनवायलेबल इनको कोई तोड़ नहीं सकता है जैसे कि आज भी हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो अगर कोई मेरी फंडामेंटल राइट्स को यू uh, नो uh, you know, उनको कर्टेल करने की कोशिश करता है फॉर एग्जांपल अगर वो स्टेट ही करे तो हम क्या करते हैं हम आर्टिकल थर्टी के अंडर अपने सुप्रीम कोर्ट के पास डायरेक्टली जा सकते हैं कि ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को जो है कर्टेल कर्ब या छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो ये इनवाइलेबल भी हैं जो आपके नेचुरल राइट्स हैं राइट फंडामेंटल राइट्स हाउआ वो फंडामेंटल राइट्स क्या है ये लीगल राइट्स है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है टेक्निकली क्योंकि हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं ये नेचुरल राइट्स क्या है नेचुरल राइट्स हमें नेचर से आए हैं नेचुरल लॉ ने दिए हैं ठीक है कोई मैन मेड लॉ की ये क्रिएशन नहीं है इनफैक्ट दे मैन मेड लॉ से पहले आए हैं ठीक है so और कौन से हैं तीन राइट्स की बात करते आपके जो लॉक हैं। कौन से हैं राइट टू लाइफ राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी ठीक है right life, right liberty, right ये तीन राइट्स जो हैं सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए और ये कहते हैं ये तीन नेचुरल राइट्स हर ह्यूमन बीइंग को जो है इनको अवेलेबल कराए गए हैं राइट right? सो so पहली चीज जैसे कि बताई गई नेचुरल राइट्स कहां से डिराइव हुए हैं किसी लॉ से, से आए हैं किससे आए नैचुरल लॉ से आए हैं सेकेंड इक्वली अवेलेबल टू एवरी ह्यूमन बींग एंड थर्ड ये जो राइट्स हैं ये एक्ट करते हैं एज लिमिटेशन ऑन पॉलिटिकल अथॉरिटी जो कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाई जाएगी कि आप इन राइट्स को हमने क्या बोला था ये इन एलियनेबल है इनवाइलेबल है इनको आप छीन नहीं सकते हैं इनको आप कर्टेल नहीं कर सकते हैं राइट तो ये जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज ऑफ दिस रीजन बिकॉज दर इज नैचुरल लॉ, बिकॉज ये रीजन के थ्रू अवेलेबल है रीजन के थ्रू जो है डिस्कवर किया जा सकता है रीजन के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है विद इन दिस नेल राइट्स आर ग्रांटेड एंड एवरी पर्सन एवरी ह्यूमन बींग को जो है ये इक्वली अवेलेबल है सो मोर आर लेस बिकॉज ऑफ द रीजनेबल मैन दैट ह्यूमन आर दे ट्राई टू रिस्पेक्ट ईच आज नेचुरल राइट ऑल्सो सो देफो अनलाइक होब्स फोर्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट

कभी कोई नेचुरल डिजास्टर स्ट्राइक करता है पीपल आर वेरी हैप्पी टू हेल्प दे आर वेरी ईगर टू हेल्प दे रियली वॉन्ट टू गो हेल्प सो मनी हो गया वॉलंटरी एक्टिविटीज हो गई राइट पीपल रियली कम टू द फोर सो पीपल आर वेरी सिम्पथेटिक टू ईच अदर तो इस तरह म्यूचुअल असिस्टेंस भी एग्जिस्ट करती थी स्टेट ऑफ नेचर में एंड जनरल लेवल ऑफ गुडविल भी एग्जिस्ट करता था सो so अब स्टेट ऑफ नेचर फॉर लॉक वॉज अ मच मोर पॉजिटिव स्टेट ऑफ नेचर रादर देन हॉब्स की जो हम स्टेट ऑफ नेचर की बात करते हैं अब मेन क्वेश्चन जो कि आपके दिमाग में आना चाहिए अगर ये स्टेट ऑफ नेचर इतनी अच्छी थी नेचुरल राइट्स एग्जिस्ट करते थे लोग एक दूसरे की मदद कर रहे थे लोग एक दूसरे की बात सुन रहे थे तो फिर प्रॉब्लम क्या थी अथॉरिटी बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी क्यों स्टेट बनाया आपने अब इमेजिन करो हम सब जो है मोर और लेस रीजनेबल सिटीजन हैं वी अंडरस्टैंड वॉट वी शुड डू एंड वॉट वी शुडन डू सो मोस्ट ऑफ आज गो टू स्कूल रेगुलरली इट्स स्टडी वेल ट्राई टू स्कोर वेल इन एग्जामिनेशन बट हमेशा ऐसे वो यू नो दो तीन परसेंट लोग होते हैं हु ऑलवेज वॉन्ट टू कॉज मिस्चिफ राइट हु डोंट वॉन्ट टू लिसन टू लॉज, हु वॉन्ट टू ब्रेक लॉज, हु वॉन्ट टू कॉज ट्रबल हु वॉन्ट टू कॉज है वॉन्ट टू हार्म अदर्स है ना अब आप उन लोगों को कैसे कंट्रोल करोगे है yeah, ना पहली प्रॉब्लम वो सेकेंड प्रॉब्लम इवन इफ यू आर वेल natural law abiding natural rights respecting human beings there are chances that can there can be disputes hai yeah, na there can be disputes kisi ke paas similar pencil thi theek hai pencil ke upar ladai hogi ki ye pencil kiski hai किसी बच्चे ने दूसरे बच्चे का tiffin box तोड़ दिया गलती से ठीक है गलती से ही चाहे टूट गया हो ये दूसरा बच्चा पकड़ के जा रहा था गलती से धक्का लग गया and वो गिर गया है ना वॉट शुड बी द कॉन्सिक्वेंसिस राइट डज द अदर चाइल्ड पे फॉर दिस टिफिन बॉक्स और शुड दैट अदर चाइल्ड जस्ट बी फाइंड और शुड दैट अदर चाइल्ड जस्ट बी पनिश्ड ठीक है क्या होना चाहिए राइट right? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बिकॉज एवरी पर्सन के नॉट बी जज इन इट्स इन हिज और हर ओन कॉज ये पहला रूल होता है नेचुरल जस्टिस का मतलब इमेजिन करो मेरी मेरे पड़ोसी के साथ लड़ाई हो जाए ओवर अ पार्किंग स्पॉट कि ये स्पॉट जो है किसका डेजिग्नेटेड है पार्किंग स्पॉट डी यू थिंक मैं इतनी अच्छी हूँ कि मैं बोलूंगी हाँ हाँ सोसाइटी ने तुझे ही दिया था बट मैं जेलिस हो रही हूँ और मेरे को अब मैंने एक ही जगह दो गाड़ियां ले रही है और इसलिए अब आई एम ट्राइंग टू स्टील योर स्पॉट सो दैट आई कैन यू नो कीप माई कार योर विल आई से थिंग्स लाइक दिस विल आई बी सो नाइस हाँ युवा करेक्ट ना एम रो नो आई वोट Right? Because that is the thing about humans that no matter how reasonable you are when it comes to your own interest somehow you will end up putting them before the other persons. Right? So during conflicts राइट हाउ डू यू डिसाइड एंड जरूरी भी नहीं है कि मैं बुरी हूँ यू कैन जस्ट हैव अपोजिंग परसपेक्टिव राइट पीपल कैन हैव डिफरेंट परसपेक्टिव तो किसी को लग सकता है कि नहीं यहाँ पे जो है मेरी प्रॉपर्टी शुरू होती है दूसरे को लग सकता है कि नहीं वहाँ पे मेरी शुरू होती है राइट दीज कैन वी जेनुइन ग्रीवासिस जेनुइन मिस्टेक्स हम इन डिस्प्यूट्स को इन प्रॉब्लम्स को रिजोल्व कैसे करेंगे Right? That is also a huge question involved. So, because of these reasons, we realize that goodwill is not guaranteed. Hai. There can be problems that can arise due to mischievous elements and because of genuine disputes and problems that will occur between human beings. And we have to resolve them. Now, what are the problems that exist? We that किसी भी तरह की मिस्टीवियस हरकत करता है या कोई भी प्रॉब्लम या डिस्प्यूट होती है तो अब इसके अंदर सबसे बड़े मिसिंग एलिमेंट्स हमको क्या देखते हैं सबसे पहले तो जो हमने बोला देर इज लैक ऑफ एन इम्पार्शल जज राइट सो इफ अ प्रॉब्लम ऑफ अ डिस्प्यूट ब्रेक्स आउट इन टू पीपल हु कौन गलत है कौन सही है एंड जो गलत है उनको किस तरह का जुर्माना भरना चाहिए इम्पोर्टेंटली इवन बिफोर एन इम्पार्शल जज इन पार जजेस जो है किस बेसिस पे जो है अपने जजमेंट्स देते हैं हम कहते हैं ना जुडिशरी जो है उसका बहुत ही फैक्ट बेस्ड काम होना चाहिए इट शुडन बी स्वेड बाय ओपिनियंस इट शुडन बी स्वेड बाय पर्सनल मोरालिटी इट शुड वर्क ऑन व्हाट इट शुड वर्क ऑन हार्ड कोर फैक्ट्स एंड लॉ लॉ मतलब कि लॉ के अंदर ये लिखा है ठीक है और अगर किसी ने लॉ का उल्लंघन किया है इफ समवन हैज ब्रोकन दैट पर्टिकुलर लॉ एज पर द लॉ आपको ये सजा सुनाई जाएगी राइट? सो इफ यू मर्डर्ड अ पर्सन इन दिस मैनर यू विल बी गिवन फोर्टीन ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट इफ यू मर्डर्ड एंड रेप्ड अ पर्सन वेरी ब्रूटली यू विल बी गिवन कैपिटल पनिशमेंट ठीक है तो एक स्पेसिफिक सेट ऑफ लॉज है सो इवन बिफोर अ जज कैन डिसाइड ऑन हूज रॉन्ग और हुज राइट एंड वॉट काइंड ऑफ पनिशमेंट टू गिव यू फर्स्ट नीड सर्टन फाउंडेशनल लॉज बिकॉज लॉज के बेसिस पे ही आपको पता लगेगा कि कौन सही है एंड कौन गलत है ठीक है तो आपको क्या चाहिए आपको एक लॉ मेकिंग बॉडी चाहिए जो भी एग्जिस्ट नहीं करती है इस दौरान एंड वेरी इंपॉर्टेंटली एंड थर्डली यू नीट समली इस लॉ को अप्लाई करेगा इंप्लीमेंट करेगा ठीक है आव इमेजिन करो uh, के लॉ बना दिया जाए ठीक है और हमने बोला कि पहले भी तो एग्जिस्ट करते थे कि वो लॉ को इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे बट आप इमेजिन करो दैट इफ योर ओन फादर हैपन्स टू बी अ टीचर इन योर स्कूल एंड वो आपके बोर्ड्स के एग्जामिनेशन के टाइम पे ही इन्विजिलेटर बन जाए ठीक है और उनको पता है कि मैथ्स की आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती राइट देर आर चांसेज दैट योर फादर माइट जस्ट कम अप टू यू एंड ट्राई टू एक्सप्लेन दैट और हेल्प यू इन सम वे और मैनर राइट बिकॉज यू कॉन्ट बी एन इम्पार्शल एग्जीक्यूशनर राइट सो यू नीड एन इम इम्प्लीमेंटर ऑफ दो लॉज जैसे कि आज की मॉडर्न एज में कौन है हमारी आपकी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है राइट right? जैसे कि आपकी पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है यहां पे जिनको हम बोलते हैं हमारे परमानेंट एग्जेक्यूटिव जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है जो हमारे यूपीएससी की सिविल सर्वेंट्स है वो भी क्या है वो इम्पार्शल एग्जीक्यूटर्स ऑफ लॉ है कि उनके सामने रूल्स एंड रेगुलेशन आ गए हैं कि इस बेसिस पे जो है आपने इस लॉ को अप्लाई करना है एंड दे कान डिफ्रेंशिएट बिटवीन कि ये मेरा चाचा है ये मेरा भतीजा है वो हो जाता है प्रैक्टिकल उसमें बट इन इन टेक्निकालिटी यू शुड बी कंप्लीटली इम्पार्शल अनबायस्ड वर्क एज पर द लॉ और ये तीनों ही चीजें जो है आपकी स्टेट ऑफ नेचर में मिसिंग थी बिकॉज ऑफ विच दे दिस गुडविल दिस पीसफुल एक जो एनवायरमेंट है इन स्टेट ऑफ नेचर ये गारंटीड नहीं है ये कभी भी जो है क्रम्बल डाउन हो सकता है सो सो एजू कि ये पीसफुल इन्वायरमेंट बना रहे हमें क्या करने की जरूरत है वी नीड टू कम अप विथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है कॉन्ट्रैक्ट सो एज टू फॉर्मुलेटेन अथॉरिटी नाउ वी विल ऑल्सो सी द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस फ्रॉम होब्स नाउ यू रिमेंबर हमने हॉब्स में क्या किया था इट्स अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट उस एक कॉन्ट्रैक्ट से सोसाइटी भी बनती है एंड स्टेट भी बनता है अब लॉक में हमने पहले ही देख लिया जो वेरी इंपॉर्टेंट एक डिफरेंस था कि स्टेट ऑफ नेचर प्री पॉलिटिकल थी बट प्री सोशल नहीं थी बिकॉज लॉक लाइक अंडरस्टैंड्स दैट मैन इज अ सोशल एनिमल नाउ इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सिंगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है दो कॉन्ट्रैक्ट हैं पहला कॉन्ट्रैक्ट है जिसके थ्रू बनती है पोलिटिकल या सिविल सोसाइटी पोलिटिकल या सिविल सोसाइटी क्या होती है एक तो सोसाइटी हमारी नॉर्मली सोसाइटी भी है ने? जिस तरह से हम लोग फैमिलीज बनाते हैं एक्सटेंडेड फैमिली होती है ट्राइबल ग्रुप होता है राइट कास्ट ग्रुप होता है वो हमारी नॉर्मल सोशल लाइफ हो सकती है पोलिटिकल सोसाइटी है फॉर एग्जाम्पल वेन वी आइडेंटिफाई एज सिटीजन ऑफ इंडिया एंड देन वी गो कास्ट आ वोट इन अ इन जनरल इलेक्शन सो एज टू चूज द गवर्नमेंट तब हम क्या बन जाते हैं वेन वे एक्टिंग एज अ बॉडी ऑफ सिटीजन हम एक पोलिटिकल सोसाइटी बन जाते हैं ठीक है तो इस तरह की पहले एक पोलिटिकल सोसाइटी बनती है एंड सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से क्या बनता है सेकेंड कॉन्ट्रैक्ट से बनती है पोलिटिकल अथॉरिटी जो आपकी गवर्नमेंट है सो अनलाइक हॉब्स होब्स सिंगल कॉन्ट्रैक्ट लॉक में क्या है डबल कॉन्ट्रैक्ट है फर्स्ट अ पोलिटिकल सोसाइटी एंड सेकेंड अ पोलिटिकल अथॉरिटी वेरी इंपॉर्टेंटली ठीक है तो ये जो है आपके दो कॉन्ट्रैक्ट जिनकी बात कर लेते हैं हॉब्स अब इस पोलिटिकल अथॉरिटी के अंदर जो जो चीजें मिसिंग थी जो कि हमने देखा था स्टेट ऑफ नेचर में उन सब चीजों के लिए प्रोवाइड किया जाता है तो पोलिटिकल अथॉरिटी के अंदर जो हम ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट की आज बात करते हैं वही एग्जिस्ट करेंगे लॉ मेकिंग के लिए कोई नहीं था तो हमने एक लेजिस्लेचर बनाई लॉ इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमें कोई चाहिए तो हमने एग्जीक्यूटिव बनाया डिस्प्यूट रिजोल्व करने के लिए कोई चाहिए तो हमने जुडिशरी बना दी ठीक है, ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसे कि ने भी बात की थी कि ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट किस पे बेस्ड है ये बेस्ड है ये जो आपकी गवर्नमेंट है जो आपकी है, पीपल मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दैट मेजोरिटी back बिकॉज ऑफ because इट कम्स it comes into सो इट so it isn't द रिजल्ट ऑफ a डिवाइन लॉ

आइडिया ऑफ दैट इमेजिन करो कि एक जनरेशन ने तो अग्री कर दिया फॉर सोशल कॉन्ट्रैक्ट अब आगे उनके बच्चे भी हो गए उन्होंने तो साइन नहीं किया वे अग्री विद राइट नाशियसिट वि जो एक्चुअलिंग था जो एक्चुअल पोलिटिकल अथॉरिटी पोलिटिकल सोसाइटी अ पीसफुल गुड लाइफ कंसेंटिंग टू द फॉर्मुलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ दिस पोलिटिकल सोसाइटी ठीक है दैट इज योर एक्सप्लिसिट कंसेंट नेक्स्ट इज योर टैसिड कंसेंट टैसेट का क्या मतलब था लेटेंट लेटेंट मतलब ऊंची ऊंची चला के नहीं बोली जा रही बट हम क्या बोलते uh, हम बोलते जैसे हम बोलते हैं ना चुप में भी हामी टाई भर दी तो ये वो ही है ठीक है तो ये किस तरह से बोलते हैं बोलते हैं सपोजटली अब आपको जाके कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की जरूरत नहीं है द फैक्ट दैट यू आर यूजिंग दी सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट राइट सो द फैक्ट कि आप अपने काम के लिए गवर्नमेंट का हाईवे यूज करते हैं तो वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रही है मतलब आप कंसेंट कर, right? कर रहे हैं टू बी अ पार्ट ऑफ दिस अथॉरिटी राइट या फिर आप प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं राइट प्रॉपर्टी इनहेरिट करना आपने आपको किसने पॉसिबल बनाया Law ने बनाया कि जी आप इनके बेटे या बेटी हैं तो इसलिए यू कैन इनहेरिट प्रॉपर्टी राइट इट डेट एन एल स्नेटी अगेन बायरली इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी ऑल्सो यू आर अग्री टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्रॉडर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ठीक है बट इट्स बेस्ड ऑन विल इट्स बेस्ड ऑन कंसेंट सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे से जो स्टेट है जो आपका बना ठीक है जो आपकी पॉलिटिकल अथॉरिटी बनी है इसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं बिकॉज़ ये क्या है डेलीगेटेड पावर है एक्चुअल में पावर किसके हाथ में एक्चुअल में पावर इज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल द ट्रू पॉलिटिकल सॉवरेन कौन है लोग हैं इट इज पीपल हु हैव कंसेंटेड टू गिविंग गिविंग यू द पावर बाय फॉर्म्युलेटिंग अ कॉन्ट्रैक्ट आपको पावर जो है लोगों ने डेलीगेट कर दी है कि मेरी तरफ से अब मैंने ट्रांसफर कर दिए हैं आपको ये पावर और अब ये पावर को आप एक्सरसाइज करो ताकि एक पीसफुल सोसाइटी मेंटेन करके रखी जा सके तो ये डेलीगेटेड पावर है जिसका मिस नहीं किया जा सकता एंड ये लोगों ने क्यों डेलीगेट की है ताकि मेरे नेचुरल राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट हो सके केस देर इज हु कॉजेज सम काइंड ऑफ मिस्टिफ यू कैन गेट दैट पर्सन एंड पनिश दैट पर्सन और इफ देर आर एनी डिस्प्यूट यू कैन रिजोल्व दैट राइट सो टू प्रोटेक्ट माय नेचुरल राइट टू लाइफ माय नेचुरल राइट टू लिबर्टी एंड माय नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी इस काम के लिए मैंने स्टेट को पावर दी है ठीक है तो अगर स्टेट जो है इस काम को ढंग से नहीं करेगा तो लोगों के पास राइट टू तो रिवोल्ट या राइट टू तो रिबेल भी है ना यू हैव टू अंडरस्टैंड वाई डाज दिस बिकम पॉसिबल हॉब्स डिनाईज दिस राइट वाई बिकॉज देर इज अ सिंगल कॉन्ट्रैक्ट

सिमिलरली right? so अगर हमको कोई गवर्नमेंट नहीं भी पसंद थी एट वी ह्यूजली अगेंस्ट इट एंड अगेन दे विल इलेक्शन आपकी अगर आप रिवोल्ट करते हैं रिबेल करते हैं right? तब तो डेमोक्रेसी का आइडिया से Uh, uh, की जगह क्या होता था एक मोनार्क होता था तो अगर आपने रिबेल भी किया इसका यह मतलब नहीं है कि आप स्टेट ऑफ नेचर में चले जाओगे पॉलिटिकल सोसाइटी तभी भी एग्जिस्ट करेगी यू विल जस्ट चूज अ न्यू मोनार्क हु इज मोर केपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग योर राइट्स ना वॉट आर द बेसिस ऑन बिकॉज ऑफ विच आपको राइट टू रिवोल्ट रिबेल प्रोवाइडेड है ऐसे ही कभी भी खड़े होकर आप रिबेल नहीं कर सकते हो, कहते कुछ मेन इशूस नेचुरल राइट को अगर वो सेफ गार्ड नहीं कर रहे राइट आपके नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे तो उनका जो मेन रीजन फॉर द फॉर्मुलेशन है वो उसी को कंप्लीट नहीं कर रहे सेकेंडली वेरी इंपॉर्टेंटली लॉक रिस्पेक्ट एसओपी क्या है स्टेट ऑफ आपका सेपरेशन ऑफ पावर्स ठीक है सेपरेशन ऑफ पावर्स का लॉक जो है बहुत बड़े फैन है तो ये क्या कहते हैं कि अगर एग्जेक मिंगल करने की मेडल करने की कोशिश करते हैं लेजिस्लेचर के ठीक है उनको जो है यू नो थोड़ा तंग करने की कोशिश करते हैं या फिर जो किंग हिमसेल्फ है मोनाक हिमसेल्फ है एक फॉरेन रूल या फॉरेन प्रिंस को बोलता है आजा आजा तू रूल कर ले ठीक है तो भी क्या है तो भी वो उल्लंघन कर रहे हैं इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट का And under such conditions, people therefore have a right to revolt. People have a right to rebel. ठीक है और ये रेवोल्यूशन जो है वेरी इंपॉर्टेंटली कहते हैं वायलेंट होने की जरूरत नहीं है पीसफुल रिवोल्ट करो पीसफुल रेवोल्यूशन लेके आओ और ये चेंज जो है पॉसिबल हो सकता है ठीक है अब इसके बाद हमने देख लिया कि नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना इज द सबसे इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज बीन ग्रांटेड टू द पॉलिटिकल अथॉरिटी दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू नेचुरल राइट्स में क्या था हमने देखा ऑब्वियसली राइट टू लाइफ है व्हिच इज बट ऑब्वियस राइट टू लिबर्टी है हां नाउ दिस हियर इन कम्स द सिक्स्थ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस विद हॉब्स जो कि हम पॉइंट आउट कर सकते हैं

If तुम से कुछ बुरे काम नहीं कर रहे या दूसरों का राइट जो है उसको छीनने की कोशिश नहीं कर रहे मेक्स लिबर्टी पॉसिबल सो दिस कैन बी अस इन एनालिसिस फॉर हॉब्स ये लिखते जाइए ठीक है आपका जो वेरी इंपॉर्टेंट राइट आता है विच इज राइट टू प्रॉपर्टी एंड ये राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर लॉक ने बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया बिकॉज ऑफ विच लॉक को हम देखेंगे आगे चल के बहुत सारे स्कॉलर्स ने फादर ऑफ पोजेसिव इंडिविजुअलिज्म भी बुलाया पोजैसिव इंडिविजुअलिज्म का क्या मतलब है पोजेसिवनेस क्या होती है टू वॉन्ट टू अक्वायर समथिंग उसे ये मेरा है Hey, this belongs to me and this does not belong to you. So, if you try to take this away from me, you will be punished, you will be held accountable for your actions. Hey, so, the fact that you can own something and it will only belong to you and nobody else can snatch it away from you, including the state, including the political authority, was something that Locke really worked on, really developed. Now, this property is very important. Tha.

वो आर मोर क्रिएटिव हुआ आ मोर इंडस्ट्रियस हुआ आर मोर इनोवेटिव एवरीथिंग वॉज ओन कलेक्टिवली सडनली वन पर्सन रियलाइजेज ओ यू नो वॉट इन स्टेट ऑफ जिस थ्रोइंग सीड्स लाइक दिस ओनली ऑन द लैंड इफ आई क्लियो दिस लैंड इफ आई प्लाओ इट वेल इफ आई रिमूव ऑल द वीड्स एंड देन मैं सो करता हूँ सीड्स तो मे बी क्रॉप्स जो हैं बेटर उगेंगी एंड ज़्यादा उगेंगी

पुराने जमाने में जो कलेक्टिव ओनरशिप थी दैट डजन वर्क आउट बिकॉज दे विल ऑलवेज बी पीपल हु विल बी मोर हार्ड वर्किंग हु विल बी मोर क्रिएटिव एंड ऑब्वियसली उनकी ओनरशिप उनका लेबर तो जो रिजल्ट है वो भी टेक्निकली उनको ही जाएगा वेरी राइटफुली उनके पास ही जाएगा ठीक है सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द लेबर देन इट इज अ पार्ट ऑफ द मैंस पर्सनलिटी ऑब्वियसली बिकॉज आई हैव पुट माई वर्क आई हैव पुट माई इमेजिनेशन सो इट इज अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी बिकॉज ए मैं अपना जो हार्ड वर्क एंड क्रिएटिविटी हूँ वहाँ पे एक्सप्रेस कर रहा हूँ एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू डेवलप माई पर्सनलैिटी इफ आई वॉन्ट टू लिव अ सर्टन काइंड ऑफ लाइफ आई शुड हैव द मनी टू सपोर्ट इट ना है ना कुछ तो होना इफ आई वॉन्ट टू सेंड माई चिल्ड्रन टू गुड स्कूल आई शुड हैव द मनी टू सेंड टू गुड स्कूल ऐसे थोड़ा कि हाँ जाके बैठ जाना ठीक है वो सब थ्री इडियट्स में हो सकता है ऐसे एक्चुअल लाइफ में नहीं हो पाएगा यू नीड मनी यू नीड अ पार्ट ऑफ योर योरिटी टू बैक योर योर थिंग्स इफ यू 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 टू 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 गो अ गुड कॉलेज राइट नीड प्रॉपर्टी हेल्प डू दैट सो इन दैट वे इट इज अ पार्ट ऑफ योर ऑल्सोर मैं वेरी इंपॉर्टेंटली जो आपने बनाया है उसके ऊपर आपका एब्सलूट राइट right है वो आपका है अगेन यहाँ पे आप एरिस्टोटल की भी कंटिन्यूएशन देख सकते हैं किस तरह से ये बोलते हैं आपका लेबर जरूरी नहीं कि मैंने ही हल चलाया हो मेरा हल जो है मेरा प्लाव जो है इट कैन बी ड्रिवन बाय अ हॉर्स इट कैन बी ड्रिवन बाय अ स्लेव ऑल्सो सो स्लेव लाइक एरोस्टोटल स्लेव भी क्या है आप ही की प्रॉपर्टी सो इफ द स्लेव इज पुटिंग इन द हार्ड वर्क दैट इज ऑल्सो योर लेबर इफ योर हॉर्स इज डूइंग द थिंग्स फॉर यू दैट इज ऑल्सो योर लेबर सो अगर उनके थ्रू भी आप अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं तो वो आपकी ही प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आपका एब्सलूट राइट right होगा और कोई आपसे वो छीन नहीं सकता है ठीक है अब एब्सलूट राइट right दे दिया कोई आपसे छीन नहीं सकता है कोई उसमें जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता एंड स्टेट ने भी क्या करना है स्टेट ने भी इस प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करके रखना है दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क दैट वॉज गिवन टू द स्टेट कि आपने लोगों की प्रॉपर्टी को बचाना है अगर कोई उसमें दखलंदाजी करता है ट्राइज टू स्नैच इट अवे फ्रॉम देम यू हैव टू कम इन टू प्ले

क्या इसका ये मतलब है कि मेरा जितना मन करे मैं इकट्ठी करती जाऊँ ठीक है और 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 आज की दुनिया में भी हम ये देखते हैं हम बोलते तभी इतनी बढ़ती जा रही है तो क्या लोग बोल रहे हैं कि जितना मन करे चाहे दूसरों को डिनाई कर रहे हो पूरा का पूरा का करो कोई लिमिटेशन नहीं है तुम्हारी राइट टू प्रॉपर्टी पे तो लोग बोलते नहीं कुछ लिमिटेशन है जो कि इनहेरेंटली मैं इनबिल्ड करके दे रहा हूँ क्या है वो लिमिटेशन सबसे पहले वो कहते हैं लेबर लिमिटेशन लेबर लिमिटेशन क्या है जिसकी समझाया गया आपका लेबर होना चाहिए पुटिन होना चाहिए या आपके स्लेव का लेबर पुटिन होना चाहिए या फिर आपके हॉर्स का लेबर पुटिन होना चाहिए ठीक है तो ये सबसे बड़ी लिमिटेशन है आगे चल के हम देखेंगे कि इस लिमिटेशन का भी क्रिटिसिज्म आ गया फॉर एग्जाम्पल वी हैव वेज लेबर स्लेवरी तो भी एग्जिस्ट नहीं करती कैपिटलिस्ट क्या करता है वो बोलता है कि मैं लेबर से काम करवा रहा हूँ इन रिटर्न टू दैट फॉर दैट मैं उनको वेजेस दे रहा हूँ ठीक है तो ये जो लेबर लिमिटेशन है इसको भी रिजॉल्व कर दिया गया दैट नाउ आई डोंट रियली हैव टू पुट इन एफर्ट आई कैन जस्ट पे टू डू इट एंड इट स्टिल बिलोंग टू मी एट द वर्क पुट इन माई क्रिएटिव स्किल्स सो इट शुड बिलोंग टू मी कैपिटल इज नो आई पेड यू वेजेस राइट सो नाउ दैट इज डन नाउ दिस एंडायर प्रोडक्ट एंड द प्रॉफिट दैट आई अर्न फ्रॉम इट बिलोंग्स टू मी ठीक है तो ये क्रिटिसिज्म है कि लॉक की लेबर लिमिटेशन हाउ इज इंट इनफ जिसको हम और देखेंगे नेक्स्ट इसी लिमिटेशन सफिशियंसी लिमिटेशन क्या है कि अब ये प्रॉपर्टी जो है एज ऑल नेचुरल ने इट इज इक्वली अवेलेबल टू एवरी वन है ना आई है नैचुरल राइट टू प्रॉपर्टी एल्स हैज द नेचुरल राइट टू प्रॉपर्टी उसका ये मतलब है दैट आई शुड हैव माय ओन थिंग बट दे शुड आल्सो बी सफिशिएंट इनफ एंड गुड इनफ लेफ्ट फॉर अदर पीपल एज वेल नहीं तो मैं ये नहीं बोल सकती कि इस पूरे पानी पे सिर्फ मेरा अधिकार है कोई इसको और डेजर्ट के अंदर कोई पानी नहीं पिएगा बिकॉज दिस इज माई प्राइवेट प्रॉपर्टी दिस इज समथिंग दैट विल नॉट बी अग्रीड विद इनफैक्ट दीज आर थिंग्स जो कि न्यू लिबर्टेरियंस लाइक नॉसिक इसको फर्दर डिस्कस करेंगे जो कि हम आगे चल के पोलिटिकल थ्योरी में देखेंगे लास्ट लिमिटेशन दैट दैट्स इज इन द फॉर्म ऑफ स्पॉयलेज लिमिटेशन स्पॉयलेज लिमिटेशन का क्या मतलब है कि इमेजिन करो मैंने बहुत एप्पल उड़ा लिए बहुत सारे एप्पल्स उगा लिए ठीक है और मैंने कहा सारे मेरे मैं ही खाऊंगी इनको ठीक है अब मैं एक अकेली इंसान एंड इमेजिन करो दस टन एप्पल मैं प्रोड्यूस कर लिए तो मैं कितनी अकेले खा लूंगी यार एप्पल्स है ना आई विल हैव टू एट द एंड ऑफ द डे गिव देम टू अदर्स अब इसकी भी बहुत सारे है इन नाउ यू हैव समथिंग कॉल्ड मनी इट्स मनी ड मनी ओनली इंक्रीजेज सो मनी को तुम सेविंग डिपॉजिट में डाल दो एफ में डाल दो इन्वेस्ट कर लो है ना वो बढ़ेगा ही तो मैं कभी ये नहीं बोलूँगी ओ ये तो पैसा पड़े पड़े खराब हो जाएगा तो चलो मैं दूसरों को दे देती हूँ तो ये कुछ क्रिटिसिजम्स भी हैं जो कि हम देखेंगे आगे लॉक के अगेंस्ट लेबल किए गए हैं बट बेसिकली ये तीन लिमिटेशन थी जो कि उन्होंने अपनी राइट टू प्रॉपर्टी पे लगाई थी द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आता है लॉक के लिए वर आइडियाज ऑन टॉलरेंस ना टॉलरेंस इज समथिंग जो कि हम इंडिया में भी टाइम एंड अगेन बात करते रहते हैं गवर्नमेंट शुड बी टॉलरेंट पीपल शुड बी टॉलरेंट टॉलरेंस का क्या आइडिया दैट यू शुड बी ओपन माइंडेड टुवर्स अदर पीपल्स रिलीजियस बिलवस अदर पीपल्स रिलीजियस डॉक्ट्रींस अदर पीपल्स प्रैक्टिस इन सोन सोफूथ ना दिस वॉज ऑल्सो द एरा वैन देर वॉज अ लॉट ऑफ यू नो फाइट जो कि क्रिश्चियन सबसेक्ट्स में ही हो रही थी प्रोटेस्टेंट्स वर्सेस कैथलिक्स एंड उनके वेरियस आगे सब डिविजन थे एटसेट्रा ठीक है तो अब यहाँ पे लॉक का क्या मानना था लॉक सबसे पहले बोलते हैं दिस वॉज ऑल्सो समथिंग जो कि मैकेविली ने बोला था सेपरेट योर पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन ठीक है बट मैकेविली ने किस सेंस में बोला था इन सेपरेशन ऑफ एथिक्स यहाँ पे लॉक बोलते हैं सेपरेट योर पॉलिटिक्स फ्रॉम रिलीजन दैट इज डोंट मेक रिलीजियस गोल्स योर आइडियल्स ठीक है कि ये नहीं होना चाहिए ओ आई एम द पॉल बैरर ऑफ कैथोलिसिजम एंड सारे कैथोलिक्स ही रहेंगे एंड जितने प्रोटेस्टेंट्स हैं गोना बर्न एट स्टेक एंड सो सो ऑन इट्स डोंट बी डिस्क्रिमिनेटरी डोंट बी हार्श डोंट बी वायलेंट टू वर्ड्स अदर सेक्स विच वॉज समथिंग दैट इंग्लैंड हैड विटनेस्ड यू माइट हैव हर्ड ऑफ दिस जो बुलाया जाता था ब्लडी मैरी राइट मैरी हु वॉज अ क्वीन राइट हु हुली बर्न ट ऑफ पीपल बिकॉज देर इन डयर टू कैथोलिसिज्म तो इस तरह की चीजें जो है विटनेस की गई थी इंग्लैंड के अंदर And therefore, tolerance was something that John Locke really, really espoused. So he said, separate your religion from politics. Politics के basis पे आपको decide करने की ज़रूरत नहीं है. You don't have to interfere in people's consciousness. Right? Rules are made to govern their external lives, आपके external actions. ठीक है? आप क्या काम करते हैं, किस तरह से करते हैं, किस तरह से behave करते हैं. But religion is something जो कि आपकी soul से आता है, आपकी inner conscience से आता है. Right? That is something which is more internal. तो उस इंटरनल एलिमेंट के ऊपर स्टेट का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए the है तो इसलिए आप टॉलरेट करो जितने भी रिलीजियस है बट बेसिकली व्हेन वी से ऑल रिलीजन व्हाट वी इज कि इंग्लैंड पे उस दौरान क्रिस्टियनिटी के जो सब्सैक्ट एग्जिस्ट करते थे ठीक है लॉक यू हैव टू प्लेस इन हिज और हर कॉन्टेक्स्ट इसका ये मतलब नहीं है कि वो ही वॉज वेरी ओपन टू कि हाँ जी हिंदुजम भी फ्लरिश करने दो ये भी करने दो बिकॉज दे वांट इवन अवेयर ऑफ सच मतलब इम्पोर्टेंट फॉर देम बिकॉज दे वांट देर दे वांट अवेलेबल देयर राइट हाउ एवर एट देम टाइम ये दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एथिस हाउ केन यू हैनीथिंग ये तो सबसे डाउटफुल लोग है इनको उड़ाओ ठीक है इनको हटाओ इनको वी डोंट ट्रस्ट ठीक है पहले तो हम इनको नहीं ट्रस्ट करते सेकेंडली हम उनको नहीं ट्रस्ट करते जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट बोलते हैं एट ने सेर्स तो हम उनको भी जो है उनकी भी ओपिनियंस को टॉलरेट नहीं करेंगे तो टॉक्स ऑफ टॉलरेंस बट देन देर आर ऑल्सो लिमिट्स ऑन द टॉलरेंस जो कि लॉक एस्पाउस करते हैं ठीक तो है तो ब्रॉडली ये आइडियाज हैं ये मेन आइडियाज हैं लॉक के जिनको अब हम आगे इन मोर डिटेल्स जो है कवर करेंगे आज के इस माइंड मैप के अंदर हम क्विकली इंट्रोड्यूस करेंगे जे एस मिल को एंड इनका कुछ जो बेसिक आइडियाज़ थे जिनको हम आगे डिटेल्स के अंदर देखने वाले हैं ठीक है अब जे एस मिल जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट थिंकर हैं इस्पेशली आपके लिबरल स्कूल के परस्पेक्टिव से ठीक है तो अगर हम लिबरल स्कूल की बात करते हैं तो इस लिबरल स्कूल के अंदर हम मल्टीपल तरीके के सब डिविज़न्स भी देखते हैं ठीक है जब हम पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर देखेंगे तब वहाँ पे हम इन सब डिविजन्स को और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंटली पढ़ेंगे इन्हीं सब डिविजन्स के अंदर एक जो इम्पोर्टेंट स्कूल जिसकी हम बात करते हैं इज यूटिलिटेरियन स्कूल ठीक है यूटिलिटेरियन स्कूल क्या होता है अगर आप इस टर्म को ही ब्रेक डाउन कर लेंगे तो ये किस चीज से बना है द टर्म यूटिलिटी से ठीक है यूटिलिटी क्या होता है यूटिलिटी बेसिकली होता है कि किसी चीज का कितनी हद तक इस्तेमाल हो सकता है है ना इकोनॉमिक्स का एक टर्म है अगर आप में से किसी ने भी इको पढ़ी होगी से स्कूल में या कॉलेज में आपने आइडियाज लाइक मार्जिनल यूटिलिटी एंड सोन सोफोज पढ़ा होगा ठीक है तो यूटिलिटी का आइडिया किससे जुड़ा है ये जुड़ा है फ्रॉम द आइडिया कि आपको कोई चीज़ कितनी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देती है है ना कोई चीज़ तभी इस्तेमाल की हो सकती है या कोई पर्पस तभी सर्व कर सकती है अगर वो आपकी किसी नीड को सैटिस्फाई करे ठीक है तभी हम मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में अब आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा है ठीक है एक बच्चे को आइसक्रीम खाना बहुत पसंद है ठीक है अब बहुत गर्मियों के दिन भी आ गए हैं तो बच्चा स्कूल से वापस आता है थका हारा आता है राइट नाउ ही इज़ क्रेविंग इन दिस हीट और नाइस आइसक्रीम ठीक है तो नीचे आइसक्रीम वाला आ जाता है एंड बच्चे के पास पैसे मिल जाते हैं राइट अपने तो नाना नानी के घर आया हुआ है तो वो कहते हैं कि चलो ना तुमको आइसक्रीम खिला कर लें ठीक है अब पहली आइसक्रीम के अंदर उस बच्चे की मार्जिनल यूटिलिटी जो है एकदम टॉप नॉच पे है ठीक है कि वो पहली आइसक्रीम खाता है ओ हो हो मज़े आ गए ठीक है ये पूरी हीट थकान सब दूर हो गई राइट बट उसका मन नहीं भरा हो कहता एक और आइसक्रीम खानी है तो नाना नानी के घर आया वो भी कैसे मना करेंगे तो कहता चल बेटा खा ले ठीक है अब दूसरी आइसक्रीम की उसने खाई तो वाह और मज़े आ गए हाउएवर अब आप इमेजिन करो कि वो बच्चा एकदम ही स्पॉइल्ड हो और वैसे छठी और सातवीं आइसक्रीम भी खा ले तो क्या वो उसको सैटिस्फैक्शन देगा सैटिस्फैक्शन चाहे उसको ग्रीड के कारण तो उसने खा ली हो बट इमेजिन करो कि रात को उसका फिर पेट खराब हो गया या फिर कोल्ड हो गया या बुखार हो गया तो जो यूटिलिटी की चीज थी वो अब डिसयूटिलिटी में बदल गई उसका एक ऑपोजिट इम्पैक्ट आ गया अब यूटिलिटेरियंस बेसिकली इसी इकोनॉमिक टर्म के ऊपर काम करते हैं कि ऐसी कौन सी चीज होती है जो कि ह्यूमन बींग्स की सेटिसफैक्शन पूरी करती है राइट अब वो ह्यूमन्स को जब देखते हैं वो कहते हैं क्या बाकी सारी जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना फियर पावर uh, क्या वो गुडविल जनरेटिंग लोग हैं ठीक है म्यूचुअल ट्रस्ट वाले हैं या नहीं हैं वो कहते हैं ये सब छोड़ो राइट यू हैव टू लुक एट ह्यूमन बींग्स एज इकोनमिक बींग्स राइट कि हमारा जो दिमाग है ये प्लस माइनस के उस पर काम करता है ठीक है और हम क्या है हम प्लेजर सीकिंग इंडिविजुअल्स हैं हम प्लेजर सीकिंग स्पीशीज़ हैं कि हर जगह जो है ह्यूमन बींग्स अपने प्लेजर को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं और अपने पेन को सबसे ज़्यादा कम करना चाहते हैं सो वी ऑलवेज वॉन्ट टू हैव सच थिंग्स जिनके थ्रू हमारी जो खुशी है हमारा जो प्लेजर है वो बढ़ पाएगा एंड जो पेन है वो घट पाएगा ठीक है एंड इसी बेसिस पे यूटिलिटेरियंस का एक जो एक सबसे बेसिक फॉर्मूला जिसकी हम बात करते हैं है ना क्योंकि अब इतना इकोनॉमिक स्ट्रीम में वो बात कर करें तो जैसे मैथ्स इको इन सब में फॉर्मूलाज होते हैं वैसे ही फॉर्मूला जो है सोशल साइंसिस में आपकी यूटिलिटेरियंस आपको दे देते हैं क्या है वो फॉर्मूला कि अगर आपने कोई भी लेजिस्लेशन बनानी है कोई भी पॉलिसी बनानी है सो द फॉर्मूला दैट शुड गाइड यू इज दैट यू हैव टू इंश्योर द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस तो अगर ग्रेटर हैपीनेस किसी कम्युनिटी की मिल रही है अगर आप उनको अलाउ कर रहे हैं सेउिंग दम टू प्ले अटिवल ठीक है say, uh, you know, in, maybe, festival, तो आपको वो जो है परमिट कर देना चाहिए तो इस तरह से एक आपको एक फिलोसफिक कैलकुलस वो बना के दे देते हैं जिसके बेसिस पे किसी की जो आपकी पूरी कम्युनिटी है उसमें से जो मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग हैं उनको आप प्लेजर उनको आप हैप्पीनेस जो है इंश्योर कर सकें तो एक ये बहुत ही रूडिमेंट्री वर्ड्स में एक बहुत ही बेसिक वर्ड्स के अंदर यू यूटिलिटेरियनिज्म की एक इंट्रोडक्शन है डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में देखेंगे बट ये एक आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए है अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये यूटिलिटेरियंस के अंदर एक सबसे जो इंपॉर्टेंट थिंकर माने जाते हैं वो बेंथम ठीक है अभी जो बेंथम थे इनके वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स वॉज जेम्स मिल जिन्होंने भी इनकी हेल्प की थी इन बिल्डिंग ऑन दिस यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी जेम्स मिल के बेटे थे आगे चल के जे एस मिल ठीक है जॉन स्टूअर्ट मिल जो कि बेसिकली वॉज अ चाइल्ड प्रोडजी ही वॉज अ चाइल्ड जीनियस बचपन में ही इन्होंने पता नहीं कौन कौन सी किताबें पढ़ ली थी कितनी तो लैंग्वेजेस सीख ली थी सो ही वॉज अ पर्सन हु वॉज दे फॉर ग्रेटनेस ठीक है अब क्योंकि यूटिलिटेरियनिज़म में ही इनकी जो है रेयरिंग हुई थी इनिशियली तो जो पहला काम भी जे एस मिल ने किया था वॉज विद रिस्पेक्ट टू दिस यूटिलिटेरियनिज्म इट्स सेल्फ ठीक है अब जेएस मिल की जब हम बात करते हैं जैसे कि यहां पे इंट्रोडक्शन में ही आपको लिख के दे दिया है कि जेएस मिल को जो है एक चैंपियन ऑफ लिबर्टी एक चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी जो है माना जाता है ठीक है किस बेसिस पे हम इनको चैंपियन चैंपियन ऑफ ऑफ लिबर्टी डेमोक्रेसी कहते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे इनके आइडियाज के अंदर आपको क्लैरिटी हो जाएगी सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट कि इन्होंने यूटिलिटेरियन स्कूल के अंदर किस तरह से जो है चेंजेस लेके आए थे अब हमने बता दिया कि सबसे इम्पोर्टेंट द ग्रैंड ओल्ड मैन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंकर फॉर यूटिलिटेरियनिज्म कौन थे बेंथम थे ठीक है बेंथम का वही बेसिक आइडिया जो कि आपको बताया गया है कि आपने क्या करना है क्वांटिटी के ऊपर फोकस करना है कि कम्युनिटी में जितने ज्यादा लोग हो सके उतने लोगों को मैक्सिमम पॉसिबल प्लेजर या हैप्पीनेस जो है इंश्योर किया जा सके तो जेएस मिल को लगने लगा कि ये जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है उसको काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया था इनफैक्ट अ नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैड कॉल्ड इट पिग्स फिलॉसफी पिग्स फिलॉसफी क्यों क्यों बोला पिग्स फिलॉसफी हम बोलते हैं कि आपको भी याद होगा जब हम प्लेटो की सिटीज की बात भी कर रहे थे हमने पिग सिटी की थी कि

कुछ बेसिक चीज़ें थी जिनको उन्होंने रिवाइज करने की कोशिश की सबसे पहले उन्होंने कहा कि इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी ऑफ द प्लेजर दैट मैटर्स बट इट इज ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ द प्लेजर विच शुड बी इम्पोर्टेंट ठीक है अब आप इमेजिन करो कि कोविड का टाइम चल रहा है ठीक है कोविड का टाइम चल रहा है एंड लोग जो है बोलने लग जाते हैं कि हाँ जी पैंडमिक या भाड़ में हमारी तो जो खुशी है राइट वो आएगी फ्रॉम यू नो इन्वाइटिंग टू हंड्रेड पीपल टू वेडिंग्स ठीक है तो हमारी क्वान्टिटी ऑफ प्लेजर बहुत इंक्रीज हो जाएगी बट इज दैट क्वालिटी ऑफ प्लेजर करेक्ट ठीक है क्वान्टिटेटिवली यू माइड भी मेकिंग अ लॉट ऑफ पीपल इन द मास हैपी कि हाँ शादी ब्याह सब अलाउ कर दिया बट क्वालिटेटिवली टू सेव गार्ड सम वन फ्रॉम अ फास्ट मूविंग वायरस शुड बी मच मोर इम्पॉर्टेंट ठीक है सिमिलरली अब आप इमेजिन कीजिए कि अब एक मास ऑफ पीपल होते हैं लोग जो हैं उनमें भी ऑब्वियसली डिफरेंट डिफरेंट तरह के पीपल होते हैं कई लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि कहते हैं भाई हमें तो यू you नो know, जैसे कि कोई वायलेंट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा देखने में बहुत मज़ा आता है और हमें लगता है कि वो होते रहना चाहिए ऑन दी अदर हैंड देर आर सम इंटेलेक्चुअल पीपल राइट जो कि मेंटली बहुत डेवलप्ड है काफ़ी ज़्यादा जो है यू uh, नो you know, उनको वो वाइज तरह के लोग हैं एंड वो कहते हैं कि नहीं राइट right? ये वायलेंट जो स्पोर्ट्स हैं एट्सेट्रा ये बहुत ही ज्यादा खराब हैं राइट दे कॉज पेन टू मे बी एनिमल्स एंड अदर क्रीचर्स जिनके बेसिस पे हम प्लेजर डिराइव कर रहे हैं तो ये गलत है ठीक है ये गलत है इन ऑन दी अदर हैंड मे बी वी शुड प्रमोट अदर नाइस हॉबीज राइट फॉर एग्जांपल रीडिंग इन लाइब्रेरीज को आप प्रमोट कीजिए आर्ट को आप प्रमोट कीजिए अच्छे गाने को आप क्लासिकल म्यूजिक को आप प्रमोट कीजिए तो यू नो क्वालिटी ऑफ प्लेजर जो है बिकम्स मच मोर इम्पॉर्टेंट राइट क्वालिटी ऑफ प्लेजर के ऊपर भी फोकस करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना क्वान्टिटी पे ठीक है तो इसलिए जो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर इन एंटायरली क्वांटिटेटिव ड्रिवन एक फॉर्मूला जहाँ पे आपने बस द नंबर उसको जो है केटर करना है अब जे एस मिल ने बोलना शुरू कर दिया दैट इट्स नॉट जस्ट द क्वांटिटी विच मैटर्स बट आल्सो द क्वालिटी द सेकेंड रिविजन दैट केम वॉज ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ पर्सन अब इसका एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही दे दिया कुछ लोग हो सकते हैं वो मासिस को बिलोंग करते हैं ठीक है अब वो मास जो है आप इमेजिन करो दैट मे बी दे आंट इवन एजुकेटेड इनफ ठीक है उनको जो है रिफाइंड चीज़ों का उतना पता भी नहीं है राइट फॉर एग्जाम्पल हम कई बार डिफरेंशिएट करते हैं ना बिटवीन क्लासिकल म्यूजिक एंड पॉप म्यूजिक है ना सो अ लॉड ऑफ पीपल वॉन्ट भागड़ा ट्रैक्स जिसके अंदर यू नो रियली मिसोजनिस्टिक आइडियाज आर बींग परपेचुएटेड वेर इन विमेन आर बींग लुक डाउन अपॉन और मैन आर यूजिंग रियली अब्यूजिव लैंग्वेज वन दे यू नो टॉक ऑफ वेमेन और द वे इन विच रिलेशनशिप्स आर अप्रोच ठीक है बट वो जो है बड़ा पॉपुलर है अमंग्स द मास ऑन द अदर हैंड अदर पीपल कम आउट इन क्रिटिसिजम ऑफ इट है ना कि ये तो कितना गंदी चीज़ है ऑन दी अदर हैंड दे माइट प्रमोट से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक या कर्नाटिक क्लासिकल म्यूज़िक या इवन फोक म्यूजिक एंड यू दे माइट से दैट दिस इज़ ट्रू म्यूज़िक ये जो इतनी लाउड बीट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक चल रहा है ये थोड़ा एक्चुअल में गाना होता है एक्चुअल में गाना तो ये होती है जहाँ पे यू नो प्रॉपर रिदम है ताल है लिरिक्स हैं ठीक है जिनको आप समझ सके जो कि आपकी सोल को सैटिस्फाई करें सो अलोंग विद नॉट जस्ट द क्वालिटी ऑफ प्लेजर यहाँ पे बात की जा रही है बट यहाँ पे क्वालिटी ऑफ पर्सन भी डिफरेंशिएट हो रही हैं राइट दैट वन काइंड ऑफ पर्सन जो कि यू नो आंट दैट अवेयर ऑफ म्यूजिकल क्वालिटी एंड देफो बेसिकली वॉन्ट दैट मास पॉप भांगड़ा अब्यूजिव सॉन्ग्स ऑन द अदर हैंड अ ग्रेटर क्वालिटी ऑफ पीपल हु लुक एट आर्ट हु लुक एट म्यूजिक एट एज आर्ट एंड उसकी गुड क्वालिटी म्यूजिक को जो है परपेचुएट एंड डेवलप करना चाहते हैं ठीक है तो इस तरह से ये कहते हैं क्वालिटी ऑफ पर्सन के अंदर भी जो है डिफरेंस होता है देर आर सर्टन पीपल हु आर मोर अवेयर ऑफ गुड काइंड ऑफ प्लेजर्स एंड देन देर आर अदर पीपल जिनको ऐसा कोई सिग्निफिकेंस समझ में ही नहीं आता राइट सो दे माइट बी समीपल हु माइट एंड अपनी मुझे तो ड्रग्स लेने में बहुत मज़ा आता है या मुझे एल्कोहल पीने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है राइट तो ये कितनी ही क्वेश्चनेबल चीज़ें हैं राइट देन उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंटली एक जो थर्ड रिविजन आई के वोट यूटिलिटेरियनिज्म में प्लेजर को हैप्पीनेस के साथ जो है इक्वेट कर दिया था जी एस मिल कहते हैं प्लेजर नॉट नेसेसरली इक्वेट विद हैप्पीनेस है ना अब जो मैंने सेम आपको एग्जाम्पल दिया था कि आप वो भांगड़ा पॉप म्यूजिक तो सुनते रहोगे बट डज दैट रियली योर सोल इट माइट बी गिविंग यू प्लेजर बट इज इट गिविंग यू हैप्पीनेस मैंने शुरुआत में ही उस बच्चे का एग्जाम्पल दिया था कि बच्चा जो है एक आइसक्रीम खाता है प्लेजर प्लस है प्लेजर प्लस हैप्पीनेस बट ग्रीड के अंदर वो दस आइसक्रीम्स खा गया उस दौरान के लिए तो उसको बड़ा प्लेजर मिला होगा बट डिड दैट रिजल्ट इन लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस तो नहीं क्यों क्योंकि रात को बच्चा बीमार पड़ गया है ना तो वो कहते हैं कि आपको हैप्पीनेस एंड प्लेजर के अंदर भी जो है करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एंड दिस इज समथिंग जे एस मिल इंट्रोड्यूस अब एक तो जो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट रिविजन ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म आ गई वेरी इंपॉर्टेंटली अब इन्होंने क्या बोल दिया हैप्पीनेस बहुत ज्यादा जरूरत है जहां प्लेजर जो है आपकी बॉडी को सेटिस्फाई करती है ठीक है तो Uh, uh, एक तरह से क्या है कि आपने uh, आपकी जो है आइसक्रीम हमने खाई तो वो क्या हुआ हमारी बॉडी को सेटिस्फैक्शन मिल गई कि हाँ जी हमने एक चीज़ खा ली हमको प्लेजर मिल गया ठीक है नाउ इमेजिन करो दैट दैट सेम चाइल्ड है ना इन सेड ऑफ हैविंग टेन आइसक्रीम्स रियलाइजेस कि मेरे घर पे सर्वेंट्स हैं और उन सर्वेंट्स के बच्चे भी हैं राइट एंड देर इज नो बडी हु कैन बाय डेम आइसक्रीम्स सो मे बी जितने भी मेरे को एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिला है मैं उससे उन बच्चों को भी आइसक्रीम्स खिला देता हूँ ठीक है इट माइट नॉट लीड टू दैट आइसक्रीम गोइंग इन साइड माई माउथ तो उसके कारण मुझे कोई बॉडली प्लेजर नहीं मिल रहा बट बाई फीडिंग दो किड्स जिनको शायद वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है मुझे हैप्पीनेस मिली हैप्पीनेस क्या है इट इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ द सोल ठीक है इंटरनली जो है वो मुझे खुशी मिली तो मेरे बॉडली एट्रीब्यूट से रिलेटेड नहीं है बल्कि मेरे एक सोल का जो है एक सिग्निफिकेंट Uh, uh, एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन करता है ठीक तो है तो इसलिए वो डिफ्रेंशिएट करते हैं आपके प्लेजर जो कि बॉडी से रिलेटेड है एंड हैप्पीनेस जो कि सोल से रिलेटेड है जो कि पहले यूटिलिटेरियंस ने नहीं किया था राइट नाउ मूविंग ऑन ही रियलाइजेस कि आपने जो है हैप्पीनेस की तरफ बहुत कॉन्ट्रीब्यूशन करने हैं और ये जो हैप्पीनेस है जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया इट इज अ क्वालिटी ऑफ द सोल ये सिर्फ आपकी बॉडी से नहीं जुड़ी है बल्कि आपकी सोल का एट्रीब्यूट है ना वेरी इंपॉर्टेंटली ये कह देते हैं कि लिबर्टी देफो इस happiness के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ठीक है अब यहाँ पे ठीक है जब हम इन आइडियाज की बात कर रहे हैं और जब मैं आपको बोलती हूँ कि आप कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल एक्सेट्रा जो है इनको इंक्लूड कीजिए आगे चल के जब हम पॉलिटिकल थ्योरी की बात करेंगे व्हेन वी लुक एट कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी हम देखेंगे जैसे कि डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट चलती है तो जैसे कि अगर आप इंडिया चाइना की ही बात करते हैं तो अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव सेड कि इंडिया में अगर हम एशिया को देखें तो इंडिया के अंदर उतनी रेंज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं आ पाई है क्योंकि हम डेमोक्रेसी रहे यही एक ना स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर को ले आओ ठीक है उसके बाद वो डेवलपमेंट ओ हो हो बड़ी डेवलपमेंट करा देंगे ठीक है पर जब भी हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को देखते हैं वो क्या है इट माइट लीड टू द प्लेजर ऑफ द बॉडी यू विल हैव मोर मनी, यू कैन स्पेंड मोर मनी ठीक है सो ऑन फोर्थ बट वेन यू टॉक ऑफ लिबर्टी है ना एज जेएस मिल इज नाउ हैप्पीनेस तो आप उसको बॉडिली एटीब्यूट के साथ नहीं गिन सकते जैसे कि हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट में देखते हैं कि अब जो है मैं यू नो दूध इंस्टेड ऑफ हैविंग वंस इन अ वीक नाउ आई हैव मिल्क यू नो एवरी डे ऑफ द वीक राइट दैट इज ग्रेट एंड दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी एस्पायर फॉर बट शुड दैट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर लिबर्टी शुड दैट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जे एस मिल वुड नॉट अग्री विद इट बिकॉज उनके लिए क्या होगा कि अगर आपके पास लिबर्टी नहीं है तो चाहे आपके प्लेजर जितनी मर्जी बढ़ जाए आपको ट्रू हैप्पीनेस जो है नहीं मिल रही है ठीक है क्योंकि लिबर्टी उनके लिए हैप्पीनेस से जुड़ी हुई है ठीक है एक की इंग्रेडिएंट है हैप्पीनेस प्रोवाइड करने का अब ये लिबर्टी क्या है ठीक है अब लिबर्टी तो फ्रीडम है ना अब फ्रीडम किस तरह की है ना हमने देखा है किस तरह से हॉब्स ने बोला कि लिबर्टी कहाँ एग्जिस्ट करती है जहाँ पे लॉ साइलेंट है

सबसे पहले ये है कहते हैं वेन वी लुक एट लिबर्टी देर आर थ्री बेसिक थिंग्स दैट वी हैव टू एड्रेस वेन वी आर लुकिंग एट द स्कोप ऑफ लिबर्टी कि लिबर्टी कितनी होनी चाहिए क्या इसके एट्रीब्यूट्स हैं ठीक है कितनी हद तक मिलनी चाहिए तो इसके अंदर वो तीन बेसिक पॉइंट्स जो है बना देते हैं सबसे पहले ये है कहते हैं किसी भी लिबर्टी के लिए हमें चाहिए थॉट एंड डिस्कशन की लिबर्टी ठीक है आइडियाज़ कोई भी हमने एक्शन करना है उससे उसके लिए हमें पहले सोच होनी चाहिए एंड वो सोच जो है हमारे पास पूरी आजादी होनी चाहिए टू बी एबल टू एक्सप्रेस दोज थिंग्स राइट दैट इफ़ आई एम इन डिसअग्रीमेंट से विद द गवर्नमेंट और विद द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट आई शुड बी एबल टू ओपनली एक्सप्रेस माय डिससेटिस्फैक्शन माय डिसकंटेंट विदाउट द फियर ऑफ बींग क्लैम्प डाउन ठीक है सिमिलर कैन ऑल्सो बी द आइडियाज़ नॉट ओनली अगेंस्ट द स्टेट बट से अगेंस्ट सर्टन कम्युनिटीज राइट तो फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे लगता है कि कम्युनिटी के अंदर एक कोई सर्टन प्रैक्टिस है राइट right? कोई रिलीजियस प्रैक्टिस है जो कि मुझे लगता है बहुत ही डिस्क्रिमिनेटरी है से अगेंस्ट वुमेन और अगेंस्ट अदर कास्ट मेम्बर्स आई वॉन्ट टू स्पीक अगेंस्ट इट ये नहीं कि मेरे अगेंस्ट से कोई फतवा इशू कर दे या कुछ और इशू कर दे राइट दैट काइंड ऑफ एक तरह से जो लिमिटेशन है ऑन माई माई फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन दैट इज समिंग डट जे एस मिल डिज नॉट अग्री विथ ठीक है ही इज नॉट एन अग्रीमेंट विथ हम इसको और आगे एक्सप्लोर करेंगे पहले हम सेकेंड एट्रीब्यूट को फटाफट देख लेते हैं सेकेंड एट्रीब्यूट क्या है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी अब इसका क्या मतलब है इसका मतलब है यह भी आपके फर्स्ट उससे डिराइव्ड है एवरी पर्सन शुड बी यूनिक एंड हर इंसान यूनिक कैसे होगा अगर आप उनकी सोच को कर्ब ना करें है ना वन ऑफ द मेन प्रॉब्लम्स जो हम प्लेटो के साथ देखते हैं इसकी वो सोच को कर्ब करना चाहते हैं सोच को कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट में प्लेस कर देना चाहिए चा, चाहते हैं और लोग बस उसी तरह से निकल के आए जो कि उनको स्टेट बताता जा रहा है राइट ये क्या है ये कर्ब और इंडिविजुअलिटी है मेरी इंडिविजुअलिटी को फ्लावर नहीं करने दे रहे राइट अब मैं कहती हूं मे बी आई एम ऑल्सो वेरी वाइज इंटेलेक्चुअल काइंड ऑफ पर्सन ऑल्सो वेरी इंटरेस्टेड इन गवर्नेंस एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट तो kind of in so, मेरी इंडिविजुअलिटी को कोई ऊपर से नहीं कंट्रोल करे कि तुम्हें यह करना चाहिए दिस इज वॉट यूर सुटेबल फॉर आई शुड बी एबल टू डिसाइड फॉर माई सेल्फ वॉट इज द काइंड ऑफ लाइफ दैट आई वॉन्ट टू लीड एंड उस लाइफ को मैं फुल पोटेंशियल तक जो है लेके जा सकू उसको डेवलप कर सकूं उसको फ्लावर कर सकू ठीक है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहीं से जुड़ जाता है एक और आइडिया जिसको अगेन हम बहुत ज्यादा आगे चल के हम इसको एक्सप्लोर करेंगे डिटेल में बट फटाफट आप समझ लो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बीच का डिफरेंस नेगेटिव लिबर्टी क्या होती है नेगेटिव लिबर्टी होती है जिस तरह की लिबर्टी से इनिशियली uh, हॉब्स बात करते थे कि कोई रोक टोक नहीं थी आपकी स्टेट ऑफ नेचर में है ना स्टेट ऑफ नेचर में यू वर फ्री टू डू एनी थिंग इन एवरी थिंग यू वॉन्ट दैट इज वॉट नेगेटिव लिबर्टी दैट नेगेटिव लिबर्टी मीन्स दैट यू आर फ्री फ्रॉम एनी एक्सटर्नल कंट्रोल नो बडीज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डूइंग समथिंग ऑन दी अदर हैंड पॉजिटिव लिबर्टी जो है सिर्फ इस एक्सटर्नल कंट्रोल के ऊपर डिपेंड नहीं करती बट कहती है दैट वॉट इफ देर इज नो एक्सटर्नल कंट्रोल ऐसा भी हो सकता है कि मेरे पास कोई पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम नहीं है जिसके थ्रू जो मेरी एस्परेशन हैं, या जो चीजें मैं एक्चुअल में करना चाहता हूँ, उसको मैं अचीव कर पाऊँ। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लो कि okay? कोई गरीब इंसान है ठीक है ना स्कॉलर्स ऑफ नेगेटिव लिबर्टी क्या बोलेंगे नो बडी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दट ही वॉन्ट्स है ना किसी ने उसको चेंज में नहीं रखा हुआ है किसी ने उसको रोक के नहीं रखा हुआ है कि तू काम नहीं कर सकता ठीक है तो गरीब है तो दैट इज ऑन हिम नो बड़ी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम वर्किंग नो बड़ी स्टॉपिंग हिम फ्रॉम अर्निंग मनी एट सो दैट इज हिज प्रॉब्लम एट वी हैव गिवन हिम नेगेटिव लिबर्टी दैट वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू विच एवर जॉब यू वॉन्ट टू जॉइन विच एवर स्कूल यू वॉन्ट टू जॉइन यू हैव फुल लिबर्टी टू गो हैड एंड डू दैट नाउ इफ ही डज वॉन्ट टू गो एंड डू दैट दैट इज नॉट आर प्रॉब्लम ऑन अदर हैंड पॉजिटिव लिबर्टी वाले स्कॉलर्स क्या बोलेंगे कि उनमें पोटेंशियल होते हुए भी सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वो अपनी पोटेंशियलिटी को अपनी फ्रीडम को ट्रूली अचीव कर सकें तो ये कैसे अचीव हो पाएगी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इंडिया में हमने क्या शुरू कर दिया आर टी ई शुरू कर दिया राइट टू एडुकेशन शुरू कर दिया कि अगर आप छः से चौदह साल की उम्र के बीच में हैं रिगार्डलेस ऑफ वेदर आपके पेरेंट्स के पास पैसे हों या ना हो आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी तो ये क्या है ये एक पॉजिटिव लिबर्टी का एट्रीब्यूट है जहाँ पे आपकी पोटेंशियल को अचीव किए जाने के लिए जो है आपको सपोर्ट मिल रहा है राइट ताकि आपकी जो है डेवलपमेंट हो सके तो यहाँ पे आप सिर्फ आउटसाइड कंट्रोल की बात नहीं कर रहे हैं कि हाँ बाहर से कोई मेरे को कंट्रोल नहीं कर रहा मुझे कर्ब नहीं कर रहा कोई हिंड्रेंस नहीं दे रहा बल्कि फोकस यहाँ पे किस चीज़ पे है कि मेरी डेवलपमेंट हो रही है मेरी पर्सनालिटी की राइट सो ऑफन जे एस मिल को लेके एक डिबेट चली है याट है राइट या right, तो हम इस डिबेट को और भी आगे चलते हुए बट लॉट ऑफ ट्राइंग टू ब्रिज दिस गैप बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी जहां पर अगर हम फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को देखो तो इट इज कंप्लीटली टॉकिंग एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होना चाहिए ऑन हाउ आई थिंक बट अगर हम इंडिविजुअलिटी के डेवलपमेंट की बात करें तो अलॉट ऑफ स्कॉलर्स इमेजिन इट लाइक अ प्लांट ग्रोइंग अप कि हमने एक एक सीड बो दिया है ना में और अब अब हम कहते हैं इसमें से एक अच्छा सा फूल राइट इमेजिन करो कि हाँ, वो सीड पड़ा हुआ है अब कोई उसके ऊपर पत्थर नहीं है तो हमने बोला कोई एक्सटर्नल हिंड्रेंस नहीं है तो नेगेटिव लिबर्टी पूरी है सीड के पास कि तू उग बट क्या वो उग पाएगा इफ यू आर नॉट वॉटरिंग इट इफ यू आर नॉट पुटिंग मैन्योर इन इट है ना यू विल इनपुट्स सो एज टू इट्स डेवलपमेंट तो इस तरह जो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी है अ लॉट ऑफ स्कॉलर्स इन केस ऑफ मिल से कि ये पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ जो है एक वो बढ़ रहे थे ना द लास्ट इंपॉर्टेंट बिट दैट ही टॉक्स ऑफ विद रिस्पेक्ट टू लिबर्टी इज लिमिट्स ऑन इंडिविजुअल एक्शन

क्या एक एडिक्वेट लिमिट है एंड क्या एक इन हिंडरेंस है राइट वो डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है एंड वही डिसाइड करने के लिए नाउ जे एस मिल कम्स अप अपन थिंग्स ठीक है क्या है वो अब हम देखेंगे सबसे पहले हम देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू अब हमने थॉट एंड डिस्कशन की बात की थी ना थॉट एंड डिस्कशन अब उन्होंने जरूरी क्यों बोल दी फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा जरूरी है बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इज नो वन फिक्स डेफिनेशन ऑफ ट्रूथ नाउ पीपल लाइक प्लेटो उनका क्या मानना था एक ट्रूथ है है ना उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में यही आइडिया था एक ट्रूथ है परफेक्ट है फ्लॉलेस है उस चीज को हमने अचीव करना है जे एस मिल और बाकी ऐसे लिबर्टी वाले स्कॉलर्स जो हैं वो कहते हैं एक ट्रूथ का पर्सपेक्टिव नहीं हो सकता बल्कि मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होते हैं और इन मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स के थ्रू ही आप ट्रूथ को रीच कर सकते हो ठीक है एंड इस ट्रूथ को रीच करने के लिए इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन एंड डिस्कशन जो है पूरी तरह से खुला रखिए ठीक है थीके? अब वो कहते हैं ऐसा हो सकता है कि कोई जो प्रिवेलिंग आइडिया है वो गलत हो ठीक है और आप किसी बंदे को बोल देते हो कि आपको मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं दे रहा एंड दैट पर्सन वॉट दैट पर्सन इज सेइंग इज कम्प्लीटली ट्रू एंड जब हम उनको क्लैंप डाउन कर देते हैं तो क्या होता है वी आर लूजिंग आउट ऑन ट्रूथ है ना ये कितनी बार हमने मिड यूरोप के अंदर देखा था दैट वेन पीपल केम हेड एंड सेड ओ यू नो द अर्थ इज इन फ्लैट अर्थ इज राउंड दैट यू नो द सन रिवॉल्व अराउंड अर्थ बट इट्स एक्चुअली ऑपोजिट तो क्या किया चर्च ने चर्च ने उनको क्लैप डाउन कर दिया उनके अगेंस्ट जो है चर्च ने बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर्स पास कर दिए कि आप चुप रहेंगे आप नहीं बोलेंगे अब उनको चुप करवा के चर्च ने क्या किया दैट ह्यूमैनिटी लॉस्ट आउट ऑन एन एलिमेंट ऑफ ट्रूथ नहीं right? अब सपोज करो इमेजिन करो दैट वॉट इफ देर इज कि जो एग्जिस्टिंग आइडिया है वो सच है एंड जो दूसरा बंदा एक्सप्रेस कर रहा है वो गलत बोल रहा है जेस मिल कहते तो क्या हुआ बोलने दो चाहे वो गलत भी बोल रहा है उसको बोलने दो वाई बिकॉज इट गिव्स यू एन अपर्चुनिटी टू रीप्रूव कि जो मैं बोल रही हूँ वो सही है है ना अब फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे हमारे से दादी दादा ऑन so सोफोस so होते जो कि बोलते हैं कि रात को में भी दही नहीं खाना चाहिए ठीक है तो हम आ जाते हैं हम बोलते क्यों नहीं खाना चाहिए मेरा तो मन कर रहा है मैं तो खाऊंगा मेरी फ्रीडम ऑफ थॉट स्पीच डिस्कशन सब है मेरे पास मैं तो खाऊंगा ठीक है तो दादा दादी क्या बोलेंगे इन सर जैसिंग के यू you नो know, चुप रहो बड़ों के साथ आर्ग्यू नहीं करते वो बोलेंगे अच्छा ठीक है बोलो वाई बिकॉज नाउ दे कैन रिटर्न एंड से दैट ये जो है कोई ओल्ड वाइज टेल नहीं है बल्कि यू you नो know, मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट के बेसिस पे से समझा सकता हूँ कि चाहे पहले ऐसे ही बड़े बुजुर्ग ऐसे ही बोलते आए हो बट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ठंडी चीज़ है रात को खा रहे हो कि बीमार ना पड़ जाओ ठीक है तो अब क्या हुआ बाई सम एंड कन्फ्रंटिंग यू एंड आस्किंग यू कि ये क्यों सही है आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई उस चीज को करेक्ट करके दोबारा रीप्रूव करने की अनादर रीजन जिसके कारण वो बोलते हैं यू नो you know, कोई भी स्टेटमेंट पूरी तरह से सही या पूरी तरह से गलत नहीं होती एक गलत स्टेटमेंट के अंदर कुछ ट्रूथ के फैक्ट्स हो सकते हैं कुछ ट्रूथ की चीजें हो सकती हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट उसके ऊपर भी कोई रोकटोक नहीं रखनी चाहिए इंपॉर्टेंट आइडिया क्या था जैसे कि हमने प्लेटो के रिगार्ड में बोला कि प्लेटो ने आपको पहले बता दिया था परफेक्ट आइडिया क्या है या किस तरह की आपकी लाइफ होना चाहिए किस तरह से आपने जीना है ऑन द अदर हैंड जे एस मिलकर बोल रहे बोल रहे हैं कि कोई प्री डिसाइडेड कंसेप्शन ऑफ राइट एंड नहीं हो सकता ठीक है अब जब बोलते हैं ना कि शुरुआत से ही से इंडिया के अंदर फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम देर वॉज दिस आइडिया दैट विमेन यू नो मे बी आफ्टर मैरिज और आफ्टर चिल्ड्रेन शुड स्टे एट होम बिकॉज उनके लिए द सही इंडिविजुअल पर्पज शुड बी रेजिंग दियर किड्स अब ये क्या था ये एक प्री डिसाइडेड राइट विमेन पे इंपोज कर दिया गया अब विमेन ने बोला शुड आई लिसन टू यू आई शुड हैव माई ओन इंडिविजुअलिटी हु आर यू टू टेल मी दैट हैविंग किड्स इज द सोल ऑफ माई लाइफ आई शुड बी एबल टू डिसाइड दैट नो मदरहुड इज नॉट समथिंग दैट यू नो आई रियली इंजॉय ऑन द अदर हैंड आई वॉन्ट टू बी एन और आई ऑन्टरप्रन्य टू स्टार्ट अ बिजनेस और आई वॉन्ट टू बी अ साइंटिस्ट और आई वॉन्ट टू डू यू नो एक्स वाई एक्सवाइज नंबर ऑफ थिंग्स आई शुड बी एबल टू चूज फॉर माई सेल्फिस जीना चाहती हूं एंड किस तरह की लाइफ जो है मदर इज इंपॉर्टेंट आई एम नॉट सेटेंट दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट बींग एन ऑनटरप्रिन्य विदाउट से मैरिज और विदाउट चिल्ड्रन शुड ऑल्सो भी गिव इन इक्वल अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंस एंड डिग्निटी ठीक है तो एक तरह से मेरे ऊपर एक प्री डिसाइडेड कॉन्सेप्ट नहीं इम्पोज कर देना चाहिए कि अगर तुमने एक अच्छी औरत या एक अच्छी वुमन या द एपिटम ऑफ वुमेनहुड वुमेनहुड बनना है तो बीइंग अ गुड मदर इज द ओनली पाथ टू इट ठीक है तो ये जो है ये आइडिया क्या था कि इंडिविजुअलिटी के लिए एक प्री इम्पोज प्री सपोज राइट एंड रॉन्ग जो है इम्पोज नहीं किया जाना चाहिए बल्कि यू लेट इंडिविजुअल्स चूज ऑन देयर ओन ठीक है अब लिमिट्स ऑन गवर्नमेंट इंटरफेरेंस की भी बात आ गई कि आप किस हद तक जो है गवर्नमेंट को रोक सकते हैं फ्रॉम इंटरफेयरिंग इन टू द लाइफ ऑफ द पीपल ठीक है अब ये जो लिमिट थी उसको उन्होंने समझाने की कोशिश की थी थ्रू व्हाट वी अंडरस्टैंड आ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन क्या है विच आर ओनली कंसर्न विद मी ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं इलेवेंथ में आई ठीक है मैं इलेवेंथ में सब्जेक्ट नाउ माई पेरेंट्स आर इंटरफेयरिंग अलॉट एन दसेंगे ऐसे कैसे ह्यूमैनिटीज ले लोग लेनी है मेडिकल लेनी है या नॉन मेडिकल लेनी है तो ये इंटरफेयरेंस जो है अनडरफेरेंस है अब इमेजिन करो कि आपको स्टेट बताए कि अगर आपके 90 परसेंट से ऊपर मार्क्स आए हैं दसवीं में तो आपने पी ही लेना है आप ह्यूमैनिटीज ले ही नहीं सकते राइट विल दैट बी समथिंग दैट यू विल बी कम्फर्टेबल विथ विध यू विल से नो मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है पी में मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे तो लेनी ही सोशल साइंसेस थी तो आप जो है इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते व्हाई? बिकॉज दिस डिसीजन रिगार्डिंग व्हाट आई स्टडी शुड ओनली कंसर्न मी ठीक है सो इट इज़ अ सेल्फ रिगार्डिंग एक्शन इट ओनली इम्पैक्ट्स मी इट डज नॉट हर्ट और इंजर एनी वन एल्स ऑन द अदर हैंड देर आर अदर रिगार्डिंग एक्शन्स जिनकी परफॉर्मेंस से बाकी जो लोग हैं उनको किसी तरह की जो है इंजरी हो सकती है इसको आगे चल के जो है हम और एक्सप्लोर करेंगे अब ये जो लिबर्टी का आइडिया है ये फटाफट समझ लो इसको हम रैप अप कर दें कि ये लिबर्टी का आइडिया देखो इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी माना गया था सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी माना गया था एंड मिल ने इसको बोला कि ह्यूमन डिग्निटी के लिए भी जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्टीन एक परस्पेक्टिव है ह्यूमन डिग्निटी का ठीक है कि हर इंसान जो है इन इट्स इन इज ओन राइट इंपॉर्टेंट है प्लेटो के लिए इंडिविजुअल्स डिड नॉट मैटर व्हाट मैटर इज कम्युनिटी इंडिविजुअल्स है भाड़ में ठीक है तो हम तुम्हारी हैप्पीनेस भी कंट्रोल करेंगे रेगुलेट करेंगे तुम्हें बताएंगे तुम्हें क्या करना है वाई फॉर द सेक ऑफ कम्युनिटी ऑन द अदर हैंड दिस इज इसके कारण क्या हो रहा था डिग्निटी वॉज कम्पलीटली बींग इरोडेड तुम मुझे चूज ही नहीं करने दे रहे हो कि मुझे क्या करना है तुम मुझे बता रहे हो कि हमें पता है वॉट इज गुड फॉर यू एंड तुमने वही करना है राइट तो ये क्या है ये ह्यूमन डिग्निटी का उल्लंघन है एंड इसके अगेंस्ट थे जो कि जेएस मिल थे अब फटाफट आगे बढ़ते हैं अब ये बेसिस ऑफ नॉन इंटरवेंशन की हमने बात कर ली सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शंस राइट तो सेल्फ रिगार्डिंग जो कि सिर्फ मेरे को इम्पैक्ट करते हैं अदर रिगार्डिंग एक्शन वो बेस्ड ऑन वॉट दिस हार्म प्रिंसिपल अदर रिगार्डिंग एक्शन क्या हुआ कि अगर कोई भी एक्शन मेरा दूसरों को इंजरी कॉज कर सकता है नॉट ऑफेंस इंजरी यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डज नॉट इक्वेट

क्यों क्या हुआ था कि कुछ लड़कियों ने फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र एक्सेट्रा में जब बाल ठाकरे की uh, मृत्यु हुई थी ही हैड पास्ट हुए तो उनका एक बहुत प्रोसेसन निकल रहा था बॉम्बे से एंड दे दैट दिस इज सच देकन्वीस टू द पीपल ऑफ बॉम्बे आपने रोड जैम कर दी हैं एम्बुलेंसेज को बाहर निकलने को नहीं मिल रहा है लॉट ऑफ इनकनवीनियंस इस सेक्शन 66 ए के अंडर जो है उन लड़कियों को गिरफ्तार कर लिया गया था फॉर एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियंस ऑन फेसबुक बिकॉज़ ए प्रोवाइड करता था कि अगर किसी के कमेंट्स ऑन सोशल मीडिया एसेट्रा जो है कॉज अ टू अदर पीपल तो उनको अरेस्ट किया जा सकता है ठीक है अब सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा और कहा कि ये हमारी जो फंडामेंटल राइट right

बॉडीली इंजरी नहीं होनी चाहिए हार्म नहीं कॉज होना चाहिए किसी और को ठीक है उस बेसिस पे जो है ये अदर रिगार्डिंग एक्शन बन जाता है एंड अगर वो किसी और को हार्म कॉज करता है राइट right, ऐसी क्षमता रखता है तो इन दैट केस द गवर्नमेंट कैन इंटरफेयर टू कंट्रोल दैट एक्शन ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ कि मेरा तो आज किसी को लूटने का मन कर रहा है या मेरे को किसी को आज मारने का मन कर रहा है तो क्या मैं जाके उसको मार सकती हूँ नहीं वाई बिकॉज इट विल कॉल कॉज हार्म टू समन एल्स एंड देफो द स्टेट कैन इंटरवीन एंड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग इट एट कल को मैं मैं बोलूँ कि आई वॉन्ट टू गो हेड एंड सेल ड्रग्स है ना नॉट अलाउड वाई बिकॉज यू आर हार्मिंग योर बॉडी हार्मिंग सम एल्स बाई गिविंग दम ड्रग्स ठीक है तो ये क्या हो गया अदर रिगार्डिंग एक्शन हो गया एंड यहाँ पे गवर्नमेंट जो है इंटरवीन कर सकती है लिमिट सेट कर सकती है आपको बता सकती है कि क्या करना अलाउड है एंड क्या करना नहीं अलाउड है Right? तो इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो है ये आइडिया ऑफ लिबर्टी देफो ऑल्सो बिकम्स द आइडिया ऑफ सेल्फ मास्टरी याद है नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी तो समझाया था कि इसके अंदर कुछ पॉजिटिव लिबर्टी के भी एट्रीब्यूट्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का ये मतलब नहीं है कि हाँ जी आई वॉन्ट टू यू नो आई वॉन्ट टू बिकम मे बी यू नो यू नो आई डो वॉन्ट टू स्टडी एंड आई वॉन्ट टू वेस्ट माई टाइम इन क्लास एंड आई जिस वॉन्ट टू यू नो रो स्टोल अराउंड एंड वेस्ट माई टाइम एंड सो ओन सो नहीं डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी का क्या मतलब है कि हम कुछ डिजायरेबल एटीट्यूड्स विच लीड टू आर प्रोग्रेस विच लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी वो अपने अंदर कल्टिवेट करें ठीक है कि हमें पढ़ना पसंद है राइट दैट वी गो टू क्लास रेगुलरली दैट वी अक्यूमुलेट नॉलेज ट so हमारी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी भी डेवलप होती है एंड उसके थ्रू हम सोसाइटी की तरफ भी जो है कॉन्ट्रीब्यूट कर पाते हैं एंड दैट इज वाई इसको लिबर्टी एज सेल्फ मास्टरी का नाम जो है दिया गया था राइट right? अब यहीं पर जो है यहाँ से ही निकल के आ जाती है अब हमने बोला था चैंपियन ऑफ लिबर्टी है ठीक है कि फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन को खुली छूट दे रहे हैं गवर्नमेंट इंटरफेयरेंस को लिमिट करने की कोशिश कर रहे हैं एट द सेम टाइम ही इज ऑल्सो चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी टाइम वेन आपके चाहे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एग्जिस्ट करती थी यूके के अंदर रिप्रेजेंटेशन वाज वेरी लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस ऑफ आपका बैकग्राउंड क्या है क्या आप नोबिलिटी से आ रहे हैं क्या आप नॉर्मल वर्किंग फैमिली से हैं सो फोर्थ so so तो यहाँ पे उन्होंने जो है रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करने की कोशिश की ना हमारी सारी डेमोक्रेसीज क्या है डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है कि हम खुद जाके पार्लियामेंट में नहीं बैठते हम एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं अपने के अंदर जो है उन्होंने कहा था तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो है ना दो चीजों को रिकनसाइल करने की कोशिश करती है पहली है पॉलिटिकल कि इक्वालिटी हर किसी की जो ओपिनियंस है थ्रू द रिप्रजेंटेटिव इस लेजिस्लेचर के अंदर पहुँच सकें एंड एट द सेम टाइम इंडिविजुअल लिबर्टी को भी जहाँ पे लोगों के पास जो है फ्रीडम हो और डिसाइडिंग किस तरह की पॉलिसी जो है उनको वो सपोर्ट करना चाहते हैं या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं तो एक ग्रेट अमेलमेशन कैन बी फाउंड थ्रू वॉट रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट जो कि आपको इक्वालिटी भी प्रोवाइड करती है बाई है जहां पे आप खुद चूज कर रहे हैं आउट ऑफ योर ओन फ्री विल आप सपोर्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट को या क्रिटिसाइज कर सकते हैं गवर्नमेंट को ठीक है अब वो कहते हैं ये दोनों ही इक्वालिटी एंड लिबर्टी को इंश्योर करने के लिए कुछ नेसेसिटीज होती हैं सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंटली जे.एस. मिल का यह मानना था कि आपको एक्टिव एडुकेटेड सिटीजन की जरूरत है जे.एस. मिल, मिलली इनफ अ ग्रेट चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी ऑल्सो वर्क इन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड जे एस मिल का मानना था कि इंडिया जैसी ये जो एशियन डिस्पोटिक कंट्रीज है दे आर प्रिपेयर्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट एट एंडो इट इज गुड आर अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल वाई बिकॉज उनके लिए प्री रिक्वेड था कि अगर आपको एक अच्छी फंक्शनिंग रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट चाहिए तो आपको एक्टिव सिटीजन चाहिए जो कि सिविक ड्यूटी के अवेयर हों जो कि अपनी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पॉलिटी समझें जो कि ये समझे दैट मैंने एक्टिवली जो है गवर्नमेंट क्या कर रही है उस पर नजर रखनी है एडुकेटेड हों एडुकेटेड हों कि कहीं यू नो जस्ट बिकॉज द गवर्नमेंट इज रेडी टू डोल आउट फेवर्स हम तभी बात करते हैं ना पॉपुलिज्म की है ना कि किसी एक लीडर ने

जीएस मिल का क्या मानना था कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है देर इज अ टेंडेंसी टू वर्ड्स जो हम कहते हैं मेजोरिटेरियनिज्म अब इंडिया में भी अगर आप बहुत सारे यू you नो know, अपने ही मिडिल क्लास पेरेंट्स को पूछे तो क्या बोलेंगे भाई सरकार हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनती सरकार किसकी सुनती है गरीबों की सुनती है जो कि मास है या फिर अमीरों की सुनती है जो कि उनको पैसा देते हैं तो हमारे तो कोई यू नो परवाह ही नहीं है सरकार को राइट अब जे एस मिल को भी ये बड़ा डर था कि मासस जो है वो तो ह्यूज नंबर हो सकते हैं अब मास ने मेजोरिटी वोटिंग के थ्रू एक गवर्नमेंट ले आए ऑन दी अदर हैंड तो फिर माइनॉरिटीज का क्या होगा माइनॉरिटीज की कोई सुनेगा ही नहीं बिकॉज हम तो यूटिलिटेरियन प्रिंसिपल पे काम कर रहे हैं हमने ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस जो है वो इंश्योर करनी है तो दैट इज़ वाई यू वॉन्टेड प्रपोशनल रिप्रेजेंटेशन ताकि आपकी माइनॉरिटीज़ को भी सीट्स मिल सके इन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द लेजिस्लेचर कि कहीं मेजोरिटी जो है माइनॉरिटी को ओवरवेल ना कर दे एंड उनको कोई जगह ही ना मिले अपने ओपिनियन अपने जो अपने जो भी व्यूज हैं एक्सप्रेस करने की ठीक है सो यू ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोर्शनल गवर्नमेंट इसके साथ ही वॉज ऑल्सो समोर्टेड वेटेड एंड प्लूरल वोटिंग वोटिंग का क्या मतलब है उनका मानना था कि लोग जो हैं उन्होंने पहले ही बता दिया था क्वालिटी ऑफ पर्सन जो है वेरी करती है देर आर सर्टन पीपल जैसे कि उन्होंने बोला हु विल बी अनएजुकेटेड जो उतने अवेयर नहीं है जो उतनी इंटेलेक्चुअल नहीं है वेर इज यू हैव अदर पीपल हुआ वेरी स्कॉलरली हुआ वेरी इंटलेक्चुअल हुआ वेरी वेल एजुकेटेड ठीक है तो उनका मानना था कि अब वोट दो सबको बट ऐसा काम करो कि जो बेटर एजुकेटेड हैं जो बेटर प्रॉपर्टीड हैं, या जो थोड़े इंटेलेक्चुअल ऑफ पीपल हैं, उनको आप वन पर्सन वन वोट की जगह वन so right? वही ऑन दी अदर हैंड इज लेस एजुकेटेड हुल अवेयरनेस नहीं है उसको आप एक ही वोट दो तो. ताकि एक वेटेड और प्लूरल वोटिंग जो है हो जाए ताकि जो बेटर पर्सन हैं इट right? हुआ पॉसिबली लेसर इन नंबर उनकी भी जो वोटिंग है उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जितनी एक लार्ज मास की है ना बिकॉज ऑफ दिस रीजन ना अलॉट ऑफ स्कॉलर्स हैव स्कॉलरसो कॉल्ड हम आगे चल के देखेंगे जब हम क्रिटिसिज्म करेंगे जे एस मिल को एज अ रिलक्टेंट डेमोक्रेट डेमोक्रेसी तो देना चाहते थे बट उसकी जगह साथ में इतने सारे प्री कंडीशन भी उन्होंने सेट कर दी थी कि ये सब अवेलेबल हो तभी डेमोक्रेसी ढंग से काम कर सकती है बट एट द सेम टाइम वन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि देते हैं टाइम right? जब वेमेन की जो मूवमेंट थी सफरजेट मूवमेंट जिसको हम कहते हैं जो कि फर्स्ट वे फेमिनिज्म का पार्ट थी जहाँ पे डिमांड कर रहे थे पोलिटिकल राइटे को भी वोटिंग का अधिकार होना चाहिए वाई शुड माई हजबेंड और माई फादर वोट ऑन माई बिहाफ आई एम अ पर्सन इन माई ओन राइट मेरा खुद का वोट होना चाहिए मेरी खुद की चॉइस होनी चाहिए तो जे एस मिल वॉज वन ऑफ दस थिंकर्स वो एक्चुअली सपोर्टेड दिस एंड उन्होंने इनफैक्ट एक किताब भी लिखी थी अलोंग विद हिज वाइफ हैरियट मिल राइट जिन जहाँ पर हम कहते हैं कि हैरियट मिल एक्चुअली वो सम्मान जिन्होंने बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था जे एस मिल को स्पेशली उनकी थिंकिंग अबाउट वीमेन को राइट right? जहाँ पे उन्होंने प्रमोट किया अलॉट ऑफ प्रो वीमेन पॉलिसीज एज वेल ठीक है अब यहीं से हम आते हैं अबाउट अब उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बोल दी कि अगर हमने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनानी है एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट तो हमें ये ये प्री रिक्विजिट्स चाहिए और इन्हीं प्री रिक्विजिट्स के लिए उन्होंने एक और चीज़ बोल दी थी कि फॉर अ वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी याद है मैकेविली ने भी बोला था कि अगर जहाँ पे रिपब्लिकन गवर्नमेंट पॉसिबल होगी वहाँ पे ऑलरेडी लोगों के अंदर एक कल्चर ऑफ सिविक ड्यूटी अ कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी होगा तो ऐसे ही जे एस मिल भी कहते हैं कि एक कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी होना इन एनी स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये कल्चर ऑफ डेमोक्रेसी आप कैसे प्रमोट करोगे ये कहते हैं वोटिंग के टाइम पे या फिर जब आप अपना इलेक्टोरल कार्ड बना रहे आ रहे वोटिंग कार्ड बना रहे बनाने आ रहे रजिस्ट्रेशन टेस्ट लीजिए रजिस्ट्रेशन टेस्ट मतलब छोटे छोटे सर्विस कीजिए राइट तो फॉर एग्जाम्पल उनमें क्वेश्चन लिख दिए कि अगर आपके पास से कैंडिडेट ए है हु बिलोंग्स फ्रॉम से योर कास्ट but has a criminal record is less educated right and has also issues of being corrupt on the other hand you have a candidate b who belongs to an opposing caste but is very well educated is seen as a very dignified respected and a very honest person who will you vote for है ना कई लोग तो जो है उनको फर्क ही नहीं पड़ता वो कहेंगे चाहे एडुकेटेड हो ना हो क्रिमिनल रिकॉर्ड हो मेरी कास्ट का है मैं तो इसी के लिए वोट डालूंगा तो इस तरह के रजिस्ट्रेशन टेस्ट जो है हेल्प कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग कि कौन से ऐसे लोग हैं जिनको अभी भी जिनके अंदर एक सिविक ड्यूटी डेमोक्रेसी का कल्चर इनग्रेन नहीं हुआ है और उनको टारगेट करके उनके अंदर ये अवेयरनेस राइज करने की जरूरत सेकंड वेरी इजी वे जो कि एवरी थिंग प्रमोट इज यूनिवर्सल एजुकेशन इफ यू हैव गुड यूनिवर्सल एजुकेशन जो कि ऐसे एट्रीब्यूट आप में कल्टिवेट करें जहां पे आपके अंदर डेमोक्रेसी की रिस्पेक्ट आए एजुकेशन की रिस्पेक्ट आए ठीक है रिपब्लिकन गवर्नमेंट की रिस्पेक्ट आए लिबर्टी की रिस्पेक्ट आए ऑनेस्टी की रिस्पेक्ट आए सोशल डेवलपमेंट की रिस्पेक्ट आए तो यू विल ऑलवेज एंड अप बीइंग बेटर पर्सन जो कि एक अच्छी गवर्नमेंट जो है उसको बनाने में हेल्प करेंगे ठीक है तो यूनिवर्सल एजुकेशन एक सेकेंड वे बन गया था लास्ट जो मेन अब एक आइडिया आता है जे एस का दैट इज विद रिस्पेक्ट टू कि कि हमने women की की हालत हालत कैसे पूरी करनी है है. है यही उनकी किताब का नाम था on subjection of women. अब वो कहते थे कि की हालत बहुत बुरी है. अगर आपने को की, जो हैं उनको उनको करना है, तो हमें कुछ चीजें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी. क्या है ये चीजें सबसे पहले लेट विमेन बी एडुकेटेड डू नॉट डिनाई एडुकेशन टू कहते हैं आज भी इंडिया में हम चला रहे हैं लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना तो ये सब जो है एडुकेशन प्रोवाइडेड अ वे फॉर विमेन टू हैव देयर ओन इंडिविजुअलिटी टू डेवलप देयर टैलेंट्स एंड टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इज सफरेज अगर आप वोट कर पाएंगी है ना हम अभी भी क्यों बोलते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर भी 33 परसेंट रिजर्वेशन दो क्यों हम ये बोलते हैं हम बोलते हैं कि हमारे अगर ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जाएं जो विमेन की थॉट्स को रिफ्लेक्ट करते हों तो विमेन का भला हो सकता है ठीक है तो इसी तरह बोल रहे थे विमेन को वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए सो दैट वीमेन आर एबल टू डिसाइड दैट विच रिप्रेजेंटेटिव बी एबल टू प्रोवाइड फॉर लॉज दैट विल बेनिफिट वुमेन जो कि उनकी इंप्रूवमेंट के लिए जरूरी है देन एम्प्लॉयमेंट वाई स्टॉप एट एडुकेशन राइट क्यों हम बोलते हैं अच्छा ठीक है पढ़ा लिखा लो कि बस उसके बाद शादी हो गई बाकी बच्चों को पढ़ा लेना आगे कोई काम नहीं है जरूरी राइट ही सेड नो एम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट दैट वीमेन शुड बी एबल टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हम आज भी यही बात करते हैं थे वाई डू वीमेन एंड अप स्टेइंग इन रियली अब्यूजिव मैरिजेस बिकॉज दे लैक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उन्हें लगता है कि अब मैं मैरिज छोड़ गई तो मैं अपने आप को सपोर्ट कैसे करूँगी अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करूंगी तो इम्प्लॉयमेंट वॉज अ क्रिटिकल सेक्टर फॉर जे एस मे लास्टली वेरी इंपॉर्टेंटली ही वॉन्टेड प्रॉपर्टी राइट्स फॉर वीमेन से नॉट जस्ट फॉर फादर की जो प्रॉपर्टी हो रही है बट इवन वेन यू गेट मैरिड यह नहीं होना चाहिए कि आपकी सारी प्रॉपर्टी अब हजबेंड के नाम हो गई आपकी खुद की एक प्रॉपर्टी होनी चाहिए जिसके ऊपर आप अपना कंट्रोल जो है रिटेन करें जो कि आपको अगेन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड करे वेरी इंपॉर्टेंटली ही ऑल्सो यू नो क्रिटिसाइज द आइडिया जो कि अभी तक प्रेविलेंट था कि क्या देट देर इज एन इंट्रेंजिक डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वेमेन हम कहते हैं ना विमेन तो बनी ही फॉर चार दीवार के लिए हैं विमेन विल बी गुड केयर गिवर्स ओनली सो दे शुड बी गुड मदर्स यही उनका काम है उनकी नेचर ही ये है ही सेट ये कोई नेचर की बात नहीं होती बट इन फैक्ट द ह्यूमन कैरेक्टर इज अ वे इन विच पीपल आर ब्रॉट अप तो अगर आप उनको एडुकेशन ही डिनाई कर दोगे अगर आप उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ही डिनाई कर दोगे तो किस तरह से वो माँ के अलावा कुछ और भी बन पाएंगी है ना जब आपने उनको ये opportunities ही नहीं बचपन से कि हाँ जी बड़े बस शादी करनी है, और उसके बाद बच्चे करनी, है, उनकी करनी है तो एक individual कुछ और सोच भी कैसे पाएगा right? so, J. S. Mill ने यही सिग्निफाई करने की कोशिश की कि जिस तरह से यू आर अप दैट इज वॉट मोल्ड योर कैरेक्टर एंड देफो वी नीड टू चेंज द वे इन विच वी ब्रिंग अपर राइट रैशनल बींग जुअल्स like तो अगर आप उनको मौका दोगे तो वो भी अपने आप को उस तरह से होन कर पाएंगी डेवलप कर पाएंगी राइट इन फैक्ट ई सेन ऑफ दोज रिलेशनशिप विच इज अ वे ऑफ सबॉर्डिनेटिंग वीमेन एंड टेलिंग विमेन की नहीं आई एम योर हसबेंड आई विल टेक योर डिसीजन तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है तो तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है तो ये जो मैरिज है राधर देन मेकिंग इट अ वेरी सबॉर्डिनेटिंग रिलेशनशिप लेट इट बी अ वेरी इक्विटेबल पार्टनरशिप इस मैरिज के अंदर लॉज के थ्रू ये चेंजेस लाने की भी जरूरत है ताकि मैरिज इंस्टेड ऑफ बीइंग अ रिलेशनशिप वेर इन द मैन एंड आर डोमिनेटिंग द वुमेन कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मोर एक्विटेबल पार्टनरशिप ठीक है तो ये जो है कुछ मेन आइडियाज थे जे एस मिल के जिनको हम अब आगे चल के डिटेल में लेस में पढ़ेंगे हाई एवरी वन नाव इन टूडेज दिस लेक् इंट्रोड्यूसिंग मार्क्स थ्रू माइंड मैप्स अब ये जो माइंड मैप है ये एक आप लगा लीजिए सबसे बेसिक माइंड मैप है जो कि हो सकता है कार्ल मार्क्स का बिकॉज़ यू हैव टू रियलाइज़ कि मार्क्स जो हैं एंड उनके जो आइडियाज़ हैं वो बहुत ही ज़्यादा मल्टीडाइमेंशनल है अब हमने जैसे कि देखा था अगर हम प्लेटो की बात करें एरिस्टोटल की बात करें कि किस तरह के उनके आइडियाज़ जो थे हर स्पेयर ऑफ लाइफ को टच करते थे राइट सो दे वॉन्ट ओनली से रिलेटेड सिर्फ टू कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट और ओनली टू द कॉन्सेप्शन ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी अटीजन बट दे ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द आइडियाज ऑफ वॉट इट मीन्स टू हैव अ गुड लाइफ और द आइडिया ऑफ एथिक्स राइट तो बहुत ही एक मल्टीफिसटिड जो है उनकी पोलिटिकल थाट थी अब उसी तरह हम आते हैं कार्ल मार्क्स को भी हु इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिलोसफर्स ऑफ वेस्टर्न पोलिटिकल थाट ठीक है क्योंकि इतना मल्टी डायमेंशनल है इनका भी जो पूरा पोलिटिकल थाट है जो पूरा पोलिटिकल प्रोसेस है राइट right? तो एक माइंड मैप के अंदर जो है वो सारी चीजें फिट नहीं आ सकती हैं राइट वाई बिकॉज ऑल ऑफ दोज थिंग्स रिक्वायर एक्स्ट्रीम अमाउंट ऑफ एनालिसिस अपने ही खुद का ठीक है तो इसीलिए उनके जो आगे चल के बहुत सारे आइडियाज़ हैं उनको हम डिटेल में हमारे आगे वाले डिटेल लेक्चर्स में करेंगे एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए कि फाउंडेशनल बेस क्या है मार्क्स के आइडियाज़ का तो वो जो कुछ फाउंडेशनल है ना जो सबसे बेसिक आइडियाज़ है जिनके बेसिस पे हम कहते हैं मार्क्स की आगे थ्योरी बनती है मार्क्स का थॉट बनता है हम उन बेसिक आइडियाज़ को इन माइंड मैप्स के थ्रू जो है देखेंगे तो जैसे कि आप सबको पता होगा अबाउट कार्ल मार्क्स एक जो सबसे बेसिक चीजें हमको पता है दैट इज दैट ही इज द फादर ऑफ कम्युनिज्म अब हमेशा याद रखना है राइट अलॉट ऑफ यू माइट बी बिगिनर्स कम्युनलिज्म अलग चीज होती है कम्युनिज्म अलग चीज होती है कम्युनलिज्म इज अ सोशल फिनोमिना ठीक है ये एक सोशल फिनोमेना है सोशल फिनोमेना मतलब किससे रिलेटेड होता है रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म से रिलीजियस फंडामेंटलिज्म से तो जब किसी स्टेट में किसी सोसाइटी के अंदर रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म रिलीजियस फंडामेंटलिज्म बढ़ता है जिसके कारण वायलेंस होने लगती है राइट जिसके कारण अदरिंग होने लगती है और वेरियस अदर कम्युनिटीज उसको हम क्या बोलते हैं कम्युनलिज्म बोलते हैं कम्यूनिज्म जो है एक इकोनॉमिक सिस्टम है एक इकोनॉमिक सिस्टम है जिसके अंदर हम कहते हैं इवेंचुअली एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगी ठीक है अभी स्टेटलेस क्लासलेस सोसाइटी क्या है क्या इसका आइडिया है इसको हम आगे चल के देखेंगे ठीक है तो एक इकोनॉमिक पॉलिटिकल फिनोमेना सिस्टम क्या है कम्युनिज्म है सोशल फिनोमेना को हम कम्युनलिज्म बोलते हैं इन दोनों आइडियाज़ को कंफ्यूज नहीं करना है विच अ लॉट ऑफ बिगिनर्स एंड अप डूइंग ठीक है तो अब हम देखते हैं कि कार्ल मार्क्स को क्या बोला जाता है फादर ऑफ कम्युनिज्म बोला जाता है दैट ही इज द वन हु थॉट ऑफ कंसेप्चुलाइज्ड ऑफ सच एंड इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइडिया ठीक है अब हम जो है मार्क्स के बेसिक आइडियाज उनको समझने की कोशिश करेंगे थ्रू द वेरियस इन्फ्लुएंसेस जो कि उनके लाइफ के अंदर आए अब हम कहते हैं सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंस जो कि आता है मार्क्स की लाइफ में इट वॉज थ्रू द आइडियाज ऑफ अ जर्मन आइडियलिस्ट प्रोफेसर बाय द नेम ऑफ फ्राइड्रिक हीगल ठीक है हीगल जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जर्मन फिलोसोफर हैं जिनके आइडियाज ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया मार्क्स को हाउेवर हम कहते हैं कि इन आइडिया से इंस्पायर भी हुए मार्क्स पर एट द सेम टाइम ही ऑल्सो पॉइंटेड आउट सर्टन फैलेसीज, मिस्टेक्स फ्लॉज जो कि उनको लगती थी हीगल की फिलोसफी में एग्जिस्ट करती हैं हमने शुरुआत में भी हम देखते आए हैं जितने भी हमने फिलासफर्स पढ़े हैं प्लेटो के स्टूडेंट कौन थे एरिस्टोटल बट एरिस्टोटल ने पॉइंट आउट किया क्रिटिसिज्म किया किसका प्लेटो का सिमिलरली हमने जब जे एस मिल की भी बात की थी हमने कहा था कि बेंथम के जो है एक स्टूडेंट एक तरह से फॉलोअर रहे थे जे एस मिल बट उन्होंने यूटिलिटेरियन थॉट को किस तरह से कंप्लीटली रिवाइज कर दिया तो उसी तरह से हीगल से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे मार्क्स बट हम कहते हैं मार्क्स टर्न हीगल ऑन हिज Head. तो जिस फिलॉसफी से वो इतने ज्यादा इंस्पायर हुए इन्फ्लुएंस हुए, उन्होंने कहा कि ये फिलॉसफी जो है, fact, है it, मैं इसे करने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहला था यू हैव टू अंडरस्टैंडल वॉज अ फॉलोअर ऑफ द प्लेटोनिक ट्रेडिशन हम जब प्लेटो कर रहे थे हमने वहां पे किया था कि प्लेटो के अकॉर्डिंगली क्या इंपॉर्टेंट था अब हम देख ले प्लेटो जब हम कर रहे थे सबसे इंपॉर्टेंट जो हमने सबसे पहले की थी उनकी थ्योरी ऑफ फॉर्म्स की थी ठीक है एंड थ्योरी ऑफ फॉर्म्स में उन्होंने आइडियाज को जो है रियल बताया था ठीक है उनका क्या मानना था दैट इट इज आइडियाज इट इज फॉर्म्स विच आर परफेक्ट विच आर फ्लॉलेस विच आर रियल जो मटीरियल वर्ल्ड है हमारे आसपास यू रिमेंबर हमने कंपैरिजन किया था कि जैसे कि एंशियंट हिंदू फिलॉसफी में हम बोलते थे कि हमारे आसपास का जो पूरा वर्ल्ड है संसार है वो क्या है वो सब माया है इट इज ऑल एन इल्यूजन तो उसी तरह से प्लेटो भी यही बोल रहे थे द वर्ल्ड अराउंड द अराउंडियल थिंग्स अराउंड द मैटर अराउंड इज ऑल अ शैडो रिफ्लेक्शन ऑफ वॉट इज एक्चुअल रियालिटी एक्चुअल ट्रूथ और ये एक्चुअल रियालिटी एक्चुअल ट्रुथ क्या है आइडिया है जो कि परफेक्ट है तो उसी से इंस्पायर हुए थे हेगेल भी और हेगेल खुद भी जो है एक आइडियलिस्ट थे तो हेगेल के लिए भी जो पूरी की पूरी फिलॉसफी है वो आइडियलिस्ट आइडियलिज्म के साथ जो है जुड़ी हुई थी इट ऑल फंक्शंस ऑन द रेलम ऑफ ट आइडियाज फोसोफी ने वर्ल्ड ने अगर आगे बढ़ना है तो हमें नए नए आइडिया डेवलप करने हैं आइडियाज की बात हो रही है ठीक है एंड दैट इज वाय फॉलोइंग इन दिस प्लेटॉनिक पाथ ओनली है ठीक है फेमस स्टेटमेंट क्या है दियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल ठीक है रियल क्या है जो कि रैशनल है अगेन प्लेटो से कंपेयर करो याद है प्लेटो ने क्या बोला था कि आपकी सेंसेस आपको आइडियाज समझने में हेल्प नहीं करेंगी क्या करेगा हेल्प रीजन रैशनैलिटी दैट इज वाई दैट द मैन ऑफ गोल्ड पीपल हु प्रजेस रीजन और रैशनैलिटी इन दियर सोल आर द वंस हु कैन अंडरस्टैंड आइडियाज आर द वंस हु कैन अंडरस्टैंड परफेक्शन एंड दैट इज़ वाई उसी थॉट को फॉलो करते हुए इवन हेगल सेज कि आपका ये जो रियल है जो कि आइडियाज़ हैं वो आपको समझ कैसे आएंगे थ्रू रैशनैलिटी थ्रू एप्लीकेशन ऑफ रीज़न एंड एक बार आप ये समझ जाए ये आइडियाज़ को आप समझ जाए ढंग से तो यही रीज़न जो है आगे चल के आपको एक परफेक्ट सोसाइटी परफेक्ट स्टेट बनाने में भी हेल्प करेगा अब मार्क्स जो है मार्क्स इससे अग्री नहीं करते थे मार्क्स कहते हैं यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिलॉसफी की कि आप हमेशा ही आइडियलिज्म के रेल पे काम करते रहते हो ठीक है ये फिलॉसफी जो है हमेशा आप मेटाफिजिकल चीजें आइडियाज फॉर्म्स इन सब में लगे रहते हैं ठीक है अगर ये सब इंपॉर्टेंट है हाँ तो फिर इट इज इज इट दैट इट इज ओनली द रिच हु टाइम टू डू दिस ही सेज इट्स नॉट जस्ट आइडियाज पर इनफैक्ट इट इज मैटर दैट इज रियल एंड दैट इज वाई हम कहते हैं कि मार्क्स जो है बात करते थे इंस्टेड ऑफ जिस म्यर फिलोसफी ही सेज द आइडिया ऑफ प्रैक्सिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जहां पर आप सिर्फ एक कुर्सी पर बैठ के थ्योरीज की बात नहीं कर रहे सिर्फ आइडियाज की बात नहीं कर रहे बट उन थ्योरीज को एक्शन में कैसे लाना है उसकी बात कर रहे हैं ठीक है मार्क्स कहते फिलोसफर्स की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो वर्ल्ड को इंटरप्रेट करते रहते हैं कि वर्ल्ड ऐसा है वर्ल्ड वैसा है एंड सो ऑन सो फोर्थ ही इज लाइक हाउ विल चेंज इन द वर्ल्ड बी पॉसिबल चेंज इज नॉट पॉसिबल ओनली वाया अ थ्योरी चेंज बिकम्स पॉसिबल थ्रू बाय एक्शन, एंड दैट इज़ बाय हमारी फिलोसफी जो है सिर्फ थ्योरेटिकल नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रैक्सिस ओरिएंटेड होनी चाहिए जहाँ पे इट इज थ्योरी मीट्स एक्शन एज वेल कि आपको एक आगे का पाथ वो बता रहा हो कि आपने अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज कैसे करना है राइट right? और इसी टाइम पे मार्क्स कहते हैं कि rather than जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट forms आर रियल आइडियाज आर रियल यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट मैटर इज रियल एंड मैटर इज द ड्राइविंग चेंज इन हिस्ट्री ठीक है ये मटीरियल फोर्सेज हैं जो कि चेंज लेके आती है जिसके कारण एवोल्यूशन हुई है ह्यूमन काइंड की जिसके कारण एवोल्यूशन हुई है पूरे के पूरे आपकी हिस्ट्री की सो इट इज नॉट आइडियाज बट वॉट इज रेलिवेंट matter is relevant therefore thinkers like plato thinkers like hegel are what idealists on the other hand thinkers like marx are what इनको हम बोलते हैं materialist because इनके लिए matter what is what is important ठीक है अब साथ ही में इसी मैटर के बेसिस पे अब जैसे कि मैंने बताया कि वो क्या कहते हैं हमने चेंज लाना है अगर हम बात कर रहे हैं इंटरप्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड को हमें ये भी समझना चाहिए कि वर्ल्ड में चेंज कैसे आएगा ठीक है चेंज किस तरह से आएगा मैटर जो है कॉज करता है चेंज को ठीक है जो कि फोर्स करता है एक्शन को एंड इसी को समझने के लिए उन्होंने हेगल से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट उठाया था विच वॉज ऑफ डायलैक्टिक्स जिससे निकल के आई उनकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज ऑफ डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म बिफोर वी अंडरस्टैंड डायलैक्टिकल पहले हम डायलेक्टिक्स के आइडिया को समझ लेते हैं डायलेक्टिक्स का क्या मतलब है कि जब भी हम आसपास अपने चीजें इमेजिन करते हैं हम कहते हैं कि चेंज आता रहता है हम बोलते हैं ना कि बड़े फेमस कोर्ट्स भी होते हैं दी ओनली कॉन्स्टेंट इन दिस लाइफ इज चेंज कि मतलब सिर्फ एक चीज जो कि हमेशा होती रहेगी वो क्या है चेंज राइट right? कल जो है तभी हम बोलते हैं ना चिंता मत करो कल जो गया वो बीत गया अब आगे वाले की आने वाले की चिंता करो बिकॉज देर इज कॉन्स्टेंट चेंज देर इज कॉन्स्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज हैपनिंग इन लाइफ तो डायलेक्टिक्स का भी यही आइडिया होता था अब चेंज कैसे आता है डायलेक्टिक्स कहता है कि आपने हमेशा इमेजिन करना है और ये डायलेक्टिक्स का आइडिया किससे आ रहा है हीगल से वो उठा रहे हैं ठीक है जीके? हीगल से इंस्पायर हो रहे हैं तो हीगल क्या कह रहे हैं हीगल अब क्या हमने बात की थी आइडियलिस्ट हैं तो उनके लिए मूविंग फोर्स क्या है क्या क्या है ideas है है। के 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 लिए changing force क्या है? Matter है. तो पहले हम कॉन्सेप्शन की बात कर लेते हैं Hegel कहता है कि जब भी आप सोसाइटी की बात करते हैं हम कहते हैं सोसाइटी के अंदर एक प्रेविलेंट आइडिया होता है जिसको हम थीसिस कहते हैं राइट जो कि एक्सेप्टेबल है जो कि हम कहते हैं आज की डे एंड एज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट सबसे डोमिनेंट आइडिया है विच पीपल बिलीव टू बी ट्रू ठीक है उस थीसिस के अगेंस्ट जो है ओवर टाइम एक उसकी अपोजिंग फोर्स उभरने लगती है जिसको हम बोलते हैं एंटी थीसिस ठीक है तो फॉर एग्जाम्पल सर्टन पर्सन स्टार्ट एंड ही स्टार्ट से दिस टी शर्ट इज ब्लैक इन कलर ठीक है उनको लगता है कि यह रियल है एकदम से जो है इसके अगेंस्ट एक अपोजिंग फोर्स आने लगती है वो कहते नहीं ये ब्लैक नहीं है ये तो ब्लू कलर की टी शर्ट है ठीक है तो थीसिस क्या था ब्लैक था एंटी थी क्या बन गया ये ब्लू है अब हम कहते क्लैश ऑफ दीज टू अपोजिंग फोर्सिस

उनको कंबाइन करके हम एक बेटर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस टी शर्ट पे पहुंच गए बाय अराइविंग एट द सिंथेसिस क्या बोल के कि ये डार्क ब्लू है कलर ठीक है अब ओवर टाइम हम कहते हैं धीरे धीरे ये जो सिंथेसिस है जैसे जैसे स्टेबलाइज होता है जैसे जैसे लोग इसको और एक्सेप्ट करते हैं ओवर टाइम ये सिंथेसिस जो है डोमिनेंट आइडिया बन जाता है और ये क्या बन जाता है थीसिस ऑफ दैट सोसाइटी ठीक है तो अब डार्क ब्लू क्या बन गया फ्रॉम सिंथेसिस बन गया थीसिस तो सपोज कीजिए ओवर टाइम इसके अगेंस्ट भी एक एंटी थीसिस आ जाएगा कि एक और जो लोग हैं वो आके बोलेंगे कि डार्क ब्लू नहीं ये क्या है इंक ब्लू है वो आ गया इसका एज एंटी थीसिस एंड इसमें से निकलेगा एक और सिंथेसिस जिसको बुलाएंगे क्या कि अच्छा ये जो है इसको हम नेवी ब्लू कलर दे देते हैं ठीक है तो इस तरह से जो डोमिनेंट फोर्स उसके अगेंस्ट है एक अपोजिंग फोर्स उनके क्लैश से निकल के आई एक फर्दर स्टेप इन एवोल्यूशन, जो कि निकली सिंथेसिस ओवर टाइम धीरे धीरे सिंथिस स्टेबिलाई होकर फिर क्या बन जाता है थीसिस उसके अगेंस्ट आती है एक और अपोजिंग फोर्स जो कि एंटी थीसिस होती है फिर इनके क्लास से निकल के आती है एक और स्टेप इन एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट विच इज योर सिंथेसिस ठीक है तो ऐसे ही जो क्लाशेस हैं थ्रू आउट द सोसाइटी चलते रहते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं डायलेक्टिक्स बोलते हैं अब हैगल के अनुसार अकॉर्डिंग टू हेगिल दिस क्लैश ऑफ थीसिस

अब इस डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में चेंजेस कैसे आ रहे हैं ठीक है व्हेन इज इट दैट दिस थीसिस एंड एंटी थीसिस क्लैश एंड व्हेन इज इट दैट दिस चेंज हैपेंस तो इसके लिए भी जो है हेगेल ने कुछ लॉज दिए थे जिसको हम लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स कहते हैं तो लॉज ऑफ डायलेक्टिक्स जो है उन्होंने आइडियाज को मद्देनजर रख के दिए थे बट मार्क्स इसी हैगिल के डायलेक्टिक्स को अप्लाई करता है फॉर मटेरियल चेंज आल्सो और कहते हैं सोसाइटी में चेंज जो है यही डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म के बेसिस पे आता है कौन से ये तीन लॉस फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले कहते हैं यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ये थीसिस एंटी थीसिस के एग्जाम्पल के थ्रू के हमेशा जब भी क्लैश होगा ठीक है दो सीमिंगली अपोजिंग फोर्सेस के अंदर जब क्लैश होगा इसी क्लैश से जो है कुछ एक नई चीज जो है निकल के आएगी जो कि एक बेटर चीज होगी देन ऑफ अगेन गो बैक टू दिस एग्जांपल राइट क्या था कि थीसिस थीसिस के साथ एंटी थीसिस का क्लैश हुआ राइट right? ये ऑपोजिट्स थे ऑपोजिट्स का क्लैश हुआ इनमें से एक बेटर चीज निकल के आई इन द फॉर्म ऑफ व्हाट सिंथेसिस राइट विच इज योर यूनिटी ऑफ ऑपोजिट हमने क्या बोला ओवर टाइम सिंथेसिस जो है क्या बन जाता है एक थीसिस बन जाता है सिंथेसिस इवेंचुअली किस तरह से आया सिंथेसिस वाज़ अ अगेशन ऑफ थीसिस निगेशन क्या होता है किसी चीज की रिजेक्शन सिंथेसिस क्यों आया बिकॉज वी थॉट दैट द डोमिनेंट थीसिस दैट दिस टी शर्ट इज ब्लैक गलत है तो ये टी शर्ट ब्लैक है उसको निगेट करने के लिए आपका सिंथेसिस डेवलप हो गया जिसने बोला कि ये टी शर्ट जो है डार्क ब्लू है Over time, क्या हुआ कि आपका दैट दिस टी शर्ट इज डार्क ब्लू वो बन गया thesis, और उसके अगेंस्ट एक एंटी आया जिससे निकल के एक और सिंथेसिस तो हमने देखा ये क्या है ये निगेशन है ऑफ दिस विच इट सेल्फ वॉज ए निगेशन ऑफ एन अर्लियर आइडिया है ना तो ये क्या हो गया ये बन गया निगेशन ऑफ निगेशन एक चीज जो कि ऑलरेडी एक डोमिनेंट आइडिया की रिजेक्शन थी इस चीज की भी एक और रिजेक्शन निकल आती है ठीक है तो ये क्या है आपका निगेशन ऑफ निगेशन थर्ड जो लॉ ऑफ डायलेक्टिक्स ऑफ चेंज आता है इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ क्वांटिटी टू क्वालिटी अब हम कहते हैं कि कुछ हद तक जब चेंज आता है तो वो क्वांटिटेटिवली आता रहता है However, over time वे quantity जो है saturate हो जाती है and then that change transforms into mere quantity से towards quality. ठीक है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब basically है जैसे कि आप एक पतीला imagine कीजिए which is full of water. ठीक है A vessel which is full of water. Now what happens is I put it on the gas. पहले I put it on sim. तो धीरे 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 जो है पानी गर्म होने लगता है इट्स फ्रॉम कोल्ड इट बिकम्स टू लूक वम ठीक है आई इंक्रीज द हीट इवन मोर फ्रॉम लूक वम इट स्टार्ट सिमरिंग इवन मोर ठीक है थोड़ी देर बाद और गर्म हुआ ये क्या है क्वांटिटी है जब टेम्परेचर बढ़ रहा है पानी का वो क्वांटिटेटिव चेंज है क्योंकि आपका जो पानी है वो और गर्म गरम 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 होता जा रहा है राइट right? क्वांटिटेटिवली उसकी जो हीट है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे हम क्या देखते हैं पानी उबलने लगता है ठीक है उसमें बुलबुल उगने लगते हैं इट्स दट बॉइलिंग राइट हाउ वे वंस इट रीचेज दैट बॉइलिंग पॉइंट

क्वालिटी दैट इट इज ओनली टिल अ सर्टन लेवल जैसे कि वाटर में टिल अ हंड्रेड डिग्री सेल्सियस दैट योर क्वान्टिटेटिव चेंज वी सॉ एंड देन वंस दैट लेवल वॉज हिट देर वॉज अ क्वालिटेटिव चेंज वेर इन फ्रॉम लिक्विड स्टेट दैट वाटर चेंज्ड इन टू अ ग्लेशियस स्टेट ठीक है अब यही डायलैक्टिक्स के जो लॉज थे वो आगे चल के सोसाइटी के अंदर जो चेंजेस आते हैं जो एवोल्यूशन आ रही है उसको चार्ट आउट करने के लिए लगाएंगे अब ये क्या है वो कहते हैं हिस्ट्री में कैसे चेंज आ रहा है हिस्ट्री में भी चेंज इस डायलेक्टिक्स के बेसिस पे आ रहा है जो कि मैटर के अंदर देखने को मिलता है एंड हिस्ट्री के इस चेंज को क्या बोल देते हैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म फिलोसफिकल कोई, कोई आइडियाज के रैल पे चेंज नहीं है ये आपके मैटर के लेवल पे हिस्ट्री के अंदर चेंज आ रहा है ठीक है एंड ये कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम ये डायलेक्टिक्स के लॉज लगाते हैं जिनके अंदर चेंज आता है बिकॉज ऑफ विच सोसाइटी ट्रांसफॉर्म्स हम कहते हैं ये तीन तरह के हैं सबसे पहले जिनको हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ठीक है दीज इंक्लूड्स इंक्लूड थिंग्स लाइक आपका हो गया रॉ मटीरियल Uh, आपकी जो लेबर फोर्स है ठीक uh, है आपका जो से लैंड एंड ऐसे रिसोर्सेज हैं या फिर आपकी जो टेक्नोलॉजी की फोर्स है ठीक है इन सब चेंजेस को हम इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं इनको हम फैक्टर्स या मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं इनके थ्रू जो है प्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल बन पाता है ठीक है सेकेंड हम कहते हैं आर योर रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं ये बेसिकली आर बने हुए ऑन द मैटर ऑफ दैट हु आर द पीपल हु ओन मीन ऑफ प्रोडक्शन और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड हुआ पीपल जिनके पास नहीं राइट तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिनके पास रॉ मटीरियल है जिनके पास लैंड है, है राइट और ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिनके पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो वो लोग क्या बेचते हैं वो अपना लेबर बेचते हैं ठीक है तो इसके थ्रू क्या होता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन बेसिकली डिफरेंस बिटवीन दोजू हैव मीन ऑफ प्रोडक्शन या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दोजू डोंट तो इसको सबसे बेसिक लैंग्वेज में जो कि आपको समझ में आती है जो कि हम आखिर डे टू डे लैंग्वेज में भी पढ़ते हैं देखते हैं सुनते आते हैं वो क्या है इसको हम बुलाते हैं division, जो कि बेसिकली इकोनमिक ग्राउंड पे है और ये इकोनॉमिक ग्राउंड क्या है कि किसके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है एंड किसके पास नहीं है ठीक है ये हो गई आपकी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम पहुंचते टू अ तो थर्ड विच इज मोड ऑफ प्रोडक्शन ठीक है तो हम क्या कहते हैं कि किसी एक फेज ऑफ सोसाइटी में जहां पे एक सर्टेन टाइप ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होते हैं उसके कारण एक सर्टेन टाइप ऑफ रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है निकल के आते हैं हम कहते हैं दैट समटाइम्स ऐसा टेक्नोलॉजिकल चेंज आता है जिसके कारण द क्वांटिटी गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू क्वालिटी बिकॉज ऑफ विच दैट फेज ऑफ सोसाइटी चेंजेस एंड अ न्यू फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम निकल के आ जाता है ठीक है अब ये समझने से पहले हम एक दूसरे इन्फ्लुएंस पे चलते हैं उसके बाद आपको ये चीज़ और ज्यादा समझ में आएगी ठीक है विच इज दैट मार्क्स वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश स्कूल ऑफ पोलिटिकल इकोनॉमी ब्रिटिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी के सबसे इंपॉर्टेंट थिंकर कौन थे ये थे एडम स्मिथ जो कि बात करते थे इनविजिबल हैंड की जिनको हम एसोसिएट करते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म या कैपिटलिज्म के साथ ठीक है तो ये क्या कहते थे कि स्टेट का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर लेट इकॉनमी बी रन बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई जिसका प्रोडक्ट जितना अच्छा जितना लोग डिमांड कर रहे हैं उतनी ज्यादा जो है उसका प्रॉफिट होगा उतनी ज्यादा वो अपनी सप्लाई बढ़ाएगा उतनी ज्यादा जो है वो चीज़ें बिकेंगी जिसका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है लोग उसकी डिमांड नहीं करेंगे वो चलेगा नहीं और वो ख़त्म हो जाएगा ठीक है तो ये फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर जो है आप अपनी इकोनॉमी छोड़ दीजिए एवरी स्टेट को इसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए यह जो है प्राइवेट प्लेयर्स द्वारा चलाई जानी चाहिए एंड इसी से निकल के आया था जिसको हम बोलते हैं कैपिटलिज्म का आइडिया ठीक है कैपिटलिज्म क्या था दैट ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ये प्राइवेटली ओन्ड होने चाहिए ठीक है तो अगर मैं हूं और मैं एक एंटरप्राइजिंग इंडिविजुअल हूं एंड मुझे लगता है कि हाँ मेरे पास मेरे बाग के अंदर जो है बहुत सारे पेड़ हैं ठीक है थीके? और उन पेड़ों के ऊपर कुछ खास फ्रूट्स लगते नहीं है तो मैं क्या डिसाइड करती हूं कि मैं उन पेड़ों की टहनियों से टेबल्स बनाने शुरू कर दूंगी एंड मेरे टेबल्स जो है टॉप नॉच क्वालिटी ऑफ टेबल्स हैं राइट तो मैं धीरे धीरे शुरू करती हूँ एट पहले मैं उनको दस रुपये पर बेचती हूँ एंड आई रियलाइज वाह मेरी टेबल तो बड़े पॉपुलर हैं पीपल आर डिमांडिंग देम लाइक क्रेज़ी ठीक है like तो अब मैं क्या करती हूँ कि मेरे बागों से आई थी वो लकड़ी प्लस मैंने अपना लेबर लगाया थोड़ा पेंट लगाया सो ऑन सो फोर्थ तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वो टेबल बनाने की कॉस्ट पहले नौ रुपये थी और मैं एक रुपये अपने गुजारे के लिए और कमा रही थी जो मैंने आपको दस रुपये में बेच दिया अब जैसे जैसे उसकी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे मैंने अपना प्राइस भी बढ़ा दिया तो उसकी कॉस्ट ऑफ़ प्रोडक्शन चाहे अभी भी नौ रुपये थी मैं अब उसको पंद्रह रुपये पर बेचने लग गई ठीक है बट लोगों को और भी पसंद आने लग गया तो मैंने क्या किया अब मैं इतने सारे टेबल्स को खुद बना नहीं सकती मैंने अपने आसपास के तीन चार और लोगों को इंप्लॉय कर लिया और मैंने कहा चलो अब तुम भी जो है ये टेबल्स मेरे साथ बनाओ ठीक है नाउ आई हैव टू पे पीपल है उनको कुछ वेजेस मेरे को देनी पड़ेंगी ठीक है तो मैंने उनको बोल दिया अच्छा ठीक है तुम सबको जो है मैं दो दो रुपए की वेज दूंगी सो नाउ मै कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम रुपीज नाइन टू रुपीज इलेवन आई नाउ स्टार्ट सेलिंग एट रुपीज ट्वेंटी बढ़ गया वो प्रॉफिट किसके पास जा रहा है मेरे पास जा रहा है मेरी जेब में जा रहा है मैं रख रही हूं ठीक है तो यह जो है एक बेसिस ऑफ योर कैपिटलिज्म बन गया था मार्क्स का मानना था कि कैपिटलिज्म बहुत ही एक्सप्लोय टिव चीज़ है ठीक है बहुत ही एक्सप्लोइटेटिव है दूसरे लोग ठीक है जो बेचारे जिनको मैंने बुलाया है जो मेरे लिए ले लेबर कर रहे हैं मेरे लिए चीज़ें बना रहे हैं उनको मैं दो रुपए दे रही हूँ एंड खुद जो है मैं ग्यारह रुपए का जो प्रॉफिट है वो पूरा का पूरा मेरे जेब में मैं अपने पास रख रही हूं ये जो है उन्होंने एक एक्सप्लोइटेटिव सिस्टम बताया है जिसके थ्रू आगे चल के जितना भी वेज लेबर है जितने भी क्लासेस हैं उनको मैं इन अ स्टेट ऑफ कॉन्स्टेंट ऑपरेशन रखने की कोशिश कर रही हूँ राइट तो वो कहते हैं दर इंस्टेड ऑफ प्राइवेट मीन्स ऑफ ओनरशिप हमारे पास एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए अब स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी जिसको हमने कम्युनिज्म की तरह समझा आखिरकार ये कम्युनिज्म है क्या अब हम इसकी शुरुआत करते हैं और हम इसको एसोसिएट करते हैं विद साइंटिफिक सोशलिज्म सोशलिज्म क्या होता है सोशलिज्म की हम जब बात करते हैं हम कहते हैं यहाँ पे जो आपके ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस ऑफ प्रोडक्शन जो होती है दैट इज विद द स्टेट दैट इज विद सम कम्युनिटी। अब इवन बिफोर मार्क्स देवर रॉट ऑफ यूटोपियन सोशलिस्ट जो कि एग्जिस्ट करते थे जैसे कि रॉबर्ट ओवेन एट्सेट्रा मार्क्स कहते हैं कि जितने भी यूटोपियन सोशलिस्ट थे ये भी आइडियाज के बेसिस पे ही काम कर रहे थे फिलोसफर्स थे बेवकूफ हैं ये इनको कुछ नहीं आता ठीक है मैटर को तो ये साइंटिफिकली समझ ही नहीं पा रहे हैं साइंटिफिकली समझने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है हमें कुछ लॉज की समझने की जरूरत है कि ये लॉज के बेसिस पे जो है ये ट्रांसफॉर्मेशन होती जा रही है इकोनॉमिक्स की एंड देफो सोसाइटी की एंड वो लॉज कौन से थे वो उन्होंने लिए किससे हेगिल से, हेगल से? और अप्लाई किए सोशलिज्म में टू मेक इट मोस्ट साइंटिफिक इन नेचर और ये साइंटिफिक सोशलिज्म के साथ जो है क्या बन गया उसके थ्रू हम समझ गए ये हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को जहां पे मार्क्स अब क्या कहते हैं मार्क्स कहते हैं कि द मूविंग फोर्स ऑफ एनी सोसाइटी कोई एडुकेशन नहीं है सोशल फोर्सेस नहीं है पॉलिटिकल फोर्सेस नहीं है क्या है इकोनॉमिक्स है तो वो सोसाइटी को एक पिरामिडिकल फॉर्म के अंदर ऑलमोस्ट इमेजिन करते हैं जहां पे जो बेस है बेस क्या है ये जो बेस है किसी भी घर के अंदर हम सबसे पहले नींव रखते हैं ना अगर आपकी नींव स्ट्रांग नहीं हुई तो घर तो ढह जाएगा तो ये बेस जो है वो क्या है वो इकोनॉमिक्स है आपके प्रोडक्शन है और इसके ऊपर जो सुपर स्ट्रक्चर है दैट कम्स चाहे ये आपका स्टेट हो सोसाइटी हो एडुकेशन हो फैमिली हो रिलीजन हो सब सुपर स्ट्रक्चर है मतलब बेस के ऊपर बनाई गया ऊपर ढांचा तो अगर आपने ढांचा चेंज करना है सबसे पहले आपको बेस चेंज करना पड़ेगा ठीक है नीचे की फाउंडेशन चेंज करनी पड़ेगी ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल कहते हैं तो इसी तरह से जब जब बेस चेंज होगा तब, तब जो है आपकी हिस्ट्री में एवोल्यूशन आएगी विच हम इससे कनेक्ट करते हैं तो क्या क्या फेजेज हैं ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन प्रिमिटिव कम्युनिज्म देन गोइंग टू स्लेव मास्टर देन फ्यूडलिज्म देन देन कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड इवेंचुअली कम्युनिज्म इसको हम डिटेल में आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर देखेंगे अब इसी से रिलेटेड है मार्क्स की जो सबसे डोमिनेंट थ्योरी ऑफ स्टेट है विच इज स्टेट इट स्टेट क्या है पॉलिटिक्स Is a part of superstructure? तो मतलब स्टेट या पॉलिटिक्स भी जो है कहां से निकल के आई है इट इज ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय द इकोनॉमिक्स सो फॉर मार्क्स स्टेट क्या है है एक इंस्ट्रूमेंट बन जाता ऑफ क्लास बेसिकली जिसकी लाठी उसकी भैंस तो जिसके पास इकोनॉमिक पावर है वही आपकी स्टेट को भी कंट्रोल करेगा एंड स्टेट को देफो इन द मोस्ट डोमिनेंट डोम थ्योरी हम कहते हैं स्टेट इज देंड मेड इन ऑफ बुर्जुआ बुर्जुआ कौन है जो आपकी कैपिटलिस्ट क्लास है जो ओन करते हैं आपके एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अब ये जो है आइडियाज कुछ बेसिक आइडियाज है ये सारे आइडियाज नहीं है मार्क्स के देर आर अदर थिंग्स लाइक सरप्लस प्रोडक्शन एलियनेशन इनफैक्ट स्टेट के रिगार्डिंग भी हम डिवाइड करते हैं कि ये स्टेट के रिगार्डिंग भी इकलौती थ्योरी नहीं थी मार्क्स की बल्कि देर इज अनदर थ्योरी कॉल्ड द रेलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट जो भी मार्क्स देती थी, थी इन सब आइडियाज को हम आगे पढ़ेंगे जहां पर इनको और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा अभी तक के लिए ये जो बेसिक आइडियाज हैं ये इंट्रोडक्शन के लिए आ मोर देन इनफ ठीक है इन टूडेज़ लेक्चर हम देखेंगे ग्राम्स जी के कुछ बेसिक आइडियाज़ जिनको हम इजीली रिवाइज़ कर पाए और रिमेंबर कर पाए वाया अ माइंड मैप ठीक है ये माइंड मैप्स जो हैं आर अ वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग बेसिक आइडियाज़ जिनको हम इन डिटेल आगे दिए गए लेक्चर्स के अंदर देखेंगे तो उन लेक्चर्स की एक फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए ये माइंड मैप्स जो हैं एक आपको हेल्प करते हैं कि बेसिक फाउंडेशनल आइडियाज जो हैं थिंकर्स के उनको किस तरह से हम इमेजिन कर सकते हैं एंड उन आइडियाज़ को किस तरह से इंटरलिंक कर सकते हैं तो आगे अगर कोई भी और क्वेश्चन आता है ठीक है अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट आ जाती है जहाँ पे इंटरलिंकेज ऑफ बेसिक कॉन्सेप्चुअल आइडियाज आर रिक्वायर्ड ये माइंड मैप्स जो हैं उनको बनाने में हेल्प कर सकते हैं एंड प्लस क्लोजर टू दी एग्जाम्स आल्सो ये रिवीजन के बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं अब हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर मार्क्स एंड मार्क्सिस थ्योरी जो है उसको डिटेल में देखा था एंड विद इन द स्टडी ऑफ मार्क्स वी ट्राइड टू अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो अनकवर एक तरह से जो डिविजन की जाती है विद इन मार्क्स ऑल्सो जिसको हम कहते हैं द डिविजन बिटवीन मिच्योर मार्क्स एंड अर्ली मार्क्स एंड हम देखते हैं कि किस तरह से अर्ली मार्क्स के राइटिंग से निकल के आती है एक नया स्कूल दैट वी रेफर टू एज न्यू मार्क्सिजम ठीक है यही न्यू मार्क्सिज्म से आगे निकल के मार्क्सिज्म के अंदर मल्टीपल वेरियस और सब स्कूल आए हैं जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल क्रिटिकल स्कूल जब हम पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे तो ये स्कूल्स और इनके जो वेरियस स्कॉलर्स हैं ये भी और क्लियर हो जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो कि मार्क्सिस्ट फिलोसफी में आती है इज बुद एडवेंट ऑफ न्यू मार्क्सिज्म अब हमने देखा था कि मार्क्स की आइडियोलॉजी वॉज बेस्ड ऑन अनकवरिंग जिसको हम कहते हैं साइंटिफिक सोशलिज्म जहां पे उन्होंने वाया अपना डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म एंड हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म समझाने की कोशिश की थी कि किस तरह से जब हिस्ट्री इवोल्व करेगी थ्रू वेरियस फेजेस, जब आपका चेंज किस में आएगा आपके बेसिक स्ट्रक्चर में जो कि आपकी इकोनॉमिक्स है उस तरह से वेरियस सिस्टम्स राइट वो इवोल्व होते जाएंगे जिसके बेसिस पे ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है चाहे वो पॉलिटिकल सिस्टम का हो सोशल सिस्टम का हो वो भी बदलता जाएगा राइट तो इस बेसिस पे हमने देखा था कि किस तरह से मार्क्स ने बोला दैट द जर्नी फ्रॉम प्रिमिटिव कम्युनिज्म टूवर्ड्स अ स्लेव मास्टर सोसाइटी टूवर्ड्स अ फ्यूडल सोसाइटी टूवर्ड्स कैपिटलिज्म टूवर्ड्स सोशलिज्म या डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलीटेरियट एंड फाइनली नेचुरली एक रेवोल्यूशन आएगी जिसके कारण आपकी एक कम्युनिस्ट सोसाइटी फॉर्मुलेट हो जाएगी जो कि एक स्टेटलेस एंड क्लासलेस सोसाइटी होगी राइट right, अब हम देखते हैं अब इट्स बीन सो मेनी इयर्स डेक इज एंड सेंचुरीज जब मार्क्स ने अपना थॉट प्रेजेंट किया था है ना इनफैक्ट उससे पहले भी ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर राइट right, आपकी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी के अंदर ही क्वेश्चनिंग शुरू हो गई थी कि आखिरकार मार्क्स की इतनी जो ये साइंटिफिक प्रोडिक्शंस थी ऑफ द डेवलपमेंट एंड मूवमेंट्स मूवमेंट टुवर्ड्स कम्युनिस्ट सोसाइटीज़ ये कभी फुलफिल क्यों नहीं हो पाई इन फैक्ट इट बिकम्स इवन मोर रेलिवेंट नाव हम देखते हैं कि 1991 के अंदर आपका जो एक लौता सो कॉल्ड कम्युनिस्ट स्टेट था इन द फॉर्म ऑफ आर वो जो है कंप्लीटली क्रैश हो गया राइट इवन वेन वी लुक एट कम्युनिस्ट चाइना टूडे वी अंडरस्टैंड कि वो नाम का ही कम्युनिस्ट बचा है एक्चुअल में क्या है एक कॉरपोरेटिड स्टेट बच गया है जहां पे इट इज कंप्लीटली अंडर द कंट्रोल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी बट क्या वो कम्युनिज्म फॉलो कर रहे हैं नॉट रियली बेसिकली वो क्या फॉलो कर रहे हैं एक स्टेट लेड कैपिटलिज्म की जो है उनकी अप्रोच है राइट सो वेर इज इट दैट कम्यूनिज्माई दैट रेवोल्यूशन नेवर रियली हैपनड ठीक है और इसी ये जो एक कंजम था ये जो एक दिलिमा था ये जो एक तरह की एक पहेली था इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं ग्राम्स जी ठीक है जिनको हम ऑफन रिगार्ड करते हैं एज द फादर ऑफ नियो मार्क्सिस स्कूल द फादर ऑफ मार्क्सिज्म जिससे ही आगे निकल के आते हैं आपके फ्रैंकफर्ट एंड क्रिटिकल स्कूल ऑफ थॉट ठीक है तो वेरी क्विकली अब इस माइंड मैप के अंदर हम चार्ट आउट करेंगे बेसिक आइडियाज ग्राम्स ठीक के राइट बहुत ही एक इंट्रोडक्शन देंगे आपको जिनके जिनकी जो प्रॉपर डिटेल्स हैं आगे आपको लेक्चर्स के अंदर समझाई जाएंगी ठीक है अब देखते हैं ग्राम्स जी का बेसिक आइडिया अब जैसे कि मैंने इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था दैट वन ऑफ द मेन इश्यूज इशू ग्राम्स जी फेस कर रहे थे वो क्या था कि भैया आखिरकार मार्क्सिस्ट ये जो फिलोसफी थी ये जो प्रोडिक्शन थी ये पूरी क्यों नहीं हुई राइट नाउ यू हैव टू रियलाइज दैट ग्राम्स जी जो है आपके अराउंड 1914 ऑनवर्ड जो है ये लिखना शुरू कर देते हैं राइट ही इज समवन जो कि ये अगेन एक इटालियन थिंकर है राइट सो दिस इज द एरा जब आपका वर्ल्ड वॉर टू आपका जो वर्ल्ड वॉर वन का टाइम है चल रहा था एंड देन राइट्स राइट टिल जब आपकी वर्ल्ड वॉर टू की भी जो है फेज शुरू हो रहा होता है ठीक है तो अब ग्राम्स जी जो है इन्होंने ये पूरा फेज देखा है एंड इन फैक्ट इन्होंने राइज ऑफ मुसोलिनी इन इटली उसको भी जो है पूरी तरह से देखा था इनफैक्ट इट वॉज ग्राम्स जी जिन्होंने आपकी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली उसको भी फाउंड किया था एंड इट वॉज बिकॉज ऑफ दैट रीजन ऑल्सो दैट ही वॉज पुट बिहाइंड बार्स बाय मुसोलिनी राइट एंड इट वॉज इन द प्रिजन जब वो प्रिजन में कैद थे कि ग्राम्स जी ने मल्टीपल जो है डायरीज के अंदर अपनी थिंकिंग अपने जो थाट थे अपने जो आइडियाज थे उनको पेन डाउन किया तो ऐसा कोई उनकी एक कोहेरेंट arranged किताब नहीं है जैसे कि हम मार्क्स के साथ एसोसिएट करते हैं उनके मल्टीपल वर्क्स को राइट दास कापिताल हो गई इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैनोस्क्रिप्ट हो गई ठीक है तो उनकी तो बहुत सारी किताबें हमारे पास अवेलेबल हैं ग्राम्स जी की जो है हमारे पास स्निपिट्स ऑफ एस थॉट्स अवेलेबल हैं जो कि उन्होंने वेरियस जर्नल्स में वेरियस नोटबुक्स में अपने थॉट्स पेंड डाउन किए थे ड्यूरिंग हिज टाइम इन प्रिजन एंड दैट इज वाई इन फैक्ट ग्राम्स जी की ये जो कलेक्टेड वर्क्स हैं इनको हम बुलाते ही प्रिजन नोटबुक्स हैं सो वेन ही सिटिंग इन प्रिजन दैट इज वॉट ही इज कॉन्टेम्पलेटिंग अबाउट वो इसी बारे में सोच रहे हैं दैट वाई इज इट दैट मार्क्सिस्ट प्रोडिक्शन ऑफ द राइज ऑफ अ कम्युनिस्ट सोसाइटी के जो मार्क्सिस्ट आइडिया था कि एक कम्युनिस्ट सोसाइटी आएगी वाई डिड नॉट वाई डिटली कम इन टू बींग वो कभी एक फ्रूटफुली डेवलप क्यों नहीं हो पाया राइट right? अब इसको अनकवर करने के लिए ग्रामस्टी जो है दो तीन चीजों को पॉइंट आउट करते हैं सबसे पहले वो कहते हैं कि एक जो मेन क्रिटिसिज्म हमने जो मार्क्स का देखा था दैट वॉज एक जो इश्यू ऑफ इकोनमिक डिटर्मिनेजम जो कि बहुत सारे स्कॉलर्स द्वारा पॉइंट आउट किया गया था ठीक है इकोनॉमिक का क्रिटिसिज्म इकोनॉमिक डिटर्मिज्म का एक बेसिक क्रिटिसिज्म क्या था कि हर चीज जो एक मूविंग फैक्टर है वो क्या है आपका इकोनॉमिक बेस है जब तक आपकी इकोनॉमिक बेस में चेंज नहीं आएगा तब तक आपका जो सुपर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपकी पॉलिटिक्स सोसाइटी एडुकेशन रिलीजन सारी एसोसिएटेड चीज़ें हैं उस सुपर स्ट्रक्चर के अंदर चेंज नहीं आ सकता तो ग्राम्स जी कहते हैं दैट बाय पुटिंग सो मच एम्फेसिस ऑन द इकोनॉमिक बेस एक तरह से मार्क्स ने जो एक विल थी ह्यूमन की टू ब्रिंग अबाउट चेंज उसको कंप्लीटली डिसरिगार्ड कर दिया था फर्दर मो उन्होंने जो सुपर स्ट्रक्चर था जिसकी हमने बात की इन द फॉर्म ऑफ रिलीजन पॉलिटिक्स स्टेट सिविल सोसाइटी राइट उस सब को उन्होंने रिडांडन करार दिया राइट दैट दे आर ऑल डिपेंड इन दे आर नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ द इकोनॉमिक बेस एंड जब तक आपका इकोनॉमिक बेस ट्रांसफॉर्म नहीं होता तब तक आपके सुपर स्ट्रक्चर के अंदर जो है कोई चेंज नहीं आ पाएगा राइट ना बिकॉज ऑफ दिस रीजन ग्राम्स जी कहते हैं मार्क्स की जो प्रिडिक्शंस थी उनके अंदर प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम राइट नाउ ग्राम्स जी कम्स द इकोनॉमिक बेस इज इंपॉर्टेंट आपको सुपर स्ट्रक्चर को भी इन इट्स ओन राइट पढ़ने की जरूरत है ठीक है तो ये जो बेस सुपर स्ट्रक्चर का एक मॉडल बनाया है मार्क्स ने जहां पे यहां पे इकोनॉमिक्स है एंड बाकी ऊपर ये सुपर स्ट्रक्चर है जरूरी है हम इस सुपर स्ट्रक्चर को भी पढ़ने की कोशिश करें इसे समझने की कोशिश करें ठीक है अब इस सुपर स्ट्रक्चर के अंदर वेरी इंपॉर्टेंटली ग्राम्स जी एक जो डेवलपमेंट लाते हैं दैट इज डिविजन ऑफ टू वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर जिसके कारण वो कहते हैं कि ऑफन चेंज इन द इकोनॉमिक बेस भी स्टॉल कर दिया जाता है बाय द डोमिनेंट क्लास Right, सबसे पहले ये कहते हैं एक एंटिटी जो एग्जिस्ट करती है इसको वो नाम देते हैं स्टेट का या फिर पॉलिटिकल सोसाइटी का ठीक है ये वो कहते हैं गवर्न करती है लोगों को थ्रू कोअर्शन थ्रू फोर्स एंड इसके पार्ट्स क्या है इसके पार्ट्स है जो कि हम फॉर्मल स्टेट के एलिमेंट्स देखते हैं The judicial administrative structures, right? तो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स है तो फॉर एग्जांपल जो आपका एग्जीक्यूटिव हो गया जो आपकी ब्यूरोक्रेसी हो गई जो आपके जो है लेजिस्लेचर हो गया जो कि लॉज बना रहा है राइट right? आपके जो जुडिशल सिस्टम हो गए कि जहाँ पे लॉज तोड़े जाते हैं उनको कितनी पनिशमेंट मिलेगी वो बताएगा आपके सिस्टम्स ऑफ जेल्स हो गया जो कि इन पनिशमेंट्स को एक तरह से मेट आउट करने में हेल्प करते हैं आपकी मिलिट्री एंड पुलिस का जो है एक पूरा स्ट्रक्चर हो गया तो एक तरह से ये कुवर्शन से फोर्स से थ्रेट से आपको कंट्रोल कर रहे हैं कि अगर आपने लॉस को नहीं माना तो आपको ये पनिशमेंट सुनाई जाएगी अगर आपने ज्यादा जो है रिजिस्ट किया या वायलेंट इंसर्जेंसी लाए तो हम आपके अगेंस्ट जो है पुलिस फोर्सेस, आईटीबीपी, मिलिट्री कुछ भी जो है हम आपको आपके अगेंस्ट छोड़ सकते हैं जिसके कारण जो है आपको फोर्स के थ्रू कंट्रोल किया जाएगा राइट नाउ ही दिस इज द वेरी विजिबल पार्ट ऑफ द स्टेट और द पोलिटिकल सोसाइटी इसके अलावा एक और जो बहुत एलिमेंट इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो कि पॉइंट आउट करते हैं ग्राम्स जी दैट कम्स इन द फॉर्म ऑफ सिविल सोसाइटी ग्राम्स जी कहते हैं ये जो पोलिटिकल सोसाइटी एंड सिविल सोसाइटी या ये स्टेट एंड सिविल सोसाइटी जो हो गया इसको इकट्ठे मिलकर ये एक कॉम्पोनेंट बनाता है जिसको बुलाते हैं इंटेग्रल स्टेट ऑफन हम क्या करते हैं हम फोकस सिर्फ इस पर करते हैं यही मार्क्स का भी फोकस था स्टेट स्टेट एज द हैंड मेडन ऑफ द बुर्जुआ या इवन वेन ही टॉक्स अबाउट द रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट जो कि अगेन न्यू मार्क्सिज्म से हमने लिंक किया था अब वो कहते हैं कि यहां पे आपकी जो सिविल सोसाइटी है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ स्टेट या पॉलिटिकल सोसाइटी फोर्स या कोवर्जन से रूल करता है वहीं सिविल सोसाइटी रूल्स वाया कंसेंट ये लोगों के अंदर कंसेंट जनरेट करती है व्हाट इज कंसेंट व्हेन आई विलिंगली अग्री टू समन रूलिंग में वैन आई विलिंगली अग्री दैट डोमिनेट क्लास को ही जो है मुझे रूल करना चाहिए ठीक है अब ये जो रूल टू कंसेंट है ये कहते हैं ये एक और तरह से पॉसिबल इसलिए होता है बिकॉज जितने भी इस सिविल सोसाइटी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं दे आर मच क्लोजर टू द बेस कौन कौन से हैं ये एलिमेंट्स दीज एलिमेंट्स कैन बी लाइक प्राइवेट एंटरप्राइजेस राइट जो आपकी वेरियस कंपनीज हो गई कॉर्पोरेशन हो गई राइट right? वेरियस जो हैं आपकी आ, और आ, 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 से सोसाइटीज़ हो गई जैसे कि एन जी ओज एक्सेट्रा जो कि आप चला रहे हैं राइट right? आपकी एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गई चाहे आप यूनिवर्सिटीज़ की बात कर लीजिए स्कूल्स की बात कर लीजिए राइट right? ये सब भी इसका हिस्सा हो गई राइट right? चाहे आप रिलीजन की बात कर लीजिए ये भी जो है इसी सिविल सोसाइटी का हिस्सा होते हैं अब दीज आर मच क्लोजर टू द बेस मच क्लोजर टू द बेस ये कैसे हैं कि ये अब ग्राम्स जी इमेजिन कर रहे हैं एक सैंडविच की तरह कि नीचे अगर इकोनॉमिक बेस है और ऊपर अगर इंटेग्रल स्टेट का जो हमारा पॉलिटिकल सोसाइटी है या फिर हमारा जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट है तो इन दोनों के बीच में जो है ये यहाँ पे लाए करती है आपकी सिविल सोसाइटी है ना अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप खुद ही इमेजिन करो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर हमें एक कैपिटलिस्ट है कैपिटलिस्ट को अपने काम चलाने के लिए आजकल तो हमें टेक्निकल मैनेजेरियल लोग चाहिए राइट वो टेक्निकल मैनेजेरियल लोग कहाँ से आते हैं वो लोग आते हैं आपकी यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटीज में हमको क्या सिखाया जा रहा है हाँ जी बहुत बढ़िया इंजीनियरिंग कीजिए एमबीए कीजिए उसके बाद आपने क्या करना है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है कहीं पे मैनेजर बनना है कहीं पे कंसल्टिंग की जॉब में जाना है राइट आर यूनिवर्सिटीज हम यही बोलते हैं ना वन ऑफ द दॉब्लम्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज कि एक तरह से एक मॉब मेटेलिटी वाले मैनेजर्स दे धड़ाधड़ बनाए जा रहे हैं हुआ नेवर क्वेश्चनिंग दी एग्जिस्टिंग सिस्टम जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसी के अंदर फिट होकर वो बस नोट छापना चाहते हैं ठीक है चाहे जो भी जितना भी वो काम कर रहे हो चाहे एक कंसल्टेंट सोचे कि जी मैं तो मेरी तीस लाख की सैलरी है बट इमेजिन करो कि आप ही की कंपनी जो है से 500 सौ करोड़ का प्रॉफिट बना रही है राइट आपकी वो तीस लाख की सैलरी इज नथिंग

भी हम देखते हैं कि वर्कर्स के अंदर या किसी के अंदर भी एक आक्रोश निकल के आता है दैट यू नो वाई थिंग्स आंट वर्किंग आर वे या हम जो है इतने गरीब क्यों हैं हम जो है इतने डिप्राइव्ड क्यों हैं उसको आंसर करने के लिए लेजिटिमाइज करने के लिए ये इंस्टीट्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ अब इमेजिन कीजिए आपकी सिक्सटीज एंड सेवेंटीज़ के अंदर और लॉट ऑफ मूवीज विच हैड कम राइट अमिताभ बच्चन एज दी एंग्री यंग मैन राइट एन एंग्री यंग मैन जो कि गरीब होता है जो कि कॉन्स्टेंटली स्ट्रगलिंग है पर जिसके अंदर मॉरल वैल्यूज बहुत अच्छे हैं तो सिनेमा उस दौरान आपको कंसिस्टेंटली क्या बुला रहा था राइट right? एक वो फेमस डायलॉग है ना जहां पे यू uh, नो you know, uh, अमिताभ टर्न्स टू शशि कपूर अनी सेज यू नो आज मेरे पास बंगला है गाड़ी है बैंक बैलेंस है ये है वो है तुम्हारे पास क्या है अनी सेज मेरे पास माँ है एंड नो दैट माँ इज सपोज टू बी मच मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग इकोनॉमिक माइट तो सिनेमा एक तरह से क्या लेजिटमाइज कर रहा था दैट इट्स ओके इफ़ यूर गरीब इट्स ओके इफ यू आर पुअर एज लॉन्ग एज यूर एथिकल एज लॉन्ग एज यू आर नॉन वायलेंट एज लॉन्ग एज यू आर फॉलोइंग द रूल्स ऑफ द सोसाइटी वेरी गुड गुड वे टू गो सिमिलरली रिलीजन भी किस तरह से जस्टिफाई करता है अगर हम हिंदुइज्म को ही देख लें है ना रिलीजन क्या बोलेगा अरे तुम अभी गरीब हो तुम अभी जो है बहुत मिजरेबल हो यू आर सफरिंग टू अर प्रॉब्लम ये पिछले जन्मों का फल है दैट यू मस्ट अ वेरी ग्रीडी मैन इन योर लास्ट बर्थ या तुमने अपने पिछले जन्म में जो है बहुत ही गंदे काम किए होंगे जिसके कारण तुम इस जन्म में सफर कर रहे हो सो राधा देन राइजिंग इन अ रेवल्यूशन अगेंस्ट से अगेंस्ट द नो है

सिमिलरली एडुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी आपको क्या कर रही है कॉन्स्टेंटली रिमाइंड कर रही है दैट यू नो पढ़ लिख लो राइट पढ़ोगे लिखोगे तो अच्छे मैनेजर एंड कंसल्टेंट बनोगे ठीक है तो यही चीजें जो है इसके कारण एक शॉक अब्जॉर्बर की तरह जो है ये एक्ट करती है ताकि रेवल्यूशन आने से पहले ये लोगों को थोड़ा सुलझा ले बुझा ले उनको बोल दे कि नहीं 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 इट्स नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द सिस्टम ये आखिरकार अगर तुम हार्डवर्क करोगे ना तो तुम्हें जरूर ये मिलेगा और अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो तुम तुम्हें हार्डवर्क की प्रॉब्लम है या तुम्हारे पिछले जन्म में तुमने कुछ गड़बड़ की होगी राइट तो इस तरह से क्या होता है इस तरह से ये जो सिविल सोसाइटी की इंस्टीट्यूशंस हैं ये हेजेमनी बनाने के अंदर हेल्प करती हैं ये हेजेमनी क्या है ये इस रूलिंग थ्रू कंसेंट के अंदर जो है हेल्प करता है जहां पे हमें क्या लगता है कि जो डोमिनेंट क्लास कर रही है वो डोमिनेंट क्लास सही कर रही है अगर हम आज भी इमेजिन करते हम सब के अंदर ये होता है नहीं जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिए हाई आर्ट एंड लो आर्ट का नहीं तो हमें कोई म्यूजियम में ले जाए और हमें कोई दिखाया अरे वाई ये पिकासो है ठीक है, है ये जो है आपका वैनगो है ये जो है आपका यू नो रेमरड है ये सारे फेमस पेंटर्स हैं मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा उनकी पेंटिंग्स क्या हैं बट क्या मेरे अंदर ये ड्रिल कर दिया गया है दिस इज़ वेरी नाइस आर्ट

राइट दैट इज व्हाट दैट इज लो आर्ट राइट यहाँ पे मेरे कोई जो फोक आर्टिस्ट है जो मेरे फोक पेंटर्स हैं राइट तो फॉर एग्जांपल मधुबनी जैसे आर्ट राइट हर गांव-गांव में वो हो रही होती है आर दे क्या उनकी पेंटिंग्स ऑक्शन हो हो के मिलियंस ऑफ डॉलर्स अचीव कर रही है नहीं कर रही व्हाई बिकॉज़ दैट इज लो मतलब उसकी हमें जो है कदर नहीं होती जो डोमिनेंट क्लास बोल देती है दैट हां दिस इज वर्थवाइल दिस इज समिंग जो कि बहुत बढ़िया है हम उसी के ऊपर जो है रिलाई करने लगते हैं और उसी को जो है वैल्यूबल मानने लगते हैं तो हैजिमिनी भी जो है एक तरह से इसी तरह का एक काम करती है जहां पे कॉन्स्टेंटली जो अपरेस्ट है जो आपकी वर्किंग क्लास है उसे कॉन्स्टेंटली रिमाइंड करना चाहती है कि आप जब तक हमारी बात सुनोगे आप एक अच्छी लाइफ जी पाओगे हमारे बिना तो जो है आपका जीना पॉसिबल हो नहीं पाएगा राइट right? तो अब इसी बात को जो है ग्राम फोकस करते हैं कि इस हेजिमनी के कारण जो है कभी रेवोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं हो पाती तो कभी रिलीजन के थ्रू कभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू राइट यहाँ एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है जहाँ पे

दे नेवर फाउंड अफ्लॉ विद वे इन विच इकोनोमी के अंदर ये काम कर रहे थे जिस तरह से ये जो सी डी एस जो है राइट right, और वेरियस इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट बना रहे थे जिसके कारण इवेंचुअलीउ टू बर्स्ट जिसके कारण जो वर्किंग क्लास पॉपुलेशन थी देर दैट वोइंग टू सफर तो वो वही पॉइंट आउट करते कि किस तरह से आज भी हमारी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज में यही चीजें जो है सिखाई जा रही है एट द कॉस्ट ऑफ होम एट द कॉस्ट ऑफ द वर्किंग क्लास एट द कॉस्ट ऑफ द मिडिल क्लास टू प्रॉफिट हुए बिग कैपिटल right? तो को तोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जो, के अंदर करता जो, है, जो की प्रैक्टिस की जाती है थ्रू दिस सुपर स्ट्रक्चर का जो इंटेग्रल स्टेट है पर्टिकुलरली सिविल सोसाइटी इसके ऊपर उन्होंने जो है ध्यान नहीं दिया था अब वो कहते हैं इस हेजमिनी को टैकल करने के लिए और एक रेवोल्यूशन लाने के लिए हमें दो फ्रंट्स पे वॉर जो है करनी पड़ी वन इज द मोस्ट वॉर ऑफ मिनर वॉर ऑफ मनूवर क्या है जिस तरह की इनवेज की थी मार्क्स ने भी दैट इट इज द स्टेट द स्टेट विच इज कंट्रोल्ड बाय द डोमिनेंट क्लास विच इज द कैपिटलिस्ट वर्सेस द वर्किंग क्लास के आपके रेवोल्यूशनरीज तो इनके बीच जो है वॉर होगी और हमने ओवर करना है स्टेट को राइट अब ये बोलना तो बहुत आसान है कि इस तरह की एक वॉर हो जाएगी राइट नाउ ग्रामस्टी कहता है कि ये वॉर तो तभी पॉसिबल होगी ना जब वर्किंग क्लास इस हेजिमिनी से छुटकारा पा पाएंगे राइट और इस हेजिमिनी से छुटकारा पाने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि सिविल सोसाइटी के लेवल पे एक इन्फ्लुएंस के लिए जो एक इन्फ्लुएंस एग्जर्ट हो रहा है एक जो सॉफ्ट पावर है सॉफ्ट पावर क्या होती है हार्ड पावर तो जो आपकी कुवर्जन की होगी सॉफ्ट पावर क्या होती है जो सिंबॉलिक पावर होती है जिसकी हम आज भी बात करते हैं ना यूएसए की सॉफ्ट पावर क्या है ब्लू जीन्स मेकडॉनल्ड्स लिविंग नी अमेरिकन लाइफ वी ऑल वॉन्ट टू गो डू यूएसए बिकॉज अपेरेंटली अगर वहाँ पर टैक्सी ड्राइवर भी बन जाओ लाइफ विल बी मच बेटर देन वॉट इट इज इन इंडिया नहीं तो ये क्या ये आपकी सॉफ्ट पावर है तो अब ग्राम्स्की क्या कहते हैं कि वॉर ऑफ मैनूवर से पहले आपको ये वॉर ऑफ पोजीशन लड़नी जरूरी है जहां पे आप एक काउंटर हेजेमनी बना पाए अगेंस्ट डोमिनेंट क्लास की हेजेमनी जहां पे आप जो वर्किंग क्लास के वैल्यूज हैं जो वर्किंग क्लास के आइडियाज हैं उनके लिए सॉफ्ट पावर जो है जनरेट कर पाए इनफैक्ट यूएसएसआर में भी लेनिन के अंडर ये बहुत कोशिश की गई थी जहां पे उन्होंने वर्किंग क्लास की स्टोरीज वर्किंग क्लास के नॉवलिस्ट उन सबको बहुत ज्यादा बढ़ावा देने की कोशिश की थी तो एक एग्जाम्पल होगा आई डोंट नो इफ यू विल बी फेमिलियर बट एक रशियन नॉवल है बाय द नेम ऑफ मैक्सिम गिज्म की मदर जहाँ जहाँ पे कम्युनिज्म की लहरें आई है ना वहां वहां पे ये नॉवल बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई है ठीक है तो वॉर ऑफ पोजिशन के अंदर जो है वो एक काउंटर है पेश करने की कोशिश करते हैं जहां पर डोमिनेंट क्लास ने एक तरह से हमारी आंखों पर ये जो कंसेंट पट्टी बांधी हुई है वो खुल सके अब इस वॉर ऑफ पोजिशन के अंदर ये काउंटर है तोड़ने के लिए क्रैमी कहते हैं एक मेन डोमिनेंट रोल जो कि निभाया जाता है इज बाय दिस क्लास ऑफ लीडर्स और ये लीडर्स कौन है ये है आपके इंटेलेक्चुअल्स इन इंटेलेक्चुअल्स को भी जो है वो कहते हैं अब बहुत सारा, बहुत सारा सारे तरह के इंटेलेक्चुअल्स हो सकते हैं इनफैक्ट हर इंसान अपने आप को इंटेलेक्चुअल मान सकता है बट जरूरी नहीं है कि वो टास्क निभा रहा हो इंटेलेक्चुअल्स का टास्क क्या है इंटेलेक्चुअल्स का टू एक्चुअली अवेकिन पीपल एंड टू जनरेट दिस फॉर्म ऑफ इंफ्लुंस अब इंटेलेक्चुअल्स में भी वो दो तो तरह के डिविजन कर देते हैं पहले वो बोलते होते ट्रेडिशनल आपके इंटेलेक्चुअल्स, ट्रेडिशनल इंटेलेक्चुअल्स इमेजिन करो जैसे कि अब कैपिटलिज्म के रईस से पहले फ्यूडलिज्म की एक एज थी राइट right? फ्यूडलिज्म के अंदर फॉर एग्जांपल, हम कहते हैं कि रिलीजन वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रांग एंटरप्राइज है तो आपके जो चर्च फादर्स थे जो आपके आर्कपिशप थे या सोन सोफोत्थ वो एक तरह से इंपॉर्टेंट इंटेलेक्चुअल्स उस दौरान माने जाते थे अब जैसे ही कैपिटलिज्म आया इनकी जो इन्फ्लुएंस थी वो गिर गई ठीक है तो एक तरह से किसी एक क्लास के साथ एसोसिएटेड नहीं है कैपिटलिज्म फ्यूडलिज्म में चाहे आगबिश एक्सेट्रा को आप नोबिलिटी के साथ एसोसिएट कर सकते हैं बट कैपिटलिज्म में ये ना ही वर्कर्स ना ही कैपिटलिस्ट दोनों से ही एसोसिएटेड नहीं है तो एक तरह से ऑटोनॉमस या न्यूट्रल होने की बात करते हैं

आपकी रिलेटिवली एक हाई क्लास डोमिनेंट क्लास से बिलोंग करते थे बट लोगों के दर्द के कारण जो है इस तरफ आ गए इमेजिन करो अगर मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल दूं तो इमेजिन करो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स फॉर अगर हम वर्किंग क्लास या प्रोलेटेरियट को भी इमेजिन करें हम कैसे लोगों को देखते हैं गांधी नेहरू दोनों क्या दोनों ही हाई कास्ट हाई क्लास के अंदर पैदा हुए हुए बट उनको लोगों के साथ बड़ी एसोसिएशन थी तो वो लोगों के चैंपियंस बन गए बट वो क्या है असिमिलेटेड इंटेलेक्चुअल्स है एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स की बात करें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ठीक है बी आर अम्बेडकर जो कि दोनों ही एक लोअर कास्ट एंड लोअर क्लास से निकल के आए और अपने अपने लोगों की बात जो है उन्होंने वो आगे रखने की कोशिश की अब ये ऑर्गेनिक इंटेलेक् वर्किंग क्लास के लिए कहां से निकल के आएंगे भीमराव अंबेडकर किस तरह से तो तरह से से पॉसिबल हो पाए थे बिकॉज़ ऑफ तो उसी भी यही कहते हैं कि वर्किंग क्लास को जब आप एडुकेशन दे रहे हैं उनके अंदर सिर्फ टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल एडुकेशन जो है प्रमोट करने की जरूरत नहीं है सिर्फ उनको ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज की जो एडुकेशन है उसके साथ भी दे हैव टू बी इंट्रोड्यूस टू देम राइट दे हैव टू बी एबल टू रीड थ्रू दिस ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज ताकि उनके अंदर अवेयरनेस उठे विद रिगार्ड टू दे एक्सप्लॉयटेशन एक्सप्लोइटेशन एंड उनके क्लास से जो है एक ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल्स जो है उभर पाए जो कि उनकी वॉर ऑफ पोजिशन जो है जिसके साथ वो एक और टर्म कॉल्ड पैसिव रेवोल्यूशन को लिंक करते हैं जिसको बुलाते हैं ट्रेंच वॉरफेयर क्योंकि ये धीरे धीरे ओवर टाइम चलती जाएगी राइट धीरे, धीरे 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 जो है हम इन्फ्लुएंस जनरेट करने की कोशिश करेंगे एंड फाइनली जब वो इन्फ्लुएंस जनरेट हो जाएगा जब एक काउंटर हेजेमनी इस्टेब्लिश हो जाएगी तो हम स्टेट के अगेंस्ट जो है एक अच्छा वॉर ऑफ मनूवर लॉन्च कर सकते हैं और एक नया जो है डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलिटेरियट इंड इवेंचुअली मे बी कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है पॉसिबल हो पाए ठीक है तो इस तरह से ये ग्राम्स जी के कुछ बेसिक थॉट्स थे एक बेसिक इंट्रोडक्शन थी थॉट्स दिस माइंड मैप ताकि इजिली रिमेंबर हो इजिली आप रिवाइज कर पाए इनके अब सारे डिटेल्ड जो आइडियाज हैं उनको हम प्रॉपर डिटेल में स्कॉलर्स की एग्जामिनेशन के के साथ जो है आगे दिए गए आपके डिटेल लेक्चर्स के अंदर जो है वो हम देखेंगे वो हम पढ़ेंगे इन टूडेज लेक्चर वी विल बी लुकिंग एट माइंड मैप ठीक है इस माइंड मैप के थ्रू एक हमारा मकसद क्या होता है कि किस तरह से हाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एकदम नीचे से हम शुरू करें जो सबसे फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट हैं हम उनसे शुरू करें एंड कैसे उनके ऊपर बिल्डअप करके लिंक किए जा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स है different, different hey, तो इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड दैट वेयर डू वी स्टार्ट फ्रॉम वॉट एस्पेक्ट कैन बी लिंक टू विच और अदर आइडियाज राइट क्योंकि जब हम वो समझ जाएंगे तो हमारी जो इंटर लिंकिंग की पावर है वो मच बेटर हो जाएगी और जब हम इन इंटर लिंकेजेस को समझने लगेंगे हमारे आंसर्स के अंदर भी जो एक एनालिटिकल स्किल्स है हमारी वो बेटर बाहर आके जो है वो दिखने लगेंगी राइट सो दैट इज द पर्पज ऑफ माइंड मैप ए अंडरस्टैंडिंग इंटर लिंकेजेस एंड हाउ दैट एनालिसिस कैन बी and एंड कि आपके रिविजन पर्पज के लिए जो है स्पेशली फॉर थिंकर्स ये बहुत ही अच्छे साबित हो सकते हैं ठीक है अब हैना अरेंट जो है एक बहुत ही यूनिक पर्सपेक्टिव पेश करती हैं राइट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रियलाइज जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा दैट इन द सिलेबस आफ्टर अ स्पेट ऑफ इतने सारे जो है मेल थिंकर्स आते हैं उन मेल थिंकर्स थिंकर मेल फिलोसफर्स में से एक लौती जो थिंकर आती है जो कि वुमेन है दैट इज हैना अरेंट ठीक है अब है ना रेंट के अंदर एक और चीज जो है इंपॉर्टेंट है जाननी सबसे इंपॉर्टेंट तो ऑब्वियसली है उनका कॉन्टेक्स्ट एंड अ रेंट क्या थी अ रेंट एक जर्मन जूश फैमिली से आती थी जो कि जर्मनी से भागे थे एंड फाइनली यूएस में जाके वो सेटल हुई थी गिवन द राइज ऑफ नाजिज्म एंड होलोकॉस्ट जो कि विटनेस किया था होलोकॉस्ट क्या था कि जब हिटलर के रेजीम के अंदर

ज्यादा फ्लारिशिंग हुई नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अ रेंट बिलोंग्स जैसे कि हम आगे चल के देखेंगे उनकी मेथोडोलॉजी भी जो है बहुत ज्यादा यूनिक है राइट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन मेथोडोलॉजी हम कर चुके हैं बट अ यूनिक पर्सपेक्टिव जो कि हैना की तरफ से आता है इज द फैक्ट दैट उन्होंने बोला कि जो भी मैं लिख रही हूं वो जो मेरा काम है जो मेरे थॉट्स है जो मेरे आइडियाज़ हैं इट्स नॉट टू जस्टिफाई एक पर्टिकुलर स्कूल के जो फीचर्स हैं या किसी आइडियोलॉजी के जो पर्टिकुलर आइडियाज़ हैं बल्कि आई एम राइटिंग व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस व्हाट आई हैव ऑब्जर्व एंड व्हाट आई मेक आउट ऑफ ह्यूमंस बिहेवियर जो कि मैंने अपने आस होता हुआ देखा है राइट right? तो हम स्कूल्स आइडियोलॉजीज की बात करते हैं इससे पहले भी हमने जितने थिंकर्स हैं उनको इस इस पर्सपेक्टिव से देखा है राइट तो फॉर एग्जांपल जब हम बात कर रहे थे प्लेटो की हमने आइडियलिज्म की बात की जब हम बात करते हैं हॉब्स की लॉक की मिल की हम स्कूल ऑफ लिबरलिज्म की बात करते हैं उसके अंदर भी हम उनको फिट बिठाने की कोशिश करते हैं राइट जैसे कि जब हम लॉक की बात करते हैं हम उनको क्लासिकल लिबरलिज्म के साथ लिंक करते हैं सिमिलरली हमने बात की थी जे मिल में कि किस तरह से वो नेगेटिव और पॉजिटिव लिबरलिज्म के स्कूल को ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं वहीं मार्क्स ऑनवर्ड जो है कम्युनिस्ट थॉट जो है शुरू हो गया जो मार्क्सिस्ट थॉट है उसका एडवेंट होता है ग्राम के अंदर हमने बात की उसके एक सब स्कूल नियो मार्क्सिज्म की राइट तो किस तरह से हर थिंकर का एक थॉट जो है इट इज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ पर्टिकुलर स्कूल बाउंड्रीज विद अ पर्टिकुलर आइडियोलॉजिकल थॉट ना रेंट को अब इन पर्टिकुलर स्कूल्स या आइडियोलॉजिकल थॉट्स में फिट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिकॉज वी सी द चीज ऑलमोस्ट लाइक दिस फ्री फ्लोइंग रिवर शी टू कंस्ट्रेन हर सेल्फ शी सेज़ आई एम राइटिंग फॉर माई सेल्फ तो मुझे मत बताओ कि आपने अरे अभी तो आप इस स्कूल में थी अभी तो आप एरिस्टोटलियन थी अभी आप जो है थोड़ी लिबरल भी दिख रही हैं अभी आप हमें जो है थोड़ी सी आपके अंदर थोड़े से मार्क्सिस भी फिनोमिन आ रहे हैं इवन दो आप कम्युनिज्म को तो इतना क्रिटिसाइज करती हैं ठीक है तो बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से मिलजुल के जो है अरेंट निकल के आती हैं राइट और ये जो यूनिकनेस ये जो पेक्यूलरिटी है अरेंट की दिस इज व्हाट मेक्स हर एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थिंकर ठीक है एन एक्सट्रीमली लेयर्ड थिंकर एंड एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स थिंकर राइट तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सबसे पहले जब मैंने अरेंट को मेंशन किया है मैंने क्या लिख दिया है उनके साथ आई हैव रिटन दैट शी इज एसोसिएटेड विद थिंकिंग विदाउट बैरियर्स राइट यही चीज वो अपने साथ भी जो है एसोसिएट करती थी टाइम एंड अगेन राइट मैं अपने आप को थ्रू अ स्कूल या आइडियोलॉजी के साथ मैं अपने आप को लिमिट नहीं कर रही हूँ माई थॉट्स एंड आइडियाज विल फ्लो एज दे आर फ्लोइंग एंड मैं कोई बैरियर मैं कोई हिंड्रेंस मैं कोई रिस्ट्रेन नहीं लगा रही हूँ उनके ऊपर एंड देट इज वाई वी सी अरेंट जम्पिंग फ्रॉम वन कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट टू दी अदर एंड दैट इज वाई वी ऑल्सो सी कि जैसे जैसे अरेंट खुद इवॉल्व होती हैं जैसे जैसे उनके थॉट उनके बिलीव्स के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है उनके आइडियाज के अंदर भी जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन एक एवोल्यूशन चार्ट किया जा सकता है यही आइडिया उनकी मेथोडोलॉजी में बहुत ज्यादा इन्ग्रेंड था क्या थी ये मेथोडोलॉजी? राइट right? ये मेंशन कर देते हैं ये है फेनेमिनोलॉजी की ना फेनेमिनोलॉजी इज एन एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स मेथोडोलॉजी जो कि हम फिलोसफी के अंदर पढ़ते हैं ठीक है नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस पॉल साइंस के अंदर रिसर्च मैथडोलॉजीज का जो है एस्पेक्ट इंक्लूडेड नहीं है इन द पेपर राइट तो आपको ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं उतनी ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ती जैसे कि से सोशियोलॉजी ऑप्शनल एक्सेट्रा को पढ़नी पड़ती है बिकॉज उनके सिलेबस में ये इंक्लूडेड है ठीक है फिनेमिनोलॉजी आप बहुत बेसिक तरीके से समझ लीजिए राइट right? जो कि आपको बस याद रखने के लिए ज़रूरी है राइट सो लॉट्स ऑफ पीपल लाइक आ, इन सब ने जो है ये यूज की थी ये जो फिनमोलॉजी की मेथोडोलॉजी है जिससे इंस्पायर होकर आपकी अरेंट ने भी उठाई अब बेसिकली ये मेथोडोलॉजी कहती है कि हम क्या करते हैं अगर हमने हॉब्स को देखा है हमने लॉक को देखा है राइट एंड हैपेंड इज कि उनकी थ्योरी के अंदर उन्होंने भी उनका भी स्टार्टिंग पॉइंट क्या था एक्सक्यूज <coughs> मी जैसे कि हमको याद होगा ह्यूमन यूनिट था है ना ह्यूमन नेचर से हमने शुरुआत की थी पर उनका आइडिया ऑफ ह्यूमन नेचर कैसा था बहुत ही एक फिक्स्ड एंटरप्राइज था ऑफ अ रैशनल ह्यूमन है ना ये डिफरेंसेस थे दैट फॉर हॉब्स इट वाज मोर नेगेटिव रैशनैलिटी थी बट आल्सो पावर सीकिंग था सेल्फिश था ऑन द अदर हैंड फॉर लॉक अगेन रैशनैलिटी थी बट गुडविल सिंपथी इन सब ओरिएंटेड था बट अगर हम इन बाकी चीजों को हटा दे एक रैशनैलिटी लॉजिक इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस था उनका अरेंट जो है अब आती है और कहती हैं कि ये एक फिक्स्ड ह्यूमन नेचर का आइडिया जो है समझना राइट फेरेमोनोलॉजी के अकॉर्डिंगली ये उतना जो है करेक्ट नहीं है पीपल कैन हैव मल्टीट्यूड ऑफ एक्सपीरियंसिस पीपल कैन हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिव कॉन्शियसनेस कॉन्शियसनेस जो कि आपके एक्शंस को ड्राइव करती है ठीक है सो डिपेंडिंग ऑन आफ्टर स्टार्टिंग लोगों के ये एक्सपीरियंस लोगों की ये कॉन्शियसनेस लोगों का जो बिहेवियर है हम चार्ट आउट कर सकते हैं उसके बेसिस पे कुछ थ्योरीज कुछ थाट कुछ आइडियाज़ राइट right? जिसके बेसिस पे वो सारा अपना काम जो है वो डेवलप करती है राइट तो बहुत ही एक रूडिमेंट्री वे के अंदर दिस इज़ वॉट यू मीन बाय फेनेमिनोलॉजी वेन यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑट पीपल्स एक्सपीरियंसिस एक्टिव कॉन्शियसनेस दे आर बिहेवियर सो एज टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है राइज दे सकता है टू सच अंटायर फिनियोलॉजी जो है फिनमिनोलॉजी के साथ एसोसिएटेड होता है अब क्योंकि एक ह्यूमन एक्सपीरियंस ह्यूमन कॉन्शियसनेस ह्यूमन बिहेवियर उनका स्टार्टिंग पॉइंट बन गया दैट इज वाई द वेरी बिल्डिंग ब्लॉक For Arend's thought and theory and theory theory her her philosophy happens to be what her theory of action. action common parlance में बात करते है, मैं आपको पूछू what is, it, what is action? हम क्या बोलेंगे जैसे कि हमने इंग्लिश ग्रामर में समझा हुआ है एक्शन क्या है तो हम कोई भी जो परफॉर्मिंग या डूइंग टास्क है उसको हम एक्शन बोल देते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, है ना

हमने देखनी है कि कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट वेस्टर्न फिलोसफी थ्रू आउट वेस्टर्न पोलिटिकल थाट वन थिंग दैट वी लुकड एट इज दिस कॉन्स्टेंट डिबेट बिटवीन दिस वर्ल्ड मटीरियल एंड एक्शन एंड आइडियाज है ना आपको याद होगा प्लेटो हमने किया था एंड प्लेटो के अंदर वी हैड टॉक्ट ऑफ थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जिनमें वो क्या कहते हैं कि परफेक्ट क्या है आइडियाज या फॉर्म्स जो है आप परफेक्ट फ्लॉलेस एंटिटीज है ना एंड ये आइडियाज ये परफेक्ट फॉर्म्स को हम अंडरस्टैंड कैसे कर सकते हैं इनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं क्या बोला था प्लेटो ने वाया कंटेम्पलेशन जो पॉसिबल कैसे होती है थ्रू रीजन जो कि अवेलेबल था हमारे फिलोसोफर किंग एंड बाकी हमारे जो मैन ऑफ गोल्ड थे जो गवर्निंग क्लास थी उनके अंदर ये अवेलेबल था ठीक है तो उनको क्या बोला गया कि आप कोई काम मत कीजिए आपका काम नहीं है काम करना हमने रखी हुई है स्पेसिफिक क्लासेस रखी हुई है हमने काम करने के लिए आप बैठे आप थिंक कीजिए आप कॉन्टेप्लेट कीजिए ताकि आप इन आइडियाज को इन फॉर्म्स को समझ सकें उनको आप अचीव कर सकें है ना तो कॉन्स्टेंटली हमने वेस्टर्न फिलोसफी में देखा है दैट थिंकिंग आइडिएशन कॉन्टेम्पलेशन वॉज गिवन अ हायर स्टेटस देन एक्शन देन डूइंग समथिंग है ना इनफैक्ट इसी तरह का एक जो हयाकि है वो इससे डिफरेंट है जैसे कि अरेंट बोलेगी बट जैसे कि गांधी की अगर हम थॉट भी आगे करेंगे और अगर हम इंडिया की भी इन जनरल बात कर लें हम बोलते हैं ना एक मेंटल वर्सेस फ़िज़िकल लेबर की एक हयाकि ड्रॉ की हुई है है ना एक सिंपल हयाकि है जैसे कि अगर मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं बैठ के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स में डेवलप कर रहा हूँ तो मैं अपना मेंटल लेबर अप्लाई कर रहा हूँ वहीं अगर मैं यू you नो know, एक कार मैकेनिक हो गया और चाहे तब भी मैं एक इंजीनियरिंग की प्रॉब्लम ही रिजॉल्व कर रहा हूँ बट बिकॉज दैट इन्वॉल्व फिज़िकल लेबर ना देट जो वो जॉब है उसको हम उतना अच्छा नहीं मानते

ग्राम्स जी स्पेशली ने इस पर फोकस किया था मार्क्स ने भी किया था बट हमने ग्राम्स जी के दौरान अगेन इस पर काफी फोकस किया था कि जहाँ पे सिर्फ थ्योरी नहीं बट हाउ वी पुट थ्योरी इन टू एक्शन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है तो यही जो एक नंजम है ये अरेंट भी फेस करती हैं विच इज कि एक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या कॉन्टेम्पलेशन

तुम बैठ के सोचते रहो वहाँ पे आके कोई टोटेलिटेरियन रजीम स्टैब्लिश कर देगा हॉलो चला देगा तुम बैठ के बस सोचते रहना है ना क्या कर लिया तुम लोगों ने सोच सोच के यू कूडन प्रिवेंट स्टालिन यू कूडन प्रिवेंट हिटलर तो पॉइंट क्या है तुम्हारा है ना बिकॉज अरेंट इज कमिंग फ्रॉम दैट कॉन्टेक्ट शी सीन ऑल ऑफ दैट एंड सो सो दैट इज शी दिस आइडिएशन इन फैक्ट प्लेटो इज वन ऑफ द पीपल्स एच ई पर्सन एच ई हाईली क्रिटिसाइज जैसे पॉपर का जो थॉट आता है दैट इज समथिंग दैट इवन अ रेंट एसोसिएट्स विद राइट इवन अ रेंट इज अज एडवोकेट ऑफ ओपन सोसाइटी ठीक है खुली सोसाइटी लिबरल सोसाइटी अपने थॉट एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की छूट होनी चाहिए जो कि प्लेटो प्रिवेंट करते थे अपने रिपब्लिक के अंदर राइट right? तो अब उन्होंने क्या बोला उन्होंने बीटा एक्टिवा दैट इज एक्शन को एक हायर स्टेटस दिया देन बीटा कॉन्टेम्पलेटिवा विच वॉज कॉन्टेम्पलेशन ठीक है अब इस एक्शन के अंदर भी जो है उन्होंने फर्दर सब डिविजन्स कर दी राइट शी सेज यू कांट लुक एट एक्शन एज जस्ट बींग वन सॉर्ट ऑफ डेफिनेशन शी सेज एक्शन के भी जो है वेरियस फॉर्म्स होते हैं एंड उनके अंदर भी जो है एक हयाकी है सबसे पहला एक्शन दैट शी टॉक्स अबाउट इज द बेर मिनिमम दैट वी डू शी कॉल्स इज लेबर और एनिमल लेबर ऑन अब आपको ये टर्म ही सुन के जो है समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब क्या होगा क्या मतलब है दैट इस दिस दिस एक्शन दीज वर्क्स दीज परफॉर्मिंग एक्ट्स आंट रियली यूनिक टू ह्यूमन बीइंग्स दीज आर समथिंग जो कि हर लिविंग स्पीशी कर रहा है बिकॉज बेर मिनिमम नेसेसिटी एक जो जिंदा रहने की राइट टू बी एबल टू स्टे अ लाइव वी नीड दीज एक्शन राइट सो एक्शन लाइक ब्रीदिंग वी नीड टू ब्रीथ यू डोंट हैव टू गो टू स्कूल टू अंडरस्टैंड ओ आई नीड टू ब्रीथ टू स्टे अ लाइव यू अंडरस्टैंड राइट इवन वन यू आर अ चाइल्ड एंड यू ट्राई टू होल्ड योर ब्रेथ फॉर वे टू लॉन्ग राइट जब आप अपना uh, सांस बहुत ज्यादा देर तक uh, होल्ड करने की कोशिश करते हैं वोट यू रियलाइज यू स्टार्ट

पानी पीने के बिना हम नहीं रह सकते जैसे प्यास लगेगी भूख लगेगी इवन अ स्मॉल बेबी नोज राइट सो दैट बेबी इज हंग्री दैट दैट बेबी हाउलिंग क्राइंग आई टू बी फेड सिमिलर इज द केस विद इवन एनिमल्स है ना सबको एनिमल्स को भी पता है तभी हम बोलते हैं माइग्रेट क्यों करते हैं जब एक जगह बहुत सर्दी हो रही है और उनको पता है मुझे खाना खाने की जो है मेरी सोर्सेस खत्म हो जाएंगी वॉट विल द एनिमल्स डू दे विल फ्लाई ऑल द वे समवेयर जहां पे समर है जहां पे एडिक्वेट रिसोर्सेस है जिनके थ्रू वो अपने आप को फीड कर सके तो इसमें कोई रैशनैलिटी की जरूरत नहीं है जो कि ह्यूमन बींग्स के पास है दिस इज समथिंग दैट इज इवन अवेलेबल टू एनिमल्स राइट दिस इज समथिंग विच इज इवन अवेलेबल टू द मोस्ट बेसिक ह्यूमन टू द मोस्ट बेसिक लिविंग क्रीचर ठीक है तो ये वो बोलती है कि ये माइंडलेस ऑलमोस्ट एक्शन होते हैं ये आपको करना है दे आर ड्रिवन बाय और बेर नेसेसिटी राइट आप इनको करने से रोक नहीं सकते हैं बिकॉज आपको ये जीने के लिए चाहिए ठीक है बट इनके अंदर कोई आपका दिमाग नहीं लग रहा है कोई एक्टिव थॉट नहीं लग रहा है इन एक्चुअली

ठीक है लेबर बेर मिनिमम हम कर रहे हैं बस वो करना ही करना है जिंदा रहने के लिए वर्क हम क्या बोलते हैं uh, कि फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू आस्क योर आस्क अ चाइल्ड राइट वेयर आर योर पेरेंट्स माई पेरेंट्स आर एट वर्क राइट वॉट डज एट वर्क मीन मतलब वो अपने काम पे गए हैं राइट दे आर परफॉर्मिंग वर्क विच मीन्स एक इकोनॉमिक एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रहे हैं जिसके यू नो एक्सचेंज में उनको कुछ पे मिल रहा है तो दैट इज एग्जैक्टली वॉट वर्क इज शी कॉल्स इट होमोफेबर राइट सुशी से ये एक लेवल ऊपर है फ्रॉम लेबर बाय बिकॉज यहां पर जो ह्यूमन बींग्स है ये अपनी क्रिएटिविटी ये अपनी इमेजिनेशन के थ्रू नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं राइट ये नेचर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं इंटू कल्चर इंटू समथिंग विच इज सेमी परमानेंट राइट तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई से माई फादर इज अ बिल्डो

बेसिकली हमारी जितनी इकोनॉमिक एंटरप्राइजेस हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गई वो सब इस वर्क के अंदर आती हैं राइट दे आर डन फॉर अ सर्टेन पर्पस जहां पे हम नेचर को ट्रांसफॉर्म नेचर क्या होता है एज थिंग्स एग्जिस्ट अराउंड अस एंड कल्चर क्या होता है कल्चर इज व्हाट इज ह्यूमन मेड जिसके ऊपर ह्यूमन इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी लगती है नॉट जस्ट आर्ट नॉट जस्ट यू नो आर्किटेक्चर बट एनी एनीथिंग समथिंग इवन मंडेन लाइक आपके स्कूल का सिलेबस क्रिएट करना राइट दैट इज ऑल्सो वर्क दैट इज ऑल्सो क्रिएशन दैट इज ऑल्सो कल्चर जहाँ पे कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती थी उसके ऊपर हमने अपनी क्रिएटिविटी लगाई और हमने ये एक नई चीज बना दी राइट right? तो इसको वो वर्क बुलाती है ये बोलती है इसके अंदर सेमी परमानेंट चीजें बन रही हैं बट ये भी हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्शन नहीं है ये भी ट्रू ए ट्रू नेचर नहीं है ह्यूमन बींग्स की एक्चुअल में ट्रू सेंस और नेचर कहा से निकल के आती है फ्रॉम द दर्ड कैटेगरी विच इज दाइस्ट लेवल जिसको नाम ही एक्शन देती हैं राइट जिसके साथ क्या एसोसिएट करती वो टर्म शी कॉल्स इट जून नाउ यहां पर एरिस्टोटलियन इन अरेंट इज कमिंग आउट रिमेंबर हमने एरिस्टोटल में भी किया था एज अ स्टार्टिंग पॉइंट दैट मैन इज बाई नेचर अ सोशल एंड पोलिटिकल एनिमल वही चीज जो है अब यहां पे भी इन करती हैं कहती है कि दूएस्ट फॉर्म ऑफ एक्शन जो कि ड्राइव करता है एक सोसाइटी को इज दिस पॉलिटिकल एक्शन Of people coming together as a public and politically being active, तो एक जो वो active citizenry का concept था जो कि exist करता था Aristotle के अंदर, वैसे ही active citizen वाला concept जो है, जब लोग इकट्ठे मिलके politically एक दूसरे के साथ engage कर रहे हैं, ये जो है is the truest most perfect form of action जो कि present होता है Arendt के सामने। इस political action के अंदर भी जो है, वो कुछ features chart out करती हैं। पहली चीज ये कहती है इस फ्रीडम या यूनिकनेस फ्रीडम क्यों अब जैसे कि हमने मिल में पढ़ा था फ्रीडम यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास फ्रीडम नहीं होगी तो हम अपने यूनिक थॉट प्रेजेंट कैसे करेंगे ऑल ह्यूमंस हैव यूनिक थॉट्स राइट वी ऑल हैव डिफरेंट था वी ऑल हैव डिफरेंट वेज इन विच वी अंडरस्टैंड पीपल इन विच वी अंडरस्टैंड सोसाइटी इट्स फॉर एग्जाम्पल इवन इन द मोस्ट बेसिक सेंस इफ आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वेस्टर्न पोलिटिकल थिंकरस एंड आई सू नो सो एंड सो हैपन्स टू बाई फेवरेट थिंकर राइट जरूरी नहीं है दट माई फेवरेट थिंकर इज ऑल्सो योर फेवरेट थिंकर एंड इवन इफ टू पीपल हैव द सेम थिंकर राइट जिनको वो सबसे अच्छा मानते हैं जरूरी नहीं है द रीजन्स माइट बी द सेम राइट तो जो पर्सपेक्टिव है जो ओपिनियन है हर इंसान की वो डिफ़रेंट होती है एंड उस यूनिकनेस को बाहर आने के लिए ऑब्वियसली आई नीड द फ्रीडम राइट इफ आई हैवनिक ओपिनियन बट ऊपर से मेरे को ऑर्डर आ जाए कि कोई अपनी जो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है तुम्हारे पास एंड इफ यू से एनीथिंग थिंग टू वॉट द गवर्नमेंट इज सेंग यूट बिहाइंड बज कैन आई एक्सप्रेस दैट यूनिकनेस कैन आई एक्सप्रेस दैट नेटैलिटी जिसको हम बोल सकते हैं नेटैलिटी नेटिव से एसोसिएटेड जहां मैं एक यूनिक जगह से आती हूँ राइट right? मैं नहीं कर पाऊंगी सो दैट इज माई फ्रीडम इज अ प्री रिक्विज टू बी एबल टू एक्सप्रेस माई यूनिकनेस तो तभी पे मैंने फ्रीडम एंड यूनिकनेस दोनों को चार्ट आउट कर दिया है फैक्ट right? के अब मैंने बोला हर इंसान के पास एक यूनिक ओपिनियन है देर आर मल्टीपल पीपलबल राइट सबसे पहली ठीक है अगेन रिजेक्शन ऑफ प्लेटो रिमेंबर प्लेटो ने क्या किया था हायरार्की ऑफ क्लासेस बना दिया था हायरार्की ऑफ पीपल बना दिया था यही सेम चीज अब आपकी अरेंट ने भी देखी थी अंडर नाजीज्म जहां पे उन्होंने क्या बोल दिया आर्यन रेस बेस्ट बाकी सब जीरो ठीक है बाकी सबको हम गैस चेंबर भेज देंगे सो शी इज अगेंस्ट द सॉर्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हायरार्की वो कहती है एक इक्वालिटी है हर किसी के पास इक्वल अधिकार है टू प्रेजेंट यूनिक ओपिनियन एंड जब हर कोई अपनी इस यूनिक ओपिनियन को आगे रखेगा तो क्या होगा व्हाट विल बी केटर टू डाइवर्सिटी अगेन यहां पे यू कैन इन्वोक एरिस्टॉटल एंड क्रिटिसाइज प्लेटो के रिमेंबर एरिस्टॉटल ने प्लेटो अगेंस के अगेंस्ट क्या कहा था टू मच यूनिटी हो रही है आप एकदम से खत्म कर देंगे हर किसी की यूनिकनेस खत्म कर देंगे डाइवर्सिटी दैट इज अ सिमिलर थॉट दैट इवन अरेंट इज पुटिंग फॉरवर्ड राइट right? तो ये कहती है ये फ्रीडम ये यूनिकनेस ये प्लोरालिटी ये डाइवर्सिटी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना इसी से कनेक्टेड जो है एक और चीज आ जाती है राइट right? कि अब अगर मेरे पास एक यूनिक ओपिनियन है हाउ डू आई एक्सप्रेस इट राइट देर शुड बी सम मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग इट एंड हाउ डू आई एक्सप्रेस इट दैट इज वाया स्पीच अगेन एरिस्टोटल इज रिमेंबर इन वो रिमेबर अबाउट दैट हाउ स्पीच इज सीन एज समथिंग विच इज सो यूनिकली ह्यूमन राइट एनिमल्स किन स्क्वाक इन रोर इन बार इन सुबो इन सोफोथ बट थ्रू ह्यूमन स्पीच हम अपने जो रैशनल लॉजिकल एक्सपीरियंसिस हैं आइडियाज हैं जो हम सोचते हैं जो हम समझते हैं उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं एंड दूसरे इंसान तक रिले कर पाते हैं सो दैट अदर पर्सन ऑल्सो गेट्स द कपेसिटी टू रियली अंडरस्टैंड अस टू लिसन टू अस वाई इज इज देर आई कैन स्टैंड हियर एंड टीच दीज कॉन्सेप्ट बिकॉज आई हैव स्पीच अवेलेबल एंड थ्रू द स्पीच आप मुझे समझ सकते हैं तो उसी तरह से अगर हमने पोलिटिकल एक्शन को पॉसिबल बनाना है ज़रूरत क्या है ज़रूरत है एक मीडियम की एंड वो मीडियम क्या है वो मीडियम आता है इन द फॉर्म ऑफ स्पीच ठीक है जिसके थ्रू हम इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने यूनिक आइडियाज एक दूसरे को बता सकते हैं डिबेट कर सकते हैं डिस्कस कर सकते हैं डिसअग्री कर सकते हैं क्रिटिसाइज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ इंगेज कर सकते हैं एंड इट इज थ्रू दिस एक्शन दैट बिकम्स पॉसिबल वाई स्पीच दिस इज वेयर आगे चल के बोलेंगे अर एंड पावर रेस्ट वेर पावर रिजाइड अब पावर क्या होती है अब ऑफन हम बहुत ही पावर को बहुत ही सिंपलिस्टिक कॉन्सेप्ट में समझते हैं हम जब थ्योरी करेंगे हम पावर को और ज़्यादा ब्रेक डाउन करेंगे पर पावर मोर ऑफनली यू नो जब हम कॉमन बातचीत में बात करते हैं हम बोलते हैं वो बहुत पावरफुल लीडर है राइट right? बहुत पावरफुल है उसके अंदर बहुत पावर है राइट right? या फिर हम बात करते हैं वन समन इज अप्रेसिंग वन कम्युनिटी हैज़ अ लोड ऑफ पावर राइट सो फॉर एग्जांपल द रिच आर वेरी पावरफुल सो दे अप्रेसिंग द पुअर राइट दे आर ट्राइंग टू कीप द पुअर इन दर प्लेस है ना तो ये जो सारे आइडियाज है ऑफ ऑपरेशन ऑफ डोमिनेशन चीज इज दिस इज नॉट पावर ये एक बहुत ही इनकरेक्ट अंडरस्टैंडिंग है पावर की चीज़ लाइक यू हैव टू डिफरेंशिएट पावर फ्रॉम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स है तो फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे कि बात की है देर इज समथिंग कॉल्ड फोर्स ज यू कान इक्वेट पावर विद फोर्स फोर्स इज समथिंग जो कि नेचुरल फिनोमिना के साथ एग्जिस्ट कर सकता है फॉर एग्जाम्पल वेन वी टॉक अबाउट अ सर्टन साइक्लोन दट अ सर्टन साइक्लोन हिट उड़ीसा एंड द विंड जो कि बहुत फोर्सफुल थी है ना बहुत ही ज्यादा फोर्स के साथ आ रही थी कि उन्होंने पेड़ उड़ा दिए घर उड़ा दिए एंड सोन सोफूथ सो शी सीज यू कान इक्वेट पावर विथ फोर्स देन शी सीज अनदर टर्म दैट वी ऑफ एन एंड अपज स्ट्रेंथ इज अ स्ट्रॉग लीडर चीजें स्ट्रेंथ इज नॉट अ कलेक्टिविटी इट इज एट्रीब्यूट ऑफ एन इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर पर्सन एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो है फिजिकली स्ट्रांग हो सकता है मेंटली स्ट्रांग हो सकता है इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सकता है मल्टीपल डायमेंशन में जो है वो स्ट्रांग हो सकता है सो दैट इज ऑल्सो नॉट पावर लास्ट कैन बी समिंग लाइक वायलेंस ऑल्सो अगेन वायलेंस इज नॉट वॉट पावर इज तो आखिरकार पावर है क्या अकॉर्डिंग टू अरेंट अरेंट कहती हैं कि ये जो पॉलिटिकल एक्शन वाया स्पीच जो पॉसिबल होता है दिस इज द फाउंडेशन फॉर पावर पावर इज व्हेन पीपल कम टुगेदर, राइट एंड इकट्ठे आके एक पब्लिक स्फेयर के अंदर अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को वो पेश करते हैं व्हेन दे इंगेज विद ईच अदर टू से सपोर्ट समवन और रिजेक्ट समवन और क्रिटिसाइज समथिंग और डिसएग्री विद समथिंग इन दिस कलेक्टिविटी इन दिस वर्ल्ड ये पावर पॉसिबल हो पाती है ये पावर कोई ऐसे नहीं स्पेस के अंदर पावर पॉसिबल हो स्पेस में पावर नहीं पॉसिबल हो सकती इट इज इन दिस ह्यूमन वर्ल्ड ऑफ कलेक्टिविटी ऑफ पॉपुलेशन की पावर पॉसिबल हो सकती है सेकेंडली शी सीज दैट दिस इज ड्रिवन बाय पर बाय रैशनल कॉन्वर्सेशन तो मैं किसी को फोर्स नहीं कर सकती मैं किसी को अप्रेस नहीं कर सकती मैं किसी को डरा धमका के अगर मैं बोलूँ कि ये मेरी बात है और इसको तुम मानो वो ट्रू पावर नहीं है वो फोर्स है वो वायलेंस है ठीक है दैट इज नॉट पावर पावर इन वर्ल्स वेन आई लेट दी अदर पर्सन के अच्छा तुम्हारे पास भी फ्रीडम है तुम भी अपनी ओपिनियन पेश करो एंड मैं भी पेश करती हूँ एंड थ्रू अ रैशनल कॉन्वर्सेशन आई ट्राई टू परसुएट यू बाई गिविंग यू कॉन्क्रीट फैक्ट्स एंड आइडियाज कि दिस इज वाई आई एम राइट है ना अगेन यहां पे आप इन्वोक कर सकते हो समथिंग इवन लाइक वट बुद्धा यूज टू से कि जब वो बुद्धिज्म प्रीच कर रहे थे वो ये नहीं बोल रहे थे अच्छा मैं एक किंग को बोल देता हूँ कि तुम मेरा स्टेट रिलीजन बना दो एंड ऊपर से इम्पोज कर दो नहीं बुद्धा ने क्या बोला कि डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी टेक्ट जो एग्जिस्ट करते हैं लेट मी हैव अ कॉन्वर्सेशन विद योर लीडर लेट मी एंगेज विद योर लीडर लेट मी हैव अ डिबेट विद योर लीडर एंड उस बेसिस पे अगर आपको लगता है कि मेरे आइडियाज आपको परसवेड कर पाए तो आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा है ना तो ऐसे इंटरलिंकेजेस बनाना भी जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क पावर खुद ब खुद यूनिकली निकल के आती है जब भी लोग एकत्रित होंगे टूगेदर आएंगे तब तब जो है पावर उभरेगी एक चुशी से कि पावर कोई बैटरी की पावर की जैसे नहीं है कि स्टोर करके रख ली है एक बार और उसके बाद जब चाहिए हुई हम निकाल लेंगे एक चूची सेप्टिन पर पेचुएटी

है ना मैकेविली आपको ये बता रहा है कि कैसे कर सकते हो आप इनको कैसे छुपा सकते हो हॉब्स वेरी एंटी राइट ही इवन गिव यू अ फुल पावर टू रिवोल्ट अनलेस आपकी जो है जान जा रही हो अट सीज द पावर मैनिफेस्टेड इन रेवोल्यूशन बिकॉज उनको लगता है रेवोल्यूशन इज एन एरिना जब ये जो एक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पोलिटिकल एक्शन ये अपने आप को मैनिफेस्ट करता है दिस इज वेन द ट्रू सेंस ऑफ ह्यूमन बींगी फंडामेंटल ह्यूमन केपेबिलिटी है एज अ पोलिटिकल एनिमल वो निकल के आती है सोसाइटी right? so के रेल में नहीं होनी चाहिए सिविल सोसाइटी को हम क्या समझते हैं जैसे कि आजकल लिबरल पार्लेंस में बात करते हैं सिविल सोसाइटी इज एसोसिएटेड विद ये वर्क वाला डोमेन नॉट दिस एक्शन वाला डोमेन राइट दैट इज वाई शी है प्रॉब्लम विद इवन फ्रेंच रेवोल्यूशन रोटी कपड़ा मकान के इशू के लिए तो तुम रेवोल्यूशन करने चले गए हो। ये स्टेट का काम नहीं है तुमको रोटी कपड़ा मकान प्रोवाइड करना यह तुम खुद करो राइट right? स्टेट का काम क्या है स्टेट को तुम्हें एक एवेन्यू प्रोवाइड करना है तुम्हारे पास ऐसे पब्लिक स्पेयर अवेलेबल होने चाहिए जहाँ पे तुम कॉन्स्टेंटली एक दूसरे के साथ एंगेज कर सको राइट right? आगे चल के इट्स नॉट रियली रिक्वायर्ड बट इवन दैस दिस अनदर पोलिटिकल फिलोसफर राइट बाय द नेम ऑफ नैन्सी हु हुसो टॉक्स ऑफ द रिक्वायरमेंट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पेयर हेबर मास जिनको हम आगे पढ़ेंगे हेबर मास टॉक्स अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ पब्लिक स्पेयर ठीक है तो ये पब्लिक स्पेयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ पे लोग इकट्ठे आके मिले बात करें और पॉलिटिकल कॉज के लिए फाइट करें विच इज़ वाई शी वॉज अ फैन लिमिटेड फैन ऑफ अमेरिकन रेवोल्यूशन बट अमेरिकन रेवोल्यूशन के बाद भी क्या हुआ कि लोग फिर से कहाँ पर ज़्यादा इंगेज हो गए वर्क में अमेरिकन ड्रीम वॉट इज द अमेरिकन ड्रीम इकोनॉमिक्स

अ रेंट के लिए जब ऐसी इंस्टीट्यूशन नहीं एग्जिस्ट करती हम ह्यूमन एक्शन का एक फॉर्म कब देख सकते हैं सो अरेंट विल बी वेरी प्रो शी विल बी वेरी हैप्पी दैट ब्लैक लाइफ मूवमेंट इज हैपनिंग सेज यस

राइट नाउ शी सेस दैट टोटेटेरियनिज्म एक नए फॉर्म ऑफ रिजीम्स है नए फॉर्म ऑफ रिजीम्स किस तरह से हैं ये टोटेलेटेरिज्म आखिरकार होता क्या ऑफ़ यू माइट नॉट नो दैट इट इज़ एन ऑल कंज्यूमिंग डिक्टेटरशिप ऑल कंज्यूमिंग डिक्टेटरशिप का क्या मतलब है कई बार पॉलिटिकल डिक्टेटर्स भी हो सकते हैं ना पोलिटिकल डिक्टेटर्स बेसिकली आपके पॉलिटिक्स को कंट्रोल करते हैं वो बोलते हैं ये पॉलिटिक्स का मेरा स्पेयर है उसके बियॉन्ड वो आपके पर्सनल एक्सेट्रा में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करते टोटालीटेरियन रिजीम्स इस तरह के होते हैं जो कि सिर्फ पॉलिटिक्स या पब्लिक स्पेयर के ऊपर ही नहीं बल्कि आपके प्राइवेट स्पेयर आपकी प्राइवेट लाइफ हर एस्पेक्ट ऑफ आपका जो लाइफ है उसको वो कंट्रोल करना चाहते हैं चाहे ये आपकी पर्सनल लाइफ हो चाहे आपकी इकोनॉमिक्स हो चाहे आपकी कल्चरल लाइफ हो हर चीज़ को जो है कंट्रोल करना चाहते तो फॉर एग्जाम्पल नाजिज्म के अंदर कि आप कोई और लैंग्वेज नहीं बोलेंगे सिर्फ जर्मन बोलेंगे आप किससे शादी कर सकते हैं किससे शादी नहीं कर सकते कौन सा रिलीजन फॉलो कर सकते कौन सा रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते इनफैक्ट इवन कमिंग डाउन टू हाउ यू शुड लुक है ना तो जिस तरह से उन्होंने क्या दिखाया था जैसे वो एपिटोम ऑफ आर्यन रेस Yeah, blue eyes, golden hair, fair, tall. Right, that is the best. Agar, you know, if you happen to be short and black hair and black eyes, might be you know you should be a Jew. And strangely enough, ironically enough, that's how Adolf Hitler himself looked. है ना तो इस तरह की जो कंट्रोल है कंप्लीट कंट्रोल जो है वो टोटेलेटेरियन रिजीम्स के अंदर देखने को मिलता है एंड यही टोटेलेटेरियन रिजीम्स उन्होंने पॉइंट आउट किए इन द फॉर्म ऑफ स्टालिनिज्म इन यू एस एस आर इन द फॉर्म ऑफ हिटलर्स नासिज़म इन द फॉर्म ऑफ अगर हम आज की बात करें तो इवन कम्युनिस्ट चाइना हम देख सकते हैं कैसे जीजियांग जो उनका प्रोविंस है वहाँ पे जो उनके उइगर मुस्लिम्स हैं उनके साथ जो ट्रीटमेंट हो रहा है जो री एडुकेशन सेंटर्स की वो बात करते हैं ठीक है तो ये सब जो है टोटेलेटेरियन रजीम्स का फिनोमिना है इनफैक्ट हम खुद प्लेटो में देख सकते हैं है ना कि प्लेटो का हम क्यों बोलते हो प्रोटोफासिस था प्रोटो प्रोटोटोटेलेटेरियन था क्यों काल पॉपर उनको इतना क्रिटिसाइज़ करते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि आपने फिलोसोफर किंग बना दिया उसके बाद आप उनके लिए कम्युनिज्म ऑफ वाइज एंड प्रॉपर्टी भी बना रहे हो आप मिथ्स कर रहे हो आप एडुकेशन कर रहे हो कंप्लीट कंट्रोल रख रहे हो आप उनके दिमागों के ऊपर ताकि वो बिल्कुल भी सोच ना पाए राइट right? और इसी बेसिस पे वो कहती है कि आप जो ओल्डर टेरनीज थी अब ऐसी बात तो है नहीं डिक्टेटोरियल या टेरनिकल रेजीम्स पहले नहीं एग्जिस्ट करते थे वो कहती है जो ओल्डर रेजीम्स थे उनमें और नए वाले रेजीम्स में डिफरेंस था राइट सी ओल्डर टेरनीज जो थी उनके अंदर वायलेंस या टेरर जो है दिस वॉज अ मीन्स ये एक वे था एक रास्ता था एक टूल था किसके लिए टू मेंटेन एंड सस्टेन पावर अ तो फॉर एग्जांपल कम्युनिज्म कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन से पहले भी रशिया के अंदर जार्ज का रूल था राइट नाउ द जार्ज वर्ल्ड द बेस्ट ऑफ रूलर्स बट वहाँ पे जब भी उनके जो कोसैक्स एक्सेट्रा होते थे जब वो वायलेंस परपेचुएट करते थे इट वॉज बाई ताकि उनकी पावर को कोई चैलेंज ना करें ठीक है उसके अलावा इतना बड़ा रशिया स्टेट था डेट एंड केयर जो मर्जी करो तुम एज लॉन्ग एज यू आर नॉट क्वेश्चनिंग आर पावर

टेरर इन नॉट जस्ट फिजिकल वायलेंस बट टेरर इवन इन आप उस इंसान से शादी नहीं कर सकते आप ये लैंग्वेज नहीं बोल सकते आप ये रिलीजन फॉलो नहीं कर सकते ये सब भीवर एंड इज नो ब्रेक इन बिटवीन कंटिन्यूसली ये परपेचुएट किया जा रहा है ये पूरा टेरर ही है जो कि उनको लास्ट करवा रहा है ठीक है तो ये जो है टोटेलिटेरिज्म के साथ जो एक बंद गया है वायलेंस जो एक बंद गया है टेरर ये वो बोलती है इनका स्पेसिफिक फीचर है नाउ द क्वेश्चन अराइज इज वट अरेट वॉन्ट्स टू आंसर इज दैट हाउ इज इट दैट दिस टोटेलिटेरियनिज्म पॉसिबल दैट आप किसके साथ लिंक करते हैं विद द प्रॉब्लम ऑफ मॉडर्निटी द इश्यूज मॉडर्निटी के साथ निकल के आए हैं सबसे पहला इशू क्या है दैट इज द राइज ऑफ द सोशल दैट पीपल अब वो किससे हो गए हैं दे हैव बिकम ऑब्सेस्ड विद वर्क हमने बात की होगी आपको याद होना चाहिए ऑफ हम एक्चुअली शायद आगे बात करेंगे वो लिबर्टी ऑफ एंशियंस दैर इज दिस डिफरेंस लिबर्टी ऑफ एंशियंस एंड लिबर्टी ऑफ मॉडर्न ठीक है ये एक ऐसे दिया गया था बाय अर नोलिटिकल स्कॉलर जहां पे वो डिफ्रेंशिएट करते हैं बिटवीन लिबर्टी ऑफ एंशियंस एंड लिबर्टी ऑफ स्कॉलर्स लिबर्टी ऑफ एंशियंस इज बेसिकली द काइंड ऑफ आइडिया जो कि अरिस्टोटल ने आगे रखा था जहां पे हर सिटीजन क्या चाहता है पोलिटिकल लिबर्टी I should be able to be a part of the government. I should be able to express my views. I should be able to, you know, criticize the government. I should be able to perform its tasks. May be a high level of participation हो मेरी politics Mein. Liberty of the moderns on the other hand is the contemporary liberty. जहाँ पे हम क्या कहते हैं government जो मर्जी करती रहे politics में लड़ो झगड़ो parliament में जो मर्जी law बनाओ मेरे personal affair में मेरे साथ मे कोई interfere मत करो. ठीक है यू वॉन्ट यू वॉन्ट टू डिटैच योर प्राइवेट फेयर वन फ्रॉम द पब्लिक फेयर यू चेरिश योर प्राइवेट फेयर तो मेरे को जो मर्जी कंपनी चलाने दो मेरे को जितना मर्जी प्रॉफिट बनाने दो मेरे को जितना मर्जी नेटफ्लिक्स देखने दो मेरे को जो मर्जी खाने दो उसके बियॉन्ड तुम जो मर्जी करो आई डोंट केयर ठीक दैट देर इज डिसेजमेंट फ्रॉम द पोलिटिकल्स फेयर हम आज भी देखते हैं कि जैसे जैसे यू नो स्पेशली हम बात करते हैं कि जैसे जो अपर मिडिल क्लास है या जो रिच है उसके अंदर हम क्यों बोलते हैं कि उनकी जो वोटिंग की परसेंटेज है वो कम हो जाती है वो बोलते अरे सब ही चोर है सब करप्ट है यू you नो know, अरे छुट्टी मिली आज तो यू you नो know, तो हमारे दॉपोरेट ऑफिस हमको छुट्टी मिली वोट डालने कौन जाएगा चलो लेट्स गो टू अ क्लब लेट्स गो टू अ रेस्टोरेंट लेट्स गो ईट समथिंग लेट्स गो इन्जॉय लेट्स वॉच अ मूवी रेट्स वी डो वॉन्ट टू इंगेज इन द पोलिटिकल इनफैक्ट वी आर रिसीडिंग बैक इन द प्राइवेट ठीक है एंड ये जो लिबर्टी ऑफ मॉडर्न है दिस इज वॉट इज प्रॉब्लमैटिक वाई बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली सिर्फ वर्क पे फोकस कर रहे हो आप एक्शन जो पोलिटिकल एक्शन था उसको कंटिन्यूसली भूल गए हो एंड इस राइज ऑफ सोशल के कारण एक ये जो ऑब्सेशन विद वर्क एंड रिसीडिंग बैक इन टू द प्राइवेट स्फेयर था उसके कारण एक और प्रॉब्लम क्या हुई कि आपका जो पूरा पब्लिक रैम था द रैल ऑफ पोलिटिकल एक्शन वो खत्म हो गया वो ए हो गया आपने कभी उस लीडर को ड्यूरिंग द राइज ही क्वेश्चन

राइट right. अब हमने देखा है कि किस तरह थे उन्होंने एक्शन को थिंकिंग से ऊपर माना था है ना इन लेटर वर्क्स नाउ शी स्टार्टस अंडरस्टैंडिंग दैट नो इवन थिंकिंग इज इंपॉर्टेंट बट इज ऑल काइंड ऑफ थिंकिंग इंपॉर्टेंट अगेन जैसे कि उन्होंने एक्शन को बाइफरकेट किया इस मेंटल कंटेंप्लेशन को भी जो है उन्होंने सब डिवाइड कर दिया है ना क्यों क्योंकि अब वो यूएस से जब वो जर्नलिस्ट थी वो जाती हैं जेरुसलम जहां पे आइकमिन नाम का एक जो ब्यूरोक्रैट है अंडर द नाजी रजीम उनका ट्रायल चल रहा होता है अब आइकमिन क्या बोलता है आइकमिन के डिफेंस क्या है आइकमिन कहता है देखो मैं तो एक सिविल सर्वेंट हूँ है ना मैं एक सिविल सर्वेंट हूं टॉप बॉस ने ऑर्डर भेजे कि भैया इतने लोग मारने हैं गैस चेम्बर्स में तुमने डालने हर कोई कर रहा है ये पब्लिक पॉलिसी है ये गवर्नमेंट का स्टांस है तो मैंने चुपचाप ऑर्डर्स फॉलो किए आई डिड माई ड्यूटी आई डिड आई वॉज टोल्ड सो हाउ केन यू होल्ड मी लाइबल फॉर दिस ऑफेंस इट इज नॉट ऑन मी आई did मैं तो अपना काम कर रहा था ठीक है ये मुझे बोला गया था तो इसलिए मैं कर रहा था है ना अब हम भी यही करते हैं कि जब ब्यूरोक्रैट्स मन गए ऊपर से ऑर्डर आ गए हमने वो पढ़ ली डिटेल्स अच्छा इस तरह से स्कीम लागू करनी है इस तरह से पॉलिसी लागू करनी है हम क्रिटिकली उसको एनालाइज नहीं करते एंड इस बेसिस पे अरेंट का आता है जो ये लेटर वर्क है वेर एनशी डिफरेंशिएट्स बिटवीन नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग विच इज अ मोर लॉजिकल मैकेनिकल रैशनलिस्टिक वे ऑफ थिंकिंग है ना कि अब हमको अपने दिमाग तो अप्लाई करना पड़ेगा कि ऊपर से अगर कोई स्कीम आई है कि आपने ये जो है यू नो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो है आपने हर किसी को ये राशन प्रोवाइड करना है इस इस तरीके से कि आधार उनका लिंक्ड हो तो फिर आप पॉइंट ऑफ सेल पे जाके वो अपनी उंगली लगाएंगे बायोमेट्रिक लगाएंगे आइडेंटिफाई हो जाएगा उतना राशन जो है आप उनको पकड़ा दीजिए है ना तो ये नोइंग अंडरस्टैंडिंग इस एंड अनालिस की तो रिक्वायरमेंट है अगर हमने उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना है वेरी मिकैनिकल वे ऑफ थिंकिंग जहाँ पे आपको जो बोल दिया गया आपने वो प्रोसेस किया और आपने उसको ढंग से कर दिया इसके बियॉन्ड रेस्ट इज थिंकिंग और रीजनिंग विच एनेबल्स इज जजमेंट विच इज वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये आपको बताता है कि जो आप ये जो मैकेनिकली काम कर रहे हो क्या वो मॉरली एथिकली क्या वो सही है या वो गलत है राइट right? आप सिर्फ उसको अप्लाई नहीं करते आप उसके साथ इंगेज करते हो एंड तभी वो यूज करती है कांटियन एक टर्म विच इज नोन एज इन लार्ज ठीक है जहां पे हमें क्या लगता है कि जो बोल दिया गया बस वो मैं कर लूँ अगर हम उसको क्रिटिकली क्वेश्चन नहीं करेंगे एज एन एंटायर कम्युनिटी तो वो एक कलेक्टिव फेलियर होगा हम सब की तरफ से कि हम ये जो हमारे ऊपर इम्पोज किए जा रहे हैं कंसिस्टेंटली टेरेबल लॉज आफ्टर लॉज और हमने उनको क्वेश्चन नहीं किया तो क्या बचा है ना हम कई बार कंटेम्परी यूजेज में भी यूज़ करते हैं यू नो फर्स्ट दे केम फॉर द कम्यूनिस्ट एंड आइडेंसी एनी थिंग देन दे केम फॉर द जूज एंड आइडेंट सी एनी थिंग देन दे केम फॉर द डिसेबल्ड एंड आइडेंसी एनी थिंग एंड देन दे केम फॉर मी एंड दे वॉज नो वन लेफ्ट टू स्पीक फॉर मी तो यही प्रॉब्लम होती है जब हम थिंक रीजन हम क्रिटिकली एनालाइज हम क्रिटिकली जो है जज नहीं करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस क्या आ जाता है हमारा क्राइसिस ऑफ जजमेंट आ जाता है ये क्राइसिस ऑफ जजमेंट आप सिर्फ ऑप्शनल में नहीं इनफैक्ट एथिक्स के पेपर्स में भी यूज़ कर सकते हैं राइट तो फॉर एग्जाम्पल अगर हमको एसोसिएट करना हो ये आज के कंटेम्प्रेरी से इंडियन कॉन्टेक्स्ट के साथ हम कितनी बार पढ़ते हैं वही हम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट का अगर एग्जाम्पल लेके आधार का लिंकेज विद योर राशन कार्ड्स वीव कम अक्रॉस सो मेनी इंसिडेंट्स वेर इन वीव सीन दैट यू नो पीपल वेंट एंड क्योंकि उनका आधार लिंक नहीं था या इंटरनेट नहीं चल रहा था राशन वॉज डिनाइड टू दैम कि हम आपको नहीं दे सकते क्योंकि हम तो रूल्स फॉलो कर रहे हैं एंड एंटायर फैमिलीज हैव डाइड आउट ऑफ है ना वो क्या है यू माइट बी फॉलोइंग द रूल्स बट दैट इज अ क्राइसिस ऑफ जजमेंट ठीक है एंड ये क्राइसिस ऑफ जजमेंट ही जो है हमें प्रिवेंट कर देता है टू अंडरस्टैंड कि हम खुद कितने बड़े मॉन्स्टर्स बन सकते हैं राइट दिस इज़ द बनालिटी ऑफ ईविल राइट कि कोई मॉन्स्टर्स जो है वो हॉरर मूवी से निकल के नहीं आते वो कोई गब्बर या कोई और किसी शो के अंदर या किसी भूतिया कहानी में नहीं होते हैं बट इंडिविजुअल्स वन दे फेस दिस क्राइसिस ऑफ जजमेंट हैव द एबिलिटी टू डेम सेल्स बिकम मॉन्स्टर्स बिकॉज वो अपनी इमेजिनेशन अपने एथिक्स को अप्लाई नहीं कर रहे हैं एंड किस तरह से बाई फॉलोइंग द रूल्स वी कैन कॉज डेथ्स ऑफ सो मैनी पीपल राइट वी कैन कॉज हॉरर एंड टॉर्चर टू सो मैनी पीपल राइट सो ये इशूज़ जो है इनके साथ बात करती है इनके ऊपर चर्चा करती हैं अरेंट अपने काम पर right? जिनको हमें देखने की चार्ट करने की ज़रूरत है राइट right? सो so इस तरह से आप जो माइंड मैप है उसको आप बना सकते हैं